हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पवन चौधरी। वेलकम टू एन एकेडमी। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप लेक्चर इज लाइव। तो बड़े बहुत बहुत दिनों से आप लोग करंट अफेयर का वेट कर रहे थे, और जैसा कि मैं पिछले 4-5 सालों से हर साल आपको जो करंट अफेयर है वो एग्जाम के पहले 2 बार हम लोग करंट अफेयर आपको पढ़ते हैं। तो एक बार तो हम लोग एग्जाम के तकरीबन 1 महीना पहला, और उसके बाद कम से कम एग्जाम के 15 दिन पहले एक बार हम पढ़ते हैं। तो अभी एक ये लेक्चर है, और दिस इज द सारथी करंट अफेयर जो मैगजीन आती है उसका पूरा करंट अफेयर। दिस इज द पार्ट वन ना, पहला भाग इसका आपको है। और ऐसे कम से कम 3 से 4 जो मैराथन है, 3 से 4 मैराथन हम लोग आपको लेंगे। आई थिंक 4 मैराथन में, 4 से 5 मैराथन हो जाएगी। तो 5 मैराथन लेक्चर में आपका पूरा सिलेबस या पूरा जो करंट अफेयर है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं पहले बता देता हूँ कि करंट अफेयर में क्या क्या चीजें हैं। एक तो पूरा आपका करंट अफेयर, क्या क्या चीजें इसके अंदर आपको शामिल होगी, पूरा एमपी करंट अफेयर, उसके बाद नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, समिट्स और नेशनल स्पोर्ट्स और एमपी स्पोर्ट, जितना भी करंट है एमपी से लेकर नेशनल इंटरनेशनल पूरा करंट अफेयर। उसके साथ में आपका यूनियन बजट 2023-24 वाला, फिर यूनियन इकोनॉमिक सर्वे, एमपी बजट, एमपी इकोनॉमिक सर्वे, एकदम समरी में, शॉर्ट शॉर्ट में। तो तमाम टॉपिक आपको होंगे, 4 से 5 मैराथन आपको होगी। एक मैराथन आज है, एक 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 दिन छोड़ के मैराथन आपको होगी। एक आज होगी, फिर परसों, फिर एक एक दिन छोड़ के, है ना, 2 दिन छोड़ के, सॉरी, हाँ आज होगी, फिर बुधवार को, आज क्या संडे है, मंडे है, टुडे इज अ संडे ना, हाँ संडे है, तो वो होगी वेडनेसडे को, तो वेडनेसडे को होगी, और फिर सैटरडे संडे होगी। तो 3-4 मैराथन हम लोग अगले पूरे सप्ताह में उसको अपन खत्म कर लेंगे, है ना। मतलब अभी वेडनेसडे, फिर सैटरडे संडे कंटिन्यू होगा 2 दिन तक, तो वो 3-4 लेक्चर में हम लोग उसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो मैराथन है, मतलब थोड़ा सा लंबा लेक्चर होगा। अगर आप लोग खाना पीना नहीं खाया हो तो थोड़ा नाश्ता वाश्ता कर लो, तो 2-2.5 घंटे तक अपन इसको खींचेंगे ना, 2-2.5 घंटे तक पढ़ेंगे, मतलब खींचना मतलब 2-2.5 घंटे तक आपको पढ़ेंगे। तो जितना मेरा कैपेसिटी होगा, क्योंकि एज यू नो कि मैं ज्यादा मतलब बोर्ड पर पढ़ाना थोड़ा सा मुश्किल होता है लंबे समय तक, बट आई विल ट्राई कि हम 2 से 3 घंटे तक पढ़ें। और आप लोग भी कॉपी पेन वगैरह लेके बैठ जाओ, तो जो भी चीजें हैं आप साथ में नोट डाउन भी करते जाओ। पीडीएफ में जरूर, पीपीटी जरूर दे दूंगा मैं, लेकिन साथ में आप थोड़ा बहुत नोट डाउन भी इसको करते जाओ। ठीक है, तो चलिए तो शुरू करते हैं लेक्चर को। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अन अकेडमी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट अभी ऑफर आया है, एंड दिस ऑफर इज अन अकेडमी प्लस पास। ठीक है, अब देखो, नॉर्मली आप जब अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन लेते हैं जो प्लस वाले स्टूडेंट, तो ठीक है, लेकिन कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास प्लस नहीं है, या वो प्लस को एक बार आजमाना चाहते हैं कि प्लस किस तरीके से आपको काम करता है, तो उसके लिए वो अन अकेडमी प्लस पास का उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए आपको जस्ट इस कोड को स्कैन करना है, और कोड को स्कैन करने के बाद यू कैन गो टू द एक अनादर पेज, वहां पर जाके आप 49 रुपीज पे करके 7 डे का जो फ्री ट्रायल है वो 7 डे का फ्री ट्रायल ले सकते हैं। ये 15, 16, 17, 16 है, कल ही आखिरी है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन आप नहीं कर पाएंगे। और आपको नॉर्मल भी सब्सक्रिप्शन लेना हो जा सकते हैं, आपको देखने के बाद लगे सब्सक्रिप्शन अच्छा है या मतलब अच्छे तरह से पढ़ाया जा रहा है, तो आप उसको अपने रेगुलर प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको कन्वर्ट कर सकते हैं। साथ ही जिद करके एक बैच आ रही है जिसके अंदर 30 डे का एक रिविजन बैच है जो कल से स्टार्ट होगा 17 से, और इस बैच में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, इस बैच में मैं आपको पढ़ाने वाला यूनिट नंबर 7, है ना, 7 यूनिट जो है साइंस एंड टेक वाला। तो पूरा साइंस एंड टेक का यूनिट जो है वो उसके अंदर मैं आपको कंप्लीट, बहुत कम बच्चे लाइव है यार, जितने लोग तुम लोगों को जितने बहुत जोर से पढ़ना आ रहा था उतने बच्चे तो नहीं है। मैंने कम से कम 150-200 बच्चे एक्सपेक्ट किए थे, तो उसका तो 1/4 भी नहीं है। जितनी दूर से तुमको पढ़ना था ना, करंट अफेयर पढ़ा दो पढ़ा दो, तो भाई पढ़ा है ना, तो फिर कहाँ हो। ठीक है, तो ये मैराथन जो सीरीज है, ये आपका जिद करके एक बैच आपको आ रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट बैच आपको है, जिसके अंदर पूरा सिलेबस जो है अन अकेडमी के माध्यम से आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं। तो आप इस बैच को भी जाके स्टोर पे जाके परचेज कर सकते हैं। साथ ही जेल प्रहरी और वनरक्षक का भी कोर्स है, कंप्लीट कोर्स ऑन एमपी जीके भी है, फिर हिस्ट्री को लेके एक कोर्स अंशु सर का ऑलरेडी आपको आ चुका है। ठीक है, कई सारे बैच कोर्सेज भी आपको है, सबके लिए आपको सिंपल मेरा कोड पवन लाइव यूज करना है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, 6 अप्रैल को एक बैच आई थी जिसमें पूरा एनुअल मतलब पूरा फाउंडेशन बैच था। 17 अप्रैल को एक बैच कल से आ रही है जिसमें पूरा जीत सीरीज है, और ये जीत सीरीज है 20 अप्रैल से, जिसमें हम लोग आपको पढ़ाने वाले हैं अबाउट द एमपीएसआई, और जो एसआई वगैरह के बच्चे हैं या कॉन्स्टेबल के बच्चे हैं तो उनके लिए एक बैच आ रही है। तो 2-3 इंपॉर्टेंट बैचेस अभी आपको आ रही है, और इन बैचेस को आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, तो ये तमाम बैचेस आपकी हैं और ये तमाम चीजें होगी। चलिए, ये तो बात हुई सब्सक्रिप्शन के बारे में। अब अभी आज का हमारा एजेंडा क्या है, क्या क्या टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं, और इसकी स्लाइड बहुत बहुत मेहनत से स्लाइड बनाई है, इसकी बहुत ज्यादा मेहनत से, इसकी
फ्लाइट देख के आपको बड़ा अच्छा लगेगा। बहुत ज्यादा मेहनत लगी उसको बनाने में, और वैसे इसके ऊपर व्यूज और व्यूज भी आना चाहिए यार, नहीं तो मजा नहीं आएगा। चलिए तो पहले हम लोग कवर करेंगे हुज इन मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में प्रमुख पदों के ऊपर आपको कौन है, उसके बाद हुज हु इन इंडिया, भारत के अंदर प्रमुख पदों पे कौन है, फिर हुज हु इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड के अंदर जो इंपॉर्टेंट जो पोस्ट है ना, चाहे यूएन हो गए, बाकी ऑर्गेनाइजेशन हो गई, तो उनके इंपॉर्टेंट पदों पर कौन है, और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे मध्य प्रदेश का नॉर्मल करंट अफेयर की मध्य प्रदेश में क्या क्या चीजें हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। तो फिर एमपी, उसके बाद एमपी को भी मैंने डिवाइड कर रखा है, एमपी को मैंने डिवाइड कर रखा है एमपी की स्टेट न्यूज, एमपी के अवार्ड, एमपी के कॉन्फ्रेंसेस, एमपी के इकोनॉमी, एमपी का आपका एनवायरनमेंट न्यूज हो गई, या एमपी के स्पोर्ट्स न्यूज हो गई, ठीक है। फिर एमपी की ये तमाम जो खबरें हैं एमपी की, उसको प्रॉपर तरीके से डिवाइड कर रखा, बहुत अच्छे से डिवाइड कर रखा है उसको, फिर नेशनल, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स, और नेशनल की पूरे देश मतलब दुनिया भर की एनवायरमेंटल न्यूज, फिर स्पोर्ट्स, और तमाम टॉपिक उसमें कवर कर रखे हैं, जितनी भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुई है सभी मैंने आपको कवर कर रखा है। चलिए तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं हुज इन मध्य प्रदेश, कि मध्य प्रदेश में प्रमुख पदों पे कौन कौन आपको व्यक्ति, अलग अलग पोस्ट है मध्य प्रदेश में, तो किस पद पे कौन सा व्यक्ति है, साथ में इनके जो स्टैटिक डेटा है वो स्टैटिक डेटा भी हम देखते जाएंगे, ताकि आपको एग्जाम में अगर स्टैटिक डेटा भी आ जाए तो वो चीजें भी रिवाइज हो जाएगी। आप ये समझोगे पढ़ते पढ़ते आपको बहुत सारे टॉपिक हिस्ट्री के, या मतलब ज्योग्राफी, इकोनॉमी के बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं वो भी आपको रिवाइज हो जाएंगे। चलिए सबसे पहले मध्य प्रदेश के गवर्नर की बात करें, तो अभी के समय पे मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं मंगूबाई छगनलाल पटेल, और जो है ये मध्य प्रदेश के 31st गवर्नर, 31वें नंबर के गवर्नर हैं, ठीक है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 154 अनुच्छेद जो 154 है उसके 153 के अंतर्गत अगर देखा जाए, 153 आप दे सकते हैं, तो 153 के अंतर्गत गवर्नर के बारे में बात की गई कि राज्य का, हर राज्य का एक राज्यपाल आपको होगा। और फिर बाद में जब 7th अमेंडमेंट आया, 7वां संशोधन आया, तो उसमें ये व्यवस्था भी दी गई कि एक जो गवर्नर है वो मल्टीपल स्टेट का एक से अधिक राज्यों के गवर्नर भी आपको हो सकते हैं। तो 153 के अंदर आपको गवर्नर के बारे में बताया, 154 में फिर गवर्नमेंट के पावर के बारे में बताया, कौन अपॉइंट करेगा गवर्नर को, तो राष्ट्रपति के द्वारा उनको अपॉइंट किया जाता है ना, और कब तक पद पर रहते हैं, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति के प्लेजर तक आपको पद पर रहते हैं। और टेन्योर अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति, राज्यपाल का जो टेन्योर है, सो टेन्योर इज द 5 ईयर, 5 साल टेन्योर होता है, नॉर्मली 5 साल के लिए अपने पदों पर रहते हैं। और इसमें सिंपल ये लिखा हुआ संविधान में कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, ऑन द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, अपने पद पे आपको रखेंगे। मध्य प्रदेश के जो पहले गवर्नर थे पट्टाभि सीतारमैया, ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश के पहले गवर्नर थे 1956 में, 1956-56 में जब मध्य प्रदेश बना, कौन सा मध्य प्रदेश, पुराना मध्य प्रदेश जब था, मतलब मध्य प्रदेश नया अभी वाला जो बना, उस समय पट्टाभि सीतारमैया 1956 में थे। इसके पहले आप देखोगे तो इसके पहले 4 स्टेट में आपको डिवाइडेड था, 4 अलग अलग भागों में डिवाइडेड था, जहां पर जो मध्य भारत था वहां पर एक राजप्रमुख हुआ करते थे, एंड द राजप्रमुख इज जॉर्ज जीवाजी राव सिंधिया, जो मध्य भारत के राजप्रमुख हुआ करते थे, ठीक है। उसके बाद हम लोग अगर बात करें आपके रीवा स्टेट की, तो रीवा पहले बी और फिर सी कैटेगरी में आपको चला गया, सेम भोपाल स्टेट भी सी कैटेगरी में चला गया, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश बनने के बाद 1956 में मध्य प्रदेश के पट्टाभि सीतारमैया पहले मध्य प्रदेश के गवर्नर, यहाँ पे पहले राज्यपाल आपको नियुक्त हुए। उसके बाद अगला जो इंपॉर्टेंट पोस्ट है वो है चीफ मिनिस्टर का, मुख्यमंत्री का पद है। तो अभी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, और शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री 2005 से, 2005 से हैं, बीच में कुछ 1.5 साल के लिए इनका मतलब कमलनाथ मुख्यमंत्री थे, उसके बाद कंटिन्यू है। ये मध्य प्रदेश के सबसे लंबे समय तक रहने वाले, सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर में से आपको एक है, ठीक है, याद रखिए सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग है। कहां पर मेंशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 163 और आर्टिकल 164 में चीफ मिनिस्टर के बारे में डिफाइन किया गया है। हु इज अपॉइंटेड चीफ मिनिस्टर, गवर्नर जो है, राज्यपाल है, वो चीफ मिनिस्टर या मुख्यमंत्री की नियुक्ति आपको करते हैं, और जो भी पार्टी को मेजोरिटी मिलेगी उसके व्यक्ति को मुख्यमंत्री के रूप में अपॉइंट किया जाएगा। मुख्यमंत्री कई सारे अलग अलग जो इंपॉर्टेंट पद हैं उन इंपॉर्टेंट पदों पे आपको होते हैं, जैसे नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन, मतलब उसके मेंबर होते थे, फिर राज्य योजना आयोग के, जो राज्य योजना आयोग के उसके मेंबर आप, उसके चेयरमैन आपको होते हैं, राज्य का जो आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है उस राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के भी चेयरमैन होते हैं, और एक तरह से अपने कैबिनेट के आपको हेड होते हैं ना, जो कैबिनेट होती है राज्य की उस कैबिनेट के यहाँ पर आपको हेड होते हैं। कब तक पद पर रह सकते हैं, वही राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, बट जो जनप्रतिनिधि कानून है उसमें टेन्योर 5 ईयर दिया है कि 5 साल तक अपने पदों पर आपको रह सकते हैं, जब भी उनका पोस्ट स्टार्ट हुआ है उससे 5 साल तक आपको रह सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखिएगा कि कब तक अपने पद पर रह सकते हैं, ठीक है। और सबसे लंबे समय तक रहने वाले
द लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है। उसके बाद और भी कई सारे पोस्ट हैं, जैसे चीफ जस्टिस, पहले मुख्यमंत्री कौन थे, पंडित रविशंकर शुक्ल, ही वॉज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश। उसके बाद तीसरा इंपॉर्टेंट पोस्ट है चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश जो हाईकोर्ट है उस मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस। तो अभी जस्टिस रवि मलिमथ जो है वो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, अंडर आर्टिकल 217 के अंतर्गत इनकी नियुक्ति, इनका अपॉइंटमेंट किया जाता है, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ जजेस की बात करें तो मध्य प्रदेश जो हाईकोर्ट है उसमें टोटल नंबर ऑफ जजेस जो 53 जजेस होते हैं, 53 जजेस होते हैं जो स्ट्रेंथ अभी केंद्र सरकार, मतलब जो स्ट्रेंथ जो है अप्रूव की गई है। तो जैसे 53 टोटल ऑफ नंबर ऑफ जजेस, इसमें से 38 जज जो है वो परमानेंट आपको होते हैं और बाकी कितना बचेगा, 15 बचेगा, तो 15 जो है वो एडिशनल जज आपको होते हैं, अतिरिक्त जज होते हैं। तो 38 जज जो है वो परमानेंट जज मध्य प्रदेश की आपके हाईकोर्ट के अंदर है। अभी खैर बहुत सारे पद खाली पड़े हैं, बट टोटल अप्रूव स्ट्रेंथ आप 53 याद रखिएगा, ठीक है। और मध्य प्रदेश के पहले तो मध्य प्रदेश के पहले जो चीफ जस्टिस थे, है ना, जस्टिस हिदायतुल्ला, ही वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश, जो पहले नागपुर हाईकोर्ट में थे और एज इट इज उनको पूरी उनकी जो बेंच थी एज इट इज उठा के उनको मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में ट्रांसफर कर दिया। और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का जो मुख्यालय या बोल सकते हैं कि मेन जो बेंच है वो जबलपुर में है, उसके अलावा इंदौर और ग्वालियर दो और बेंचेस यहाँ पर आपको बनी है। तो दो बेंचेस हैं, खंडपीठ जिसको हिंदी में बोलते हैं, उसके अलावा एक जो मेन बेंच है वो आपके जबलपुर में आपके। तो जबलपुर को हम बोल सकते हैं कि मध्य प्रदेश की न्यायिक राजधानी या मध्य प्रदेश की जुडिशियल कैपिटल है। चलिए उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट जो पोस्ट है वो है स्पीकर का। तो स्पीकर क्या होता है, स्पीकर विधानसभा के स्पीकर होते हैं। अब मध्य प्रदेश की जो विधानसभा है वो सिंगल हाउस है, सिंगल हाउस या बोल सकते हैं यूनिकैमरल बोल सकते हैं, सिंगल की जगह यूनिकैमरल बोल रहा हूं, यूनिकैमरल है, यूनिकैमरल मतलब एक सदनात्मक आपको है। वैसे जो आपका जो स्टेट रिओर्गेनाइजेशन एक्ट था, राज्य पुनर्गठन आयोग था, उस एक्ट के अंतर्गत मध्य प्रदेश को राज्य विधानसभा और विधान परिषद दोनों के बारे में बोला गया था, लेकिन मध्य प्रदेश में अभी तक विधान परिषद एस्टैब्लिश नहीं किए है। कमलनाथ के टाइम पर उन्होंने कोशिश की थी बिल लाने की, लेकिन वो बिल नहीं लाए, वो सब कुछ वो चीजें हो नहीं पाई। तो मध्य प्रदेश में विधान परिषद के लिए भी प्रावधान ऑलरेडी आपको दिया है, ठीक है। चलिए तो गिरीश गौतम अभी के समय पर मध्य प्रदेश विधानसभा के स्पीकर हैं और आर्टिकल 178 के अंतर्गत इनको स्पीकर का पद दिया जाता है। अब इनका टेन्योर कब तक रहेगा, जब तक विधानसभा रहेगी, है ना, टिल द वो जब तक विधानसभा में रहेगी, जब तक विधानसभा रहेगी तब तक वो अपने पद के ऊपर आपको रहेंगे, या इसके बीच में अगर वो विधानसभा के वो इस्तीफा देना चाहते तो दे सकते हैं, या इट मे बी पॉसिबल कि वो रिजाइन कर दें या उनकी जो सदस्यता है विधानसभा की वो चली जाए, तब उनका पद खाली हो सकता है। अदरवाइज वो पूरे समय तक अपने पद पे आपको रहेंगे। विधानसभा के माध्यम से ही इनको अगर निकालना चाहें तो जो इम्पीचमेंट जैसी जो प्रोसेस होती है कि उसके माध्यम से इनको पद से हटाया जा सकता है। आज तक ऐसी कोई जो ऐसी कोई रिक्वायरमेंट अभी तक आपको आई नहीं है, ठीक है। तो कुंजीलाल दुबे जो है वो मध्य प्रदेश विधानसभा के पहले स्पीकर थे, फर्स्ट स्पीकर इन 1956 के पहले मध्य प्रदेश में चार अलग अलग विधानसभाएं थी, विंध्य प्रदेश विधानसभा, भोपाल विधानसभा, मध्य भारत विधानसभा और मध्य प्रदेश विधानसभा, पुराना वाला मध्य प्रदेश, चारों विधानसभाएं थी। 1 नवंबर 1956 को चारों विधानसभाओं को एक कर दिया गया। उसके बाद मध्य प्रदेश में अभी डिप्टी स्पीकर का जो पद है वो खाली है। कब से खाली है, 2020 से ही खाली है ना, जब हिना लिखिराम करवे, शी वॉज द फर्स्ट फीमेल डिप्टी स्पीकर ऑफ मध्य प्रदेश, और 2020 में जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो उसके बाद से अभी तक किसी भी डिप्टी स्पीकर को अपॉइंट नहीं किया। अभी देखो इलेक्शन आ गए अभी अक्टूबर नवंबर में, उसके बाद फिर अगले बार जब विधानसभा बनेगी तो उस समय पे देखा जाएगा कि किसको अपॉइंट किया जाए। तो अभी तो स्पीकर, डिप्टी स्पीकर का पद खाली है, और आपके एग्जाम होते होते तो यही सब पद रहेंगे। अगर कोई बदलाव होता है तो मैं आपको बता दूंगा। वैसे भी आज 16 अप्रैल हो गई है तो इसके बाद का करंट अफेयर नहीं आएगा ना, कम से कम एक महीने पहले का करंट अफेयर आपको आता है। और ये पूरा करंट अफेयर जो मैं आपको पढ़ाऊंगा ये जनवरी 2022 से लेके तो 15 अप्रैल 2023 तक, ठीक है। तो तकरीबन ये आप देख लो ना, पूरा 12 और 3 15 साढ़े 15 महीने का पूरा करंट अफेयर आपको होगा, ठीक है। ओके, उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट पद है चीफ सेक्रेटरी ऑफ द मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव जिनको हम बोलते हैं, इकबाल सिंह बैस, ये तो चीफ सेक्रेटरी। अब इसकी जहां तक हिंदी की बात है तो हिंदी वाला मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, इसमें कोई ज्यादा हिंदी की जरूरत नहीं है, मुख्य पद है, आप लिख लो इसको। तो हिंदी वाली जो स्लाइड है वो भी आपको मैं ट्रांसलेट करके आपको दिलवा दूंगा, ठीक है। 100 बच्चे चाहिए यार कम से कम, चलो कोई बात नहीं। तो चीफ सेक्रेटरी है इकबाल सिंह बैस, अब ये राज्य के मुख्य सचिव उनको बोला जाता है,
या राज्य के आप चीफ सेक्रेटरी आपको बोला जाता है। अभी राज्य के प्रशासनिक हेड होते हैं, राज्य में जितने भी ऑफिसर थे, जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, उन सभी प्रशासनिक अधिकारियों के जो हेड है वो कौन होते हैं, वो आपके चीफ सेक्रेटरी आपको होते हैं। इकबाल सिंह बैस जो है ये मध्य प्रदेश के अभी तक चीफ सेक्रेटरी है। ये एक तरीके से राज्य के क्या होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, प्रशासनिक प्रमुख होते हैं। मुख्यमंत्री राज्य के क्या होते हैं, मुख्यमंत्री राज्य के यू कैन से कि वो राज्य के आपके जो पॉलिटिकल हेड है, राजनीतिक प्रमुख आपको होते हैं। ठीक है, तो सरकार के प्रमुख और राजनीतिक प्रमुख आपको होते हैं। हु इज द फर्स्ट चीफ सेक्रेटरी ऑफ मध्य प्रदेश, फटाफट बताओ कमेंट सेक्शन में। उसके बाद अगला जो इंपॉर्टेंट पद है वो है लीडर ऑफ अपोजिशन का, विपक्ष के नेता का। तो विपक्ष के नेता अभी जो है वो गोविंद सिंह उनका नाम है। अब देखो विपक्ष के नेता होता क्या है कि एक तो सत्ता पक्ष होता है, सत्ता पक्ष के अंदर जो इंपॉर्टेंट पोस्ट आपको होती है, तो सत्ता पक्ष के अंदर सदन का नेता आपको होता है, सदन का नेता होता है मुख्यमंत्री। तो चीफ मिनिस्टर विल बी द लीडर ऑफ द हाउस, सदन का प्रमुख आपको होता है। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है जिसको हम लोग बोलते हैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन। इसके लिए जो अब एक कानून आपको मध्य प्रदेश में बना है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन एक्ट 1978, उस कानून के अंतर्गत, उस लॉ के अंतर्गत मध्य प्रदेश के जो भी डिप्टी, जो भी आपके विपक्ष के नेता हैं, उनके जो भी पावर, भत्ते वगैरह वगैरह उनको दिए हैं, इनको एक तरीके से अगर देखा जाए तो इनको मध्य प्रदेश के अंदर यू कैन से कि इनको मध्य प्रदेश के अंदर जो कैबिनेट मंत्री है, तो कैबिनेट मंत्री का जो दर्जा है, कैबिनेट मंत्री का दर्जा इनको आपको दिया जाता है। ठीक है, ओके। गोविंद सिंह अभी हैं, इसके पहले कमलनाथ आपको थे। ठीक है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट पद यहाँ पर आपको होता है जिसमें इनका इनका जो एक तरह से क्राइटेरिया ये होता है कि जो भी पार्टी उसको 10% से ज्यादा सीट मिलेगी, 10% उससे ज्यादा सीट, एक तो सत्ता पक्ष हो गया, फिर जो भी विपक्ष की पार्टी जिसको 10% से ज्यादा सीट मिली है उसको फिर यहाँ पर सरकार या एक तरीके से विपक्ष के नेता का पद यहाँ पर आपको मिलता है। तो गोविंद सिंह जो है ये अभी विपक्ष के नेता हैं, और इसके लिए अलग से 1978 में जो विपक्ष के नेता को लेके, या बोल सकते हैं विधानसभा में विपक्ष के नेता को लेके एक कानून ऑलरेडी यहाँ पर आपको बना हुआ, जिसके माध्यम से उनके वेतन भत्ते वगैरह सब कुछ चीजें तय की जाती है। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट जो पोस्ट है वो है एडवोकेट जनरल का। एडवोकेट जनरल या बोल सकते हैं इनको हिंदी में बोलते हैं महान्यायवादी। ठीक है, महाधिवक्ता, सॉरी महाधिवक्ता, तो इसको हिंदी में बोला जाता है महाधिवक्ता। अभी के समय पे कौन है, तो प्रशांत सिंह जो है वो अभी के समय पे मध्य प्रदेश के एडवोकेट जनरल है। कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 165 अनुच्छेद 165 जो है इसके अंतर्गत इनको अपॉइंट किया जाता है। अब देखो इनका मेन काम क्या होता है, पहले जो है वो एम अधिकारी है ना, एम अधिकारी उनका नाम याद रखना, फर्स्ट चीफ जस्टिस, फर्स्ट एडवोकेट जनरल इन 1956। अब देखो इनका मेन काम क्या होता है, इनका काम होता है प्रदेश के अंदर जो भी राज्य सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट के वकील होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के या बोल सकते हैं कि उनके एक जुडिशियल मेंबर या लॉ मिनिस्टर, मतलब आपके वकील के रूप में काम करते हैं। जहां पर भी राज्य सरकार के खिलाफ केस होगा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, तो वहां पर एडवोकेट जनरल जाएंगे। जैसे केंद्र के अंदर आप देखोगे वहां पर अटॉर्नी जनरल होते हैं, महान्यायवादी जिनको हम बोलते हैं, तो वो उसी तरीके से राज्य का केस लड़ते हैं। तो हमारे संविधान में राज्य और केंद्र दोनों के लिए आपको प्रोविजन है। अब इनका पद कब तक रहता है, अब देखो इनका पद कोई फिक्स नहीं है, इनका पद यूजुअली 3-4 साल का आपको होता है, लेकिन जब तक सरकार चाहेगी, जब तक गवर्नमेंट चाहेगी, तब तक ये पद के ऊपर आपको बने रह सकते हैं। जैसे ही गवर्नमेंट ने इनको अपने पद से आपको रिमूव किया तो उसके बाद इनका पद आपको खत्म हो जाता है। जब तक सरकार चाहती है तब तक ये अपने पद के ऊपर आपको, मतलब जो भी सरकार अपॉइंट चाह रही, जैसे इसके पहले जब अपॉइंटमेंट यहाँ पर आपको हुआ था तो बाद में इनका अपॉइंटमेंट, मतलब अभी जैसे रिसेंटली अपॉइंट किया, इसके पहले जो व्यक्ति थे उनका नाम था पुरुषेंद्र कौरव, और पुरुषेंद्र जो कौरव थे तो वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर, एमपी हाई कोर्ट के अंदर जस्टिस बन गए थे, वहां पर वकील जस्टिस के रूप में उन्होंने उनको अपॉइंट किया गया था, तो उसके कारण उनको ये पद यहाँ पर आपको खाली करना पड़ा। और अभी के समय पे आपके प्रशांत सिंह जो है वो मध्य प्रदेश के एडवोकेट जनरल है, मध्य प्रदेश के महान्यायवादी है। चलिए, अब महाअधिवक्ता है। अगला इंपॉर्टेंट पोस्ट है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मध्य प्रदेश के मुख्य चुनाव आयुक्त है। ठीक है, तो राज्य के चुनाव आयुक्त हैं। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो 73rd और 74th जो अमेंडमेंट था, 73वां और 74वां संविधान संशोधन, उसके माध्यम से एक तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है, देश का चुनाव आयोग आपको होता है, उसी तरीके से यहां पर अलग से चीफ इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंट किया। अब ये राज्य में इसको चीफ नहीं बोल सकते, सिर्फ इलेक्शन कमिश्नर आप बोलो, सिर्फ चुनाव आयुक्त बोलो, चीफ नहीं है, क्योंकि एक ही मेंबर होता है, चीफ की जरूरत नहीं, इलेक्शन कमिश्नर आप बोलो। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 243A और 243ZA, ये दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, इनके माध्यम से इनको अपॉइंट किया जाता है। अब देखो दो क्यों, ये पंचायत के लिए है और ये म्युनिसिपल के लिए, दिस इज फॉर पंचायत, दिस इज फॉर द म्युनिसिपल, है ना। ये पार्ट जो पार्ट 9 है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो ये पार्ट 9 का पार्ट है
और ये पार्ट 9A उसका भाग आपको होता है। इनका काम क्या होता है, प्रदेश के अंदर जो भी आपके जो पंचायत और म्युनिसिपल के जो इलेक्शन कराना है, पंचायत और म्युनिसिपल के चुनाव, वो पंचायत और म्युनिसिपल के चुनाव कराना इनका काम है। हर 5 साल में इलेक्शन आपको होते हैं, इस बार थोड़ा सा कोविड के कारण लेट हो गया, 14 के बाद इलेक्शन 2022-23 में आपको हुए, तो इलेक्शन कमीशन कमिश्नर ऑफ द मध्य प्रदेश बसंत प्रताप सिंह अभी के समय पे आपको है। चलिए उसका अगला जो इंपॉर्टेंट पद है वो है इंफॉर्मेशन कमिश्नर का, या हिंदी में हम लोग बोले तो सूचना आयुक्त का। अब इनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, क्या संवैधानिक पद है, बिल्कुल नहीं है। यूनिट नंबर 10 में आपको पढ़ाया था आरटीआई एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। इस अधिनियम के माध्यम से इनका एक मिनट यार, जस्ट वेट। हाँ, तो ये जो सूचना का अधिकार अधिनियम था 2005, इसके माध्यम से इनका अपॉइंटमेंट या इनकी नियुक्ति आपको की गई। और इनका मेन काम होता है कि जो भी सूचना का अधिकार है, राइट टू इंफॉर्मेशन है, उसके अंदर जो भी अपॉइंटमेंट या जो भी रिक्वायरमेंट आपको होती, जो भी अपॉइंटमेंट आपको, जो भी कंप्लेन आती है, जो भी शिकायतें आती है, तो उन शिकायतों का जो उनका निराकरण जो है, वो निराकरण इनके द्वारा यहां पर आपको किया जाता है। जस्ट वेट in middle of something, yeah. चलो छोड़ो, हो गया मेरा। हाँ ठीक है, तो 2005 के अंदर सूचना का अधिकार आयोग, जो सूचना का अधिकार जो आपका कानून था, उसके अंदर अपॉइंट किया। केंद्र के अंदर भी एक इलेक्शन कमिश्नर, वो इंफॉर्मेशन चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं, वैसे राज्य में भी आपको होते हैं। तो राज्य के अंदर अभी इंफॉर्मेशन कमिश्नर या जो मुख्य चुनाव, इनको चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, मुख्य सूचना आयुक्त है मध्य प्रदेश के, उनका नाम है अरविंद कुमार शुक्ला। वैसे देखो इनका अगर देखा जाए तो इनका टाइम पीरियड खत्म हो गया है अभी के टाइम पर, और अभी इनका रीअपॉइंटमेंट या उसको लेके कोई ऐसा आदेश आपको आया नहीं है, तो लास्ट अपॉइंटेड तो यही थे, उसके बाद सरकार ने कोई जानकारी यहां पर आपको नहीं दी है। अगला जो इंपॉर्टेंट पद है वो है डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। अभी के समय पर सुधीर सक्सेना जो है वो मध्य प्रदेश के डीजीपी हैं। अब इसके लिए कोई अलग से कोई कानून वगैरह नहीं है, जो भी राज्य की जो कानून व्यवस्था होती है उसमें सबसे बड़ा जो पद है वो डीजीपी का, या डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, या पुलिस महानिदेशक का आपको होता है। ठीक है, और इनका मेन काम क्या होता है, इनका मेन काम होता है राज्य की जो पूरी पुलिस व्यवस्था है, या पूरा जो लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ एंड ऑर्डर है, उसको कंट्रोल करना, नियंत्रित करना। जिस तरीके से चीफ सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेटिव हेड प्रशासनिक प्रमुख होते हैं, उसी प्रकार से जो डीजीपी होते हैं ये पुलिस के प्रमुख होते हैं, या पूरा लॉ एंड ऑर्डर वगैरह जो पूरा सिस्टम है उसके प्रमुख आपको होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पोस्ट आपको याद रखना। उसके बाद एक और पद है मध्य प्रदेश रेरा, मध्य प्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, या मध्य प्रदेश भू अधिनियम, या भू और भू अधिनियम करके आपको कानून है, इट्स कॉल्ड द रेरा। 2016 में, 2016 के अंदर रेरा कानून आया, रियल एस्टेट रेगुलेशन अथॉरिटी, और उसके चीफ हैं अभी के समय पे एपी श्रीवास्तव। देखो इसका जो मेन काम है इस पोस्ट का या इस ऑर्गेनाइजेशन का, कि जो भी बिल्डिंग वगैरह होती है, जो भी नई कॉलोनीज वगैरह बनती है, कई बार हम लोग सुनते हैं कि कॉलोनाइजर फ्रॉड करके लोगों के साथ भाग गया, या लोगों ने कॉलोनाइजर को पैसा नहीं दिया, बड़ी प्रॉब्लम आपको होती है। तो इसके लिए जितने भी रियल एस्टेट सेक्टर है पूरे भारत में, उसको रेगुलेट करने के लिए इसको बनाया गया। अब कोई भी अगर नई कॉलोनी बनेगी, जैसे आप भी अगर कहीं प्लॉट खरीदना चाहते हो, कोई कॉलोनी है, तो पहले आपको यह चेक करना है कि उस कॉलोनी का रेरा रजिस्ट्रेशन है या नहीं, रेरा का नंबर चेक करना। अगर रेरा का नंबर होगा ना, तो ही आपको वहां पर आपको प्लॉट खरीदना है। अब ये आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है कि जब भी आप वहां पर अपना जो भी, ये मतलब जो भी आपका वो खरीदोगे, आप परचेस करोगे आपका, तो जो भी घर वगैरह परचेस करोगे, तो उस समय पे आप जो भी पैसा बिल्डर को देंगे, तो कुछ पैसा वो रेरा अपने पास डिपॉजिट रखता है, और फिर टाइम टू टाइम इनको यहां पर आपको प्रोवाइड करता है। तो एक तरीके से आप लोगों की सिक्योरिटी या हम लोगों की सिक्योरिटी हो जाती है। तो ये रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के जो चीफ है, उनका नाम है एपी श्रीवास्तव। ठीक है, उसके बाद अगला जो पद है मध्य प्रदेश के अंदर, तो द पोस्ट ऑफ द लोकायुक्त का पद है। तो एनके गुप्ता जो है अभी के समय पर मध्य प्रदेश के लोकायुक्त है। अब देखो ये जो आया है लोकायुक्त एक्ट 1981 का, जो लोकायुक्त अधिनियम है मध्य प्रदेश में, उसके माध्यम से इनको एस्टैब्लिश किया, तो जस्टिस एनके गुप्ता है ना, नरेंद्र कुमार गुप्ता। अब इनका जो मेन काम होता है, या वी कैन से कि जो इस पद का जो मेन काम होता है, कि मध्य प्रदेश के अंदर एक कानून है ये जो बताया, उसके बाद केंद्र सरकार का कानून है लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम,
2013 और एमपी का लोकायुक्त एक्ट है आपका 1981 का, 1981 का। अब इनका मेन काम होता है कि राज्य सरकार के जो अधिकारी हैं उन अधिकारियों को कोई भी करप्शन के भ्रष्टाचार के केसेस हैं उन केसेस में अरेस्ट करना, उनके खिलाफ कार्रवाई आपको करना। कई बार आप सुनते हो कि लोकायुक्त की टीम ने उसको पकड़ लिया, उसको पकड़ लिया। तो इनके पास एक बड़ी टीम होती है और वो टीम क्या करती है, जो भी करप्शन के केसेस वगैरह आपको उनको अरेस्ट करती है। अब इसी के अगर कंटेम्प्री हम लोग देखें तो केंद्र के अंदर एक पद होता है, उसको एक पोस्ट होती है, उसको बोलते हैं सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, केंद्रीय सतर्कता आयोग। तो जिस प्रकार से जो सीवीसी है वो केंद्र में होता है, उसी प्रकार से राज्य के अंदर आपका लोकायुक्त होता है। केंद्र के अंदर लोकायुक्त के साथ में जो लोकपाल है, लोकपाल का भी पद होता है, लोकपाल अधिनियम 2013 के अंतर्गत। तो वो पूरा मैंने आपको पढ़ाया था यूनिट नंबर 10 में, लोकपाल लोकायुक्त सब कुछ आपको मैंने अलग अलग आपको बताया था। तो ये एनके गुप्ता अभी के समय पे मध्य प्रदेश के लोकायुक्त हैं, नहीं अभी काफी टाइम से हैं, ठीक है। उसके बाद अगला जो पद है वो है चेयरमैन ऑफ द एमपीपीएससी, एमपीपीएससी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के चेयरमैन। तो राजेश लाल मेहरा है ना, ये मध्य प्रदेश पीएससी के अभी के समय पे चेयरमैन है और इनका मतलब एक तरीके से वही कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट है, संवैधानिक पद है, अनुच्छेद 324 के अंतर्गत इनको अपॉइंट किया जाता है। और मेन काम होता है पूरा पीएससी को मैनेज करना, जो ये बहुत अब कैसे कर रहे हैं आप जानते ही हैं, ठीक है। 19 की एग्जाम फिर से हो रही है, 20, 21, 22 अब आप दे रहे हो, तो 19, 20, 21 तीन साल की चीजें हैं। और इनका बोलना है कि हम लोग चुनाव के पहले सब कुछ निपटा देंगे, चुनाव के पहले ये 19-20 वाला पूरा वो जो पूरा जो भी चल रहा है सब कुछ उसको रिजॉल्व करके उनकी नियुक्ति दे देंगे, उनका अपॉइंटमेंट आपको कर देंगे। अब देखते हैं क्या होता है। तो मध्य प्रदेश पीएससी के चेयरमैन है राजेश लाल मेहरा। उसके बाद मध्य प्रदेश फाइनेंस कमीशन, राज्य वित्त आयोग, तो राज्य वित्त आयोग के चेयरमैन है, उनका नाम है हिम्मत कोठारी। कौन से वित्त आयोग के चेयरमैन है, तो मध्य प्रदेश का जो पांचवा वित्त आयोग था, फिफ्थ फाइनेंस कमीशन था, ही वाज द चेयरमैन ऑफ द फिफ्थ फाइनेंस कमीशन। और पांचवें जो वित्त आयोग है इसकी रिकमेंडेशन लागू होती है 2020 से लेके 2025 तक, मतलब अगले जो चुनाव आयुक्त, अगले जो इलेक्शन ये हैं आपके फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन हैं उनका अपॉइंटमेंट 2025 में या 2024 में ही हो जाएगा, 2024 में हो जाएगा, क्योंकि राज्य सरकार 24 में, क्योंकि 25 में रिकमेंडेशन चाहिए तो 6-8 महीना इनको लगेगा रिकमेंडेशन देने में, तो इनका अपॉइंटमेंट किया। अब इनका जो मेन काम है किसका, आपके फाइनेंस कमीशन का, तो फाइनेंस कमीशन का जो मेन काम है वो है, जैसे केंद्र के अंदर फाइनेंस कमीशन होता है, उनका काम क्या होता है, केंद्र और राज्य के बीच में टैक्सेस का बंटवारा करना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। उसी प्रकार से इनका काम होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस बिटवीन द स्टेट एंड म्युनिसिपल एंड स्टेट एंड पंचायत, मतलब पंचायत म्युनिसिपल और राज्य के बीच में टैक्स का बंटवारा करना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस आपको करना, तो ये उनका जो है वो मेन काम होता है। तो अभी के समय पे कौन है, हिम्मत कोठारी इज द चेयरमैन, वो थे अभी, मतलब इनने रिपोर्ट दे दी, अब पद खाली है। जब जब भी अगली बार जरूरत पड़ेगी 2025 के पहले उस समय राज्यपाल इनकी नियुक्ति या इनका अपॉइंटमेंट आपको करेंगे, ठीक है। उसका अगला जो पद है वो है चेयरमैन ऑफ द ह्यूमन राइट कमीशन, मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग के। तो मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग के अभी के जो समय चेयरमैन है उनका नाम है मनोहर ममतानी। वैसे ये एक्टिंग चेयरमैन है, कार्यवाहक आपको चेयरमैन है, क्योंकि इसके पहले जो चेयरमैन थे उनका इस्तीफा हो गया, तो इसके बाद या उनका टाइम पीरियड खत्म हो गया, इनको एक्टिंग चेयरमैन या बोल सकते हैं कि कार्यवाहक जो अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष हैं उनके रूप में अपॉइंट किया है। खैर कुछ टाइम में इनको परमानेंट भी कर दिया जाएगा, और कोई मेंबर है नहीं तो ये आगे जाके परमानेंट भी आपको हो जाएंगे। अब कौन से कानून से बना है, राइट टू आपका जो ह्यूमन राइट जो एक्ट है, मानव अधिकार, ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन ऑफ द ह्यूमन राइट एक्ट 1993 है ना, आपका मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, उसके माध्यम से ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन का अपॉइंटमेंट किया जाता है ना, केंद्र और राज्य दोनों में। उसमें पूरा दिया हुआ है, केंद्र में जो है जो चेयरमैन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, तो इनका अपॉइंटमेंट कौन करेगा, गवर्नर करेंगे, गवर्नर इनकी नियुक्ति करेंगे और ये अपने पद के ऊपर 5 साल तक अपने पद के ऊपर आपको रह सकते हैं। चलिए, तो ये ह्यूमन राइट कमीशन मानव अधिकार आयोग की बात हो गई, राज्य मानव अधिकार आयोग की बात हो गई, ओके। उसके बाद अगला जो पद है वो है चेयरमैन ऑफ द एसटी कमीशन, राज्य जो एसटी कमीशन या हिंदी में हम बोलेंगे तो अनुसूचित जनजाति कमीशन है, उसके चेयरमैन जो है उनका नाम है गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी। अब देखो इसको लेके भी ना अलग अलग डिस्प्यूट है। डिस्प्यूट ये है कि भाई मतलब इनका पद कुछ टाइम पहले खाली हो गया था, फिर ये अपने पद पर फिर से जबरदस्ती बैठ गया, तो बड़ा इशू चल रहा है इसके अंदर। बट अभी गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी आप याद रखना, अलग से जो जो एसटी कमीशन है, जैसे केंद्र के अंदर एसटी कमीशन होता है उसी प्रकार से राज्य के अंदर एसटी कमीशन बनाए गए। 1995 में इसको लिए कानून लाए एससी एसटी ओबीसी कमीशन, और उस समय कमीशन बनाया गया राज्य के अंदर जो अनुसूचित जनजातियां हैं उन जनजातियों के प्रोटेक्शन के लिए, उनके संरक्षण के लिए, उनके लिए यहां पर ये कमीशन आपको काम करता है।
फिर अगला जो है चेयरमैन ऑफ द एससी कमीशन, मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग। तो अनुसूचित जाति आयोग के जो चेयरमैन है वो है आपके आनंद अहिरवास, ठीक है। तो वही 1995 का कानून, इसके अंतर्गत जो एससी कमीशन है, अनुसूचित जनजाति आयोग है, उसका एस्टैब्लिशमेंट किया। उसके बाद चेयरमैन ऑफ द ओबीसी कमीशन है ना, अन्य पिछड़ा वर्ग कमीशन, तो गौरीशंकर बिसेन चेयरमैन, और ये भी 1995 का जो कानून था उसके अंतर्गत इनको अपॉइंट किया है। इसके पहले मैंने आपको डिटेल में, मतलब जब मैंने आपको यूनिट नंबर जब 10 पढ़ाया था, तो ये सब पद मैंने आपको डिटेल में आपको पढ़ाए थे, ठीक है। तो ये ओबीसी कमीशन आपको हो गया, ओके। उसका अगला जो इंपॉर्टेंट जो पोस्ट है वो है चेयरमैन ऑफ द स्टेट चाइल्ड राइट कमीशन, मध्य प्रदेश राज्य आपका जो बाल आयोग है, तो बाल आयोग के चेयरमैन है, और उसके जो चेयरमैन है उनका नाम है द्रविंद्र मोरे। अब देखो ये जो कमीशन पद है, तो जो केंद्र के अंदर जो 2007 में एक कानून आया, 2005 में एक कानून आया, इट्स कॉल्ड द नेशनल चाइल्ड कमीशन एक्ट, राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग। तो उसके माध्यम से केंद्र और राज्य में बाल अधिकार आयोग, या आपके जो आप बोल सकते हैं कि जो चाइल्ड राइट कमीशन है, उसका एस्टैब्लिशमेंट किया जाएगा। अभी के समय पे द्रविंद्र मोरे जो है, इनको चाइल्ड राइट कमीशन या जो जो बाल आयोग है उसका चेयरमैन आपको अपॉइंट किया गया। उसके अलावा इसके अंदर 5 और मेंबर इसके अंदर आपको होते हैं, ठीक है। उसका अगला जो पद है वो है एपेक्स बैंक का। तो एपेक्स बैंक के जो चेयरमैन है उनका नाम है नरेश पाल कुमार। अब देखो एपेक्स बैंक क्या होता है, ये होता है मध्य प्रदेश का एक सबसे बड़ा कोऑपरेटिव बैंक है ना। तो राज्य बोल सकते हैं कि मध्य प्रदेश राज्य सहकारी समिति जो मर्यादित है, तो सबसे अपेक्स होता है, क्योंकि हमने पढ़ा था इकोनॉमी के अंदर कि जो सहकारी बैंक होता है, कोऑपरेटिव बैंक होता है, उसको हम लोग 3 लेवल में, या 3 टीयर आपको होता है, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और लोकल लेवल पे। तो स्टेट लेवल पे जो मध्य प्रदेश राज्य आपका जो सहकारी समिति आयोग है, ये सहकारी समिति है, उसका चेयरमैन आपको, इनका चेयरमैन उनको कहा जाता है। तो एपेक्स बैंक है, इट इज लोकेटेड इन द भोपाल। तो क्या नाम है, नरेश पाल कुमार इज द चेयरमैन ऑफ द मध्य प्रदेश आपका एपेक्स बैंक, या मध्य प्रदेश राज्य जो सहकारी निगम है, राज्य सहकारी निगम के इसके चेयरमैन या इसके अध्यक्ष आपको अपॉइंट किया गया है, ठीक है। बीच में मैं कमेंट नहीं देख पा रहा हूं, जो भी कमेंट हो अपन आगे देख लेंगे। लिस्ट बता दूं, यार लिस्ट मैंने नहीं डाला यार इसमें, फिर ये बहुत डिटेल हो जाएगा लिस्ट डालूंगा। तो लिस्ट के लिए आप यूनिट नंबर 10 के नोट्स देख लेना, तो वहां से आपको लिस्ट मिल जाएगी। यहां पे लिस्ट डालूंगा तो करंट अफेयर लंबा हो जाएगा ना, करंट अफेयर के बदले वो कुछ और ही बन जाएगा। तो वो यूनिट नंबर 10 के नोट्स में पूरी लिस्ट दी है, जहां जब लिस्ट अवेलेबल पूरी दिया हुआ, वहां पर जाके आप लिस्ट देख लेना। अभी लिस्ट देंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा यार, मतलब नहीं उसका, इसलिए मैंने लिस्ट आपको नहीं दिया है ना, वो वहां पर आपको मिल जाएगा। चलिए ओके। उसके बाद अगर मध्य प्रदेश लोक इसकी बात करें, हाईकोर्ट की बात करें, एमपी हाईकोर्ट की, तो एमपी हाईकोर्ट के अंदर अभी जो वुमेन जस्टिस के महिला न्यायाधीशों की बात करें, तो मध्य प्रदेश के अंदर जो मध्य प्रदेश जो हाईकोर्ट है उसकी जो पहली महिला न्यायाधीश थी उनका नाम था सरोजनी सक्सेना। और अभी के समय पर मध्य प्रदेश जो हाईकोर्ट है उसकी जो महिला न्यायाधीश है, नंदिता दुबे, अंजुलि पालो और सुनीता यादव, ये तीन जो है, क्या नाम है, नंदिता दुबे, अंजुलि पालो और सुनीता यादव, ये तीन वुमेन चीफ, तीन वुमेन जस्टिस हैं, जो टोटल नंबर ऑफ जज हैं उनमें से 3 महिला जज अभी के टाइम पर है, आज जब मैं लेक्चर बना रहा हूं तब तक, ओके। उसके बाद मध्य प्रदेश सामान्य निर्धन वर्ग आयोग, इसके चेयरमैन है शिव कुमार चौबे। अब देखो इसको बोल सकते हैं मध्य प्रदेश सामान्य वर्ग आयोग भी कहा जाता है, निर्धन वर्ग वैसे हटा दिया है, तो इनका नाम है शिव कुमार चौबे। और ये 2018 के अंदर जब अमेंडमेंट लाके जो ईडब्ल्यूएस को 10% रिजर्वेशन दिया, तो उसके बाद केंद्र और राज्य, मतलब राज्य में स्पेशली निर्धन वर्ग आयोग, या बोल सकते हैं कि जो जनरल कमीशन के लिए, जैसे एससी एसटी ओबीसी कमीशन था वैसे जनरल कमीशन भी आपको बनाया गया। उसके बाद चेयरमैन ऑफ द मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल कोर्ट, मध्य प्रदेश औद्योगिक जो कोर्ट है, औद्योगिक जो न्यायालय है, उसके चेयरमैन है एस के अवस्थी। अब इसका जो मेन काम यहाँ पर इस कमीशन का आपको ये होता है, या इस जुडिशियल बॉडी, एक तरीके से आप बोल सकते हैं ट्रिब्यूनल या प्राधिकरण आपको है, इनका मेन काम होता है कि जो भी औद्योगिक मामले हैं, जो भी इंडस्ट्रियल मामले हैं, तो उन इंडस्ट्रियल मामलों को देखना, इंडस्ट्री को लेकर कोई भी डिस्प्यूट या कोई भी विवाद जो है जो इंडस्ट्री से संबंधित है, तो उसको रिजोल्व करने का जो काम है इनका होता है, इसके चेयरमैन है एस के अवस्थी। फिर मध्य प्रदेश आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल, मध्य प्रदेश मध्यस्थता प्राधिकरण, तो मध्य प्रदेश मध्यस्थता प्राधिकरण के चेयरमैन है, उनका नाम है एम के मुदगल। अब इसका मेन जो काम होता है, इसकी अभी एक मीटिंग भोपाल में भी आपको हुई थी, इनका मेन काम आपको होता है कि मध्य प्रदेश के अंदर जो भी इस प्रकार के जो डिस्प्यूट है ना, जो आर्बिट्रेशन या मध्यस्थता से निपटाए जा सकते हैं, तो उसके लिए कमीशन बनाए। बेसिकली जैसे कोई भी इंडस्ट्रियल मुद्दा हो गया, कोई भी कोई बड़े जो फैमिली है या बड़ा कोई
कारोबार वाला है, उनका कोई मुद्दा हो गया, तो उसके अंदर ये आर्बिट्रेशन काउंसिल बनाई गई है। अगर ये नहीं बनाते तो कोर्ट वो एमिकस क्यूरी अपॉइंट करता है, न्याय मित्र अपॉइंट करता है। तो उससे अच्छा है कि हर राज्य के अंदर एक आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल होता है, एक मध्यस्थता न्यायालय होता है, कोई ऐसा मुद्दा जो हम लोग आर्बिट्रेशन से आपस में बातचीत करके निपटा सकते हैं, उन तमाम मुद्दों को निपटाने के लिए ये कमीशन का अपॉइंटमेंट किया गया, इसकी स्थापना की गई। एम के मुदगल इसके चेयरमैन है। फिर मध्य प्रदेश कोऑपरेटिव फेडरेशन, तो चंद्रेश खरे जो हैं ये इसके मेंबर आपको, इसके चेयरमैन आपको है ना। तो मध्य प्रदेश कोऑपरेटिव फेडरेशन, अभी देखा था एपेक्स बैंक के वो चेयरमैन थे, ये एपेक्स बैंक के डायरेक्टर है, डायरेक्टर ऑफ द एपेक्स बैंक है ना, क्या नाम है, चंद्रेश खरे। ओके, उसके बाद अगला जो पद है वो है सेक्रेटरी टू द गवर्नर, खैर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उनका नाम है डीपीओ आहूजा, तो गवर्नर के सेक्रेटरी है, गवर्नर के सचिव है, नॉट सो मच इंपॉर्टेंट। फिर प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द चीफ मिनिस्टर, उनका नाम है मनीष रस्तोगी, तो ये मुख्यमंत्री के जो है वो प्रधान सचिव है, मुख्य सचिव है, नॉट सो मच इंपॉर्टेंट। फिर चेयरमैन ऑफ द मध्य प्रदेश स्टेट विमुक्त नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक कास्ट एजेंसी, उनका नाम है बाबूलाल बंजारा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब देखो क्या होता है कि इसको अगर अंग्रेजी में बोले तो चेयरमैन ऑफ द आपका डीनोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक है ना, विमुक्त घुमक्कड़ और अर्ध घुमक्कड़ जाति विकास जो प्राधिकरण है उसके चेयरमैन है, अभी रिसेंटली अपॉइंटमेंट हुआ है बाबूलाल बंजारा। अब देखो ये जो क्या होता है कि हमारे यहाँ पे मध्य प्रदेश के अंदर भी 51 जो जातियां हैं, 51 जो कास्ट है, इनको हम लोग इस कैटेगरी में रखते हैं, ये एससी एसटी से अलग है ना, ये मत समझना कि एसटी एसटी में है। तो एससी और एसटी के अलावा 51 ऐसी जातियां हैं जिनको हमने विमुक्त घुमक्कड़ और अर्ध घुमक्कड़ इन कैटेगरीज में आपको रखा हुआ है। अब देखो ये क्या होता है, जैसे बोलते हैं नोमेडिक, वही बंजारा वगैरह आपने सुना होगा, या ऐसे कई सारी और जातियां आपको होती है, ठीक है, ज्यादा जातियों के नाम हम क्लास में ले नहीं सकते है ना। तो अब इसमें होता क्या है ना, कई सारी विमुक्त जातियां, डी नोटिफाइड जातियां हैं। अब जब अंग्रेजों का शासन था तो अंग्रेजों ने क्या किया कि अंग्रेजों ने बोला कि कुछ पर्टिकुलर जो जातियां थी, कुछ पर्टिकुलर कास्ट थी, उन कास्ट को अंग्रेजों ने बोला ये तो क्रिमिनल कास्ट है, जैसे सासी बंजारा, ऐसे बंजारा नहीं, सासी वगैरह, ऐसे बहुत सारी जाति आती, बेछड़ा सासी, ऐसे बहुत सारी जाति आती, कंजर, ऐसी जातियों को बोला पूरी पूरी जाति क्रिमिनल है। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि पूरी जाति ही क्रिमिनल हो। तो अंग्रेजों ने क्या करा, उस समय कानून बना के सभी ये जो कुछ जातियां थी, ऐसी पूरे देश में ऐसे 300 से ज्यादा जातियां थी, उन जातियों को अंग्रेजों ने क्रिमिनल डिक्लेयर कर दी, पूरी जाति क्रिमिनल है। बेचारा उस जाति में कोई अच्छा व्यक्ति भी पैदा हो रहा है वो भी क्रिमिनल आपको हो गया, उसको कोई सरकारी नौकरी, कोई गवर्नमेंट जॉब आपको नहीं मिलती थी। आजाद होने के बाद 1951 में हमने कानून बना के इन सभी जातियों को डीनोटिफाइड किया। पहले सरकार ने नोटिफाई कर दिया था कि भाई ये क्रिमिनल जातियां, उनको हमने डीनोटिफाई यहां पर आपको कर दिया, और उसके बाद उनके लिए अलग से कमीशन बना दिया कि भाई ये जातियां जो है ये जनरली नोमेडिक और सेमी नोमेडिक की भाई बंजारों की तरफ घूमते रहती हैं, अलग अलग जगह जाती रहती हैं, एक जगह इनका स्थान नहीं होता, तो इनके विकास के लिए इस कमीशन को बनाया। फिर मध्य प्रदेश स्टैटिस्टिक कमीशन, मध्य प्रदेश सांख्यिकी आयोग, ये मध्य प्रदेश सांख्यिकी आयोग के पहले चेयरमैन है, उनका नाम है प्रवीण श्रीवास्तव, ही इज द फर्स्ट चेयरमैन। अभी रिसेंटली 2022 दिसंबर में ही इस कमीशन को बनाया गया है। इस कमीशन का मेन काम है कि मध्य प्रदेश के जितने भी स्टैटिस्टिक डेटा है, मध्य प्रदेश के जितने भी सांख्यिकी डेटा है, उन सांख्यिकी डेटा को इकट्ठा करना, उसका एनालिसिस करना, और उसके हिसाब से राज्य की जो भी डेवलपमेंट विकास वगैरह है उनके संबंध में योजनाएं यहाँ पे बनाना, पॉलिसीज आपको बनाना। तो इसलिए इनका जो है मध्य प्रदेश स्टैटिस्टिक कमीशन, मध्य प्रदेश सांख्यिकी आयोग पहले चेयरमैन, हु इज द फर्स्ट चेयरमैन, प्रवीण श्रीवास्तव। फिर मध्य प्रदेश माटी कला बोर्ड है, इनके जो चेयरमैन है उनका नाम है रामदयाल प्रजापति, इनका भी रिसेंटली अपॉइंटमेंट हुआ है माटी कला बोर्ड। माटी कला बोर्ड मतलब जो भी आपका जो सैंड आर्ट, या बोल सकते हैं कि जो भी आपका सॉइल आर्ट है, मिट्टी से बनने वाली चीजें हैं, उसके लिए मध्य प्रदेश ने इसके विकास के लिए अलग से माटी कला जो बोर्ड है, उस माटी कला बोर्ड को आपको अपॉइंट किया। और वो जो माटी कला बोर्ड है, उस माटी कला बोर्ड के जो पहले अभी चेयरमैन जो है उनका नाम है रामदयाल प्रजापति। तो इनका मेन काम होता है कि जो भी माटी की कला है, मिट्टी की जो कला है, उसको डेवलप करना, उसको विकसित करना, तो उसको विकसित करने के लिए ये कमीशन यहाँ पर आपको बनाया गया है, ठीक है। चलिए, तो याद रखिएगा ये सभी इंपॉर्टेंट पद यहाँ पर आपको याद रखिएगा। उसके बाद जो एनजीटी, पता नहीं इसका वो कहाँ गया, कहीं कहीं इसका एनिमेशन गायब हो गया, चलो कोई बात नहीं। ओके, उसके बाद एज यू नो कि भोपाल के अंदर एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है उसके पूरे देश के अंदर आपको चार ब्रांचेस हैं, उसमें से एक जो बेंच है वो अपने मध्य प्रदेश के भोपाल में है, और इसके जो जुडिशियल मेंबर या न्यायिक जो सदस्य है उनका नाम है जस्टिस एस के सिंह। तो ये एक इंपॉर्टेंट पद यहाँ पर आपको है, इनका मेन काम है कि जो भी इस प्रकार के मुद्दे आपको आते हैं, या जो भी आपके एनवायरमेंट संबंधित मुद्दे आते हैं,
उन मुद्दों के निराकरण या उनके रिजोल्यूशन के लिए इस कमीशन या एनजीटी की बेंच आपको बनाएगी, और जस्टिस एस के सिंह जो है इसके अभी के समय पे आपको मेंबर है। फिर चेयरमैन स्टेट वक्फ बोर्ड भोपाल के अंदर शेख सलीम नाम है। अब देखो ये वाला जो पद है ना, ये भी बहुत टाइम से खाली है, तो खाली है मतलब लास्ट अपॉइंटेड शेख सलीम थे, उसके बाद सरकार ने अभी तक किसी को भी इस पद के ऊपर आपको अपॉइंट नहीं किया है। तो लास्ट जो अपॉइंटेड थे 2019 में उनका नाम था शेख सलीम, उसके बाद सरकार ने किसी को अपॉइंट नहीं किया, इनका पद उन्होंने खाली करवा लिया था, उसके बाद ये कुछ प्राइम पद पे बैठे नहीं बैठे वो तमाम चीजें आपको चलती रही, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ओके, उसके बाद मध्य प्रदेश स्टेट चाइल्ड कमीशन, राज्य जो जो बाल आयोग है उसके मेंबर हैं, उनका नाम है ब्रिजेश चौहान। अभी द्रविंद्र मोरे मैंने चेयरमैन बताया था, अध्यक्ष बताया था, उसके साथ में जो मेंबर है उनका नाम है ब्रिजेश चौहान, इज द मेंबर ऑफ द कमीशन। क्या नाम है? ब्रिजेश चौहान। वो चेयरमैन थे द्रविंद्र मोरे, ये उसके मेंबर है, ये गलती से यहाँ आ गया। उसके बाद ईपीसीओ, ईपीसीओ के चेयरमैन है उनका नाम है अनिरुद्ध मुखर्जी। अब ईपीसीओ क्या होता है? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, ईपीसीओ है, कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन ईपीसीओ। तो ये मध्य प्रदेश में एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन 1985 में बना, इसका काम है मध्य प्रदेश के अंदर राज्य सरकार को जो भी पर्यावरण से संबंधित जो भी निर्देश है वो देना, पर्यावरण संबंधित जो नीतियां हैं राज्य सरकार की, तो उन नीतियों को लागू करवाना या जो भी राज्य के अंदर पर्यावरण का संरक्षण है वो संरक्षण करवाना, तो उसके लिए ईपीसीओ जो गठन है वो राज्य सरकार ने किया, और अनिरुद्ध मुखर्जी जो है उसके अभी सब आपको चेयरमैन है, ठीक है। ओके, अब याद रखना कि जो ईपीसीओ है इसके जो चेयरमैन है, ईपीसीओ के ये चेयरमैन आपको हो गए, और ईपीसीओ का पूरा जो बोर्ड होता है उस बोर्ड के चेयरमैन, उसके बेन के जो मेन अध्यक्ष होते हैं वो गवर्नर होते हैं, राज्यपाल होते हैं। तो इट्स लाइक दैट कि उसके एक तरह से चेयरमैन, वो पूरे कमीशन के चेयरमैन है, लेकिन जो मेन पूरी बॉडी होती है उसकी ईपीसीओ की, उसके चेयरमैन जो है वो गवर्नर एक तरह से अध्यक्ष के टाइप पर आपको होते हैं, और ये एक तरह से एग्जीक्यूटिव चेयरमैन या कार्यपालक राज्यपाल कार्यपालक अध्यक्ष बोल सकते हैं, ठीक है, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बोल सकते हैं, ठीक है। ओके, उसके बाद जो रेरा है, तो रेरा के एक एपेलेट ट्रिब्यूनल होता है, उसके चेयरमैन है सुभाष ककड़े। अब देखो, एक तो मैंने बताया एपी श्रीवास्तव है चेयरमैन ऑफ द रेरा। अब रेरा का कोई भी मुद्दा है, जैसे रेरा ने कोई आदेश दिया कि फलाना कॉलोनाइजर जो है वो फ्रॉड है, उस कॉलोनाइजर ने लोगों के साथ गलत किया है, अब वो अगर कॉलोनाइजर चाहता है कि वो रेरा के खिलाफ अपील करे कहीं भी, मतलब फॉर एन एग्जांपल कि वो रेरा के खिलाफ अपील करना चाहता है, अब कहां पर अपील करेगा, तो उसके लिए रेरा की एपीलेट ट्रिब्यूनल या रेरा का अपीलीय प्राधिकरण बताया, जैसे होता है ना हाई लोअर कोर्ट से ऊपर हाई कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट, वैसे उसी तरीके से रेरा एक तरीके से आदेश देता है, डिसीजन आपको देता है। एपी श्रीवास्तव ने आदेश दिया, उस आदेश के खिलाफ अगर कार्रवाई करना, उसके खिलाफ अगर अपील करनी है, तो अपीलीय प्राधिकरण जो है उसमें कर सकते हैं, जिसके चेयरमैन जो है वो सुभाष ककड़े हैं। तो सुभाष ककड़े इज द चेयरमैन, याद रखना इनका नाम भी याद रखना। ओके, उसके बाद एमपीपीएससी के मेंबर की बात करें, तो चेयरमैन तो बता चुका हूं, राजेश लाल बहना एमपीपीएससी के चेयरमैन हैं। उसके अलावा एमपीपीएससी के जो और भी मेंबर आपको हैं, तो तीन जो दूसरे मेंबर हैं, चंद्रशेखर रायकवार, डॉक्टर कृष्णकांत शर्मा और देवेंद्र सिंह मरकान, ये तीन मेंबर आपको हैं, थ्री मेंबर्स आपको हैं। टोटल कितने मेंबर होते हैं पीएससी में? तो पीएससी में टोटल फाइव मेंबर, पांच मेंबर आपको होते हैं, और इनमें से तीन मेंबर आपको अपॉइंटेड है ना, मैक्सिमम फाइव मेंबर होते हैं। तो चंद्रशेखर रायकवार, कृष्णकांत शर्मा और देवेंद्र सिंह मरकान, ये तीन मेंबर्स जो हैं अभी के समय पे अपॉइंटेड है, ये एमपीपीएससी के मेंबर है, सदस्य आपको होते हैं, तो एक चेयरमैन और पांच मेंबर आपको होते हैं। फिर मध्य प्रदेश नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन है ना, अब ये नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन दोनों मर्ज कैसे हो गया? हाँ, तो मध्य प्रदेश में जो योजना आयोग है, प्लानिंग कमीशन है, उसको नीति आयोग एंड प्लानिंग कमीशन ही कहा जाता है, ठीक है। अब ये कैसी बॉडी थी, जिसको पहले पहले हम लोग इसको प्लानिंग बोर्ड बोलते थे, फिर प्लानिंग कमीशन बनाया गया, और 2015 में जब नीति आयोग आया, प्लानिंग कमीशन नीति आयोग केंद्र में बना, तो उसके बाद राज्य में भी नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन, उसका पूरा नाम है, इसका नाम है मध्य प्रदेश नीति आयोग और योजना नीति और योजना आयोग, इसको पूरा नाम है। तो इसके जो चेयरमैन होते हैं वो मुख्यमंत्री होते हैं, चीफ मिनिस्टर होते हैं, जैसे केंद्र में जो नीति आयोग है उसके चेयरमैन कौन होते हैं? पीएम होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। उसी प्रकार से राज्य नीति और योजना आयोग है, इसके चेयरमैन मुख्यमंत्री होते हैं, चीफ मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। उसके बाद डिप्टी चेयरमैन कौन होगा? ये मेन पद होता है ना इसका, ये होते हैं, ये है सचिन चतुर्वेदी। अब देखो ये जो पद है, तो ये इनका मेन काम है, ये डिप्टी चेयरमैन आपको होगा, जो भी एग्जीक्यूशन काम करना है, जो भी नीतियों को लागू करना है, वो नीतियों को लागू करने का काम सचिन चतुर्वेदी का होगा। प्रधान मुख्यमंत्री सिर्फ नाम के लिए आपको चेयरमैन है, ये उसके डिप्टी चेयरमैन है। इनका अपॉइंटमेंट भी कैबिनेट के माध्यम से ही किया जाता है, कैबिनेट अपॉइंटेड इनको अपॉइंट करती है, ठीक है। ओके, उसके बाद चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर तो हमने ऑलरेडी देख चुके हैं। फिर इंफॉर्मेशन कमिश्नर के जो दूसरे मेंबर्स हैं, एक तो इंफॉर्मेशन कमिश्नर हमने देखा था अरविंद कुमार शुक्ला, उसके बाद जो तीन मेंबर है, विजय मनोहर तिवारी, अरुण कुमार पांडे और राहुल सिंह, ये कौन है? राज्य सूचना आयोग के सदस्य है, मेंबर है। चेयरमैन कौन थे? अरविंद कुमार शुक्ला था। मेंबर जो है विजय मनोहर तिवारी,
अरुण कुमार पांडे और राहुल सिंह, है ना, कौन कौन, विजय मनोहर तिवारी, अरुण कुमार पांडे और राहुल सिंह, ऑल दिस थ्री आर द मेंबर ऑफ द कमीशन, है ना, टोटल नॉट मोर देन 10 मेंबर्स उसमें आपको होते हैं। फिर स्टेट लैंड एक्विजिशन कमीशन, लैंड एक्विजिशन बोर्ड, अब इसको हम लोग पहले बोलते थे राज्य भूमि सुधार आयोग, राज्य भूमि लैंड रिफॉर्म एक्ट, लैंड रिफॉर्म कमीशन बोला जाता था, अभी इसका नाम चेंज कर दिया गया है, अब क्या नाम है, स्टेट लैंड एक्विजिशन बोर्ड, राज्य भूमि अधिग्रहण का अधिग्रहण बोर्ड, या राज्य भूमि अधिग्रहण बोर्ड, पहले क्या नाम था, राज्य भूमि सुधार आयोग, जीपी सिंगल वाज अर्लियर चेयरमैन, है ना, अभी के समय अभी भी चेयरमैन आपको है, तो इस बोर्ड का नाम चेंज है क्या, राज्य भूमि सुधार आयोग का नाम चेंज करके राज्य भूमि अधिग्रहण कानून यहाँ पर आपको या अधिग्रहण बोर्ड कर दिया, याद रखना ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ सकता है। फिर स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन बोर्ड, उसके चेयरमैन है एसपीएस परिहार, नॉट सो मच इम्पोर्टेंट, ये मान के में ना काम होता है राज्य के अंदर जो भी इलेक्ट्रिसिटी है, बिजली सप्लाई वगैरह है, उसको लेके उसको रेगुलेट करना, उसके संबंध में कोई भी अगर शिकायतें वगैरह हैं तो उनका निवारण करना। फिर इलेक्ट्रिसिटी लोकपाल है, उनका नाम है एपी वर्मा, नॉट एके वर्मा, नॉट सो मच इम्पोर्टेंट, इनका मेन काम होता है वही इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित जो शिकायतें हैं तो लोकपाल के रूप में काम करना, ये एक अलग से बॉडी होती है जो ऊपर से सब चीजों को आपको देखती है। उसके बाद स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन, राज्य उपभोक्ता शिकायत निवारण प्राधिकरण, तो जो भी कंज्यूमर्स होते हैं, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है हमारा, उस एक्ट के अंदर केंद्र में, राज्य में और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तीन लेवल पे ये कमीशन आपको बने होते हैं, है ना, सेंट्रल में नेशनल नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन, फिर राज्य में और जिले जिले के, केंद्र राज्य और जिला, तीन लेवल पे। अब जो मध्य प्रदेश जो कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन है, मध्य प्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद निपटारा प्राधिकरण, उसके चेयरमैन है जस्टिस शांतनु केलकर, ठीक है, तो ये जो भी कंज्यूमर डिस्प्यूट के मामले हैं उन मामलों की सुनवाई करते हैं। फिर मध्य प्रदेश प्राइवेट यूनिवर्सिटी रेगुलेटरी कमीशन, देखो मध्य प्रदेश में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बहुत सारी, 2015 में राज्य सरकार क्या लाई, राज्य सरकार 2015 में एक कानून लेके आई और उसका नाम था मध्य प्रदेश आपका निजी विश्वविद्यालय स्थापना अधिनियम। इसके माध्यम से जो भी निजी विश्वविद्यालय हैं उनकी स्थापना की जाती है, कोई भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी बनेगी उसकी परमिशन कैबिनेट देगी। अभी हम लोग आगे जब करंट अफेयर पढ़ेंगे ना तो लिस्ट भी पढ़ेंगे कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज सरकार ने नई बनाई है, अभी रिसेंटली इनका अपॉइंटमेंट, नई कमिटीज, नई जो यूनिवर्सिटीज है उनको चार यूनिवर्सिटी का अप्रूवल राज्य सरकार ने दिया है। तो ये कमीशन होता है, इसके चेयरमैन है डॉक्टर आपके भरत शरण सिंह। अब इसका मेन काम आपको होता है कि जो भी इस प्रकार के जो रेगुलेटरी कमीशन, तो उनको रेगुलेट करना। अब जितनी भी यूनिवर्सिटी है पूरे राज्य में, केंद्र चाहे वो सरकार की हो या प्राइवेट यूनिवर्सिटी आपको हो या डिम्ड यूनिवर्सिटी कोई भी हो, उनके जो चांसलर होते हैं वो गवर्नर होते हैं, राज्य के गवर्नर आपको होते हैं, तो गवर्नर तो चांसलर हो गए, लेकिन एक रेगुलेटरी बोर्ड बना है जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी को रेगुलेट करेगा, उनको नियमित कहां पर आपको करेगा, ठीक है। उसके बाद अगला जो पद है एमपी रेवेन्यू बोर्ड, मध्य प्रदेश राजस्व बोर्ड, राजस्व मंडल, उसके चेयरमैन है अश्विनी कुमार राय, इज द चेयरमैन ऑफ द मध्य प्रदेश रेवेन्यू बोर्ड। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पद यहाँ आपको याद रखिएगा। चलिए उसके बाद और भी पद है, अभी खत्म नहीं हुआ है, मुझे नहीं पता इसका काम क्यों नहीं कर रहा ठीक से, कोई बात नहीं। मध्य प्रदेश कमर्शियल टैक्स डिस्प्यूटेड अपीलेट ट्रिब्यूनल, जयदीप गोविंद यहाँ पर है। तो राज्य के अंदर जो भी कमर्शियल टैक्स है या जो भी वाणिज्यिक कर है, तो वाणिज्यिक कर है ना, जो भी जैसे जीएसटी वगैरह हो गया, बाकी जो वाणिज्यिक कर आपको हो गए, तो उन कमर्शियल टैक्स से संबंधित जो भी मामले हैं उनकी सुनवाई के लिए या उन मामलों के जो भी डिस्प्यूट है उनको निपटाने के लिए एक कमीशन बना है, मध्य प्रदेश राज्य वाणिज्यिक कर अपीलीय प्राधिकरण, ठीक है। तो जयदीप गोविंद उसके चेयरमैन है। फिर उसके बाद जो आरसीबीबी नरोना एकेडमी है, जहां पर आपको जाना है, है ना, जाना है ना, नहीं जाना है, कितने लोगों को जाना है, सिर्फ 59, इसके बारे में अपन भूलू आगे से अलग से बात करेंगे, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, तो अभी आप पढ़ लो, फिर हम पीएससी की तैयारी करना, क्या करना नहीं करना है वो आगे देखेंगे, है ना, तो जाना है ना। हाँ, अब कुछ लोग, तीन चार लोग क्लास से ही चले गए जाना जाना बोल के, चलो कोई बात नहीं। ओके, चलिए, तो ये आरसीबीबी नरोना एकेडमी है, इसके चेयरमैन आपको हो गए अनिरुद्ध मुखर्जी। अब देखो ये जो है पहले चेयरमैन थे उनका नाम था ईश्वर दास, और ये क्या है आरसीबी नरोना एकेडमी, इसको पहले लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी के नाम से भी जाना जाता था, भोपाल में लोकेटेड है, यही तुमको जाना है भाई साहब, है ना, मतलब पीएससी के बच्चों को ज्यादा वो लबासना लबासना नहीं करते, नरोना नरोना भी नहीं करते, तो पीएससी का बच्चा हाँ ठीक है सरकार देखते हैं क्या होता है, बच्चे राज्य का बच्चा लुस्त हो चुका है सरकार की व्यवस्थाओं के कारण, तो ठीक है देखेंगे रिजल्ट आएगा तो देखेंगे,
वन डे एग्जाम चले जाते हैं, ये वन डे एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, सब एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, जो वन डे एग्जाम आने वाली ना अभी, वन रक्षक वगैरह आने वाली, पटवारी चल ही रहा है, खत्म होने वाला लगभग, तो जितनी भी एग्जाम आने वाली उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। फिर मध्य प्रदेश डायरेक्टर जनरल ऑफ द होम गार्ड, होमगार्ड और डिजास्टर मैनेजमेंट आपदा, तो उनका नाम है पवन जैन, तो ये डायरेक्टर जनरल एक होमगार्ड और डिजास्टर मैनेजमेंट, तो आपदा प्रबंधन को लेकर एक अलग से कमीशन होता है, एक अलग से एक पुलिस बॉडी होती है, उसके अंदर होमगार्ड और डिजास्टर मैनेजमेंट दोनों के लिए एक कमीशन है, उसका नाम है पवन जैन। फिर चेयरमैन ऑफ द मेडिको लीगल इंस्टीट्यूट अशोक कुमार शर्मा उनका नाम है। अब देखो मेडिको लीगल इंस्टीट्यूट जो स्टैब्लिश हुआ, तो जो भी मेडिको लीगल मतलब मेडिकल में जो लीगल चीजें आपको होती है, जैसे कोई भी दवाई वगैरह हो गई, कोई भी लीगल केसेस वगैरह हो गए, तो उसके लिए एक मेडिको लीगल इंस्टीट्यूट बना है, और मध्य प्रदेश राज्य का पहला ऐसा, देश का ऐसा पहला राज्य है जिसने मेडिको लीगल इंस्टीट्यूट आपको बनाया था। तो पवन कुमार अशोक कुमार शर्मा इज द चेयरमैन। फिर चेयरमैन स्टेट ट्रांसपोर्ट एबिलिट ट्रिब्यूनल मध्य प्रदेश के अंदर, राज्य जो ट्रांसपोर्ट है परिवहन है, तो परिवहन अपीलीय प्राधिकरण इसके चेयरमैन है गजेंद्र सिंह। अब ये जो पद होता है ना, इसका मेन जो काम होता है इस पद का, डेट वी कॉल परिवहन इसका, तो जो भी आरटीओ वगैरह कोई पेनल्टी लगा दी किसी के ऊपर, कोई इस तरह से चीजें कर दी, तो उनके खिलाफ आरटीओ या असिस्टेंट आरटीओ ने कोई पेनल्टी लगा दी, कोई चालान बना दिया, उसके खिलाफ अगर आपको अपील करना है तो उसके लिए आप जो है इस कमीशन के पास आपको जा सकते हैं। फिर चेयरमैन मध्य प्रदेश फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, मध्य प्रदेश राज्य वन विकास प्राधिकरण, उसके चेयरमैन होते हैं कुंवर विजय सिंह है, जो अभी के समय पे गृह आपके वन मंत्री हैं, तो वन मंत्री मध्य प्रदेश आपका जो वन विकास प्राधिकरण है इसके चेयरमैन होते हैं। फिर मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसके चेयरमैन है जयवर्धन सिंह दत्तीगांव, जो मध्य प्रदेश के इंडस्ट्रियल मिनिस्टर औद्योगिक मंत्री हैं, तो औद्योगिक जो मंत्री उद्योग मंत्री होते ठीक है, वो राज्य उद्योग औद्योगिक विकास जो निगम है उसके चेयरमैन होते हैं। फिर मध्य प्रदेश स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, लीगल सर्विस अथॉरिटी का मतलब आपका क्या होता है, राज्य आपके विधिक सेवा प्राधिकरण ठीक है, अब यानी जिसको बोलते हैं ना लोक अदालत हम लोग बोलते हैं, तो जो लोक अदालतें होती है, तो उन लोक अदालत के अंतर्गत हर राज्य के अंदर लोक अदालत लगती है, केंद्र में राज्य में हर जगह, इसके लिए कानून आया था है ना, उसका वो जो लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 राज्य आपका जो आया 1987 में 1987 में केंद्र के अंदर विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987, जिसको हम लोग बोलते हैं अल्टरनेट डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन ADRC, अल्टरनेट डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, अतिरिक्त न्याय अतिरिक्त विवाद निपटारा प्राधिकरण। अब कोई भी ऐसा मामला है ना जो हम लोग आपस में बैठ के सोच, आर्बिट्रेशन नहीं, जैसे कोई ऐसा मुद्दा है कि मेरा बिजली का बिल है मैंने नहीं भरा, अब बिजली का बिल वाला क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड मेरे पास नोटिस भेजेगा, कोर्ट ले जाएगा मेरे को, लेकिन जो लोक अदालत होती है तो वहां पर बैठ के निपटा सकते हैं कि कितना बिल, 10,000 कितना भरना, 5,000 भरना, चलो खरो खत्म, मामला खत्म कर दिया। सो ये काम होता है आपके, ये आपका लीगल सर्विस अथॉरिटी होती है, और इसके चेयरमैन कौन होते हैं, आपके जो चीफ जस्टिस होते हैं राज्य के मुख्य न्यायाधीश जो भी हाईकोर्ट है उसके जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो इसके भी मेंबर, उसके भी सदस्य, इसके चेयरमैन आपको होते हैं, तो रवि मलिमत हैं, आर मलिमत इसके भी मेंबर होंगे। फिर मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद, तो मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के जो चेयरमैन है वो है शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री इसके चेयरमैन आपको होते हैं। अब देखो ये जो जन अभियान परिषद है इसका मेन काम क्या है कि राज्य के अंदर जो है यू कैन से कि जो भी NGOs होते हैं ना, NGO हो गए, स्वयं सहायता समूह हो गए, या गैर सरकारी संस्थान वगैरह हो गए, तो इनको सरकार कई सारी फंडिंग देती है, पैसा देती है सरकारी स्कीम को लागू करने का या उसकी मदद करने का, तो वो जो कमीशन वो जो दिया जाता है तो सरकार इनकी मदद करती है जन अभियान परिषद के माध्यम से, तो सरकार की मदद से ये सरकार की योजनाओं को लागू करवाते हैं, या एक तरीके से आप ये बोलो कि NGO और जो सरकार है उनके बीच में कोऑर्डिनेशन के लिए इस कमीशन को बनाया गया। फिर मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के जो डिप्टी चेयरमैन है, ये तो चीफ मिनिस्टर मुख्य इसके अध्यक्ष हो गए, डिप्टी चेयरमैन है उनका नाम है विभाष उपाध्याय। अब ये जो विभाष उपाध्याय है ये मेन काम करते हैं, बाकी मुख्यमंत्री का नाम है तो मुख्यमंत्री थोड़ा बहुत तो फंक्शन करते ही होंगे है ना, एक नाम आपका होता है, ऐसे कई सारे अलग अलग बोर्ड के मुख्यमंत्री अध्यक्ष होते हैं, तो हर जगह मुख्यमंत्री काम नहीं करेंगे, डिप्टी चेयरमैन ही काम करेगा ठीक है। चलिए उसके बाद चेयरमैन मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन संजय कुमार शुक्ला, फिर मध्य प्रदेश माइनिंग डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, मध्य प्रदेश राज्य खनन जो विभाग है उसके चेयरमैन उनका नाम है प्रदीप जायसवाल, उसके बाद मध्य प्रदेश यूथ कमीशन है ना, मध्य प्रदेश क्या बोलते हैं यूथ कमीशन, या बोल सकते हैं कि मध्य प्रदेश का जो युवा 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 आयोग, तो मध्य प्रदेश का जो युवा आयोग है ये अभी रिसेंटली कल ही इनका जो अपॉइंटमेंट है आपको हुआ है ठीक है, और इनका नाम है निशांत खरे, तो निशांत खरे इज द मेंबर ठीक है, निशांत खरे मध्य प्रदेश यूथ कमीशन या मध्य प्रदेश जो युवा आयोग है उसके चेयरमैन, कल ही मतलब 14 अप्रैल को ही इनका अपॉइंटमेंट आपको हुआ है ठीक है। क्या नाम है
निशांत करें का आपको नाम है। तो ये मध्य प्रदेश के तमाम इंपोर्टेंट पोस्ट हो गए, इंपोर्टेंट पद हो गए, मुख्यमंत्री से लेकर तमाम इंपोर्टेंट पोस्ट हो गए। तो इन पोस्ट के अलग अलग मेंबर्स यहाँ पे हो गए, बच्चे कम होते जा रहे हैं, क्या बात है। चलिए तो ये तो हो गया पूरा इंपोर्टेंट पोस्ट हु इज हु इन द मध्य प्रदेश। चलिए यहां तक क्लियर हुआ सबको, यहां तक मजा आया। कहां जाओगी पूजा तुम? अच्छा नरोन्ना में, ठीक है। चलो 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं और जाना मत 2 मिनट में। तो मेरे को कम से कम 3 घंटे अपने को आज पढ़ना है करंट अफेयर 3 आवर्स, तो जाना मत कोई भी मत जाना। तो 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं। देखो वहां पे घूमने क्यों जाना है, अधिकारी बन के जा रहा है। चलिए मेरा 2 मिनट आधे सेकंड 30 मिनट 30 सेकंड का होता है, आपको पता ही है मैं 2 मिनट का कभी वेट करता ही नहीं हूँ। चलिए ओके सो अब जो है हम बात करते हैं रैंक ऑफ मध्य प्रदेश इन वेरियस सेक्टर, अलग अलग क्षेत्रों में मध्य प्रदेश की क्या रैंकिंग है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि इसमें कौन सा मध्य प्रदेश का रैंक है, इसमें कौन सा है, कई सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पल्सेस के अंदर, दालों के अंदर। तो कुल दालों के अंदर जैसे 9 टाइप ऑफ पल्सेस, 9 टाइप के जो पल्सेस हैं वो शामिल, या दाल जिसको हम बोलते हैं, तो 9 टाइप की दालें शामिल की जाती है। जो कुल पल्सेस है, टोटल पल्सेस है, उन टोटल पल्सेस में मध्य प्रदेश का जो नंबर है वो नंबर 1 यहाँ पर आपको है। उसके बाद सोयाबीन के उत्पादन में वी आर ऑन द नंबर 2nd, दूसरे नंबर पे है, पहले नंबर पे महाराष्ट्र है। और अनफॉर्चुनेटली 2021 में 2021 में हम लोग सोयाबीन के उत्पादन पे दूसरे नंबर पे आपको चले गए, क्योंकि राज्य में धीरे धीरे मतलब फसल एक दो बार खराब हो गई, उसके बाद कई सारे किसान राज्य में जो सोयाबीन से बाहर निकल रहे हैं। महाराष्ट्र के अंदर लोग सोयाबीन और ज्यादा उसका बोना वगैरह आपको कर रहे हैं, तो मध्य प्रदेश में ये थोड़ा सा आपको कम हो गया। तो वी आर ऑन द रैंक 2nd, सालों से हम लोग नंबर 1 पे थे, अभी हम लोग इसमें दूसरे नंबर पे हैं। उसके बाद वीट या गेहूं, तो गेहूं के उत्पादन हम लोग 2nd नंबर पे है, पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश है। पर उत्तर प्रदेश को क्रॉस करने में आपको बहुत टाइम लगेगा, मुझे लगता है हम लोग उत्तर प्रदेश को शायद ही कभी क्रॉस कर पाएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो उत्पादन हमसे कम से कम 2.5 गुना है, 2.5 टाइम्स आपको है। तो वीट के उत्पादन में हम लोग दूसरे नंबर पे ना, ये बड़ी अच्छी बात है कि हम लोग पंजाब से भी आ गए हैं, क्योंकि पंजाब में गेहूं चावल दोनों होता है ना, तो दोनों को इक्वली डिवाइड कर सकते हो। हमारे यहाँ पे गेहूं पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, धान वगैरह कम, धान या जो चावल है वो हमारे यहाँ पर काफी कम आपको बोए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला जो है वो ज्वार है, ज्वार बोल सकते हैं। तो ज्वार के उत्पादन में हम लोग 8वें नंबर पे है, काफी पूछे हैं, पहले नंबर पे है आपका महाराष्ट्र। तो ज्वार के उत्पादन में वी आर ऑन द 8th प्लेस, एक समय पे ज्वार में भी हम काफी आगे हुआ करते थे, फिर धीरे धीरे किसान ज्वार से निकल के सोयाबीन वगैरह की तरफ आपको जाने लगे, तो इसलिए मध्य प्रदेश में ज्वार आपको काफी कम होता है। उसके बाद ग्राम या चना, तो चने के उत्पादन में हम लोग 2रे नंबर पे 2nd नंबर पे आपको आ गए हैं, ठीक है। पहले हम एक समय पे पहले नंबर पे हुआ करते थे, पहले नंबर पे है राजस्थान। ये जो भी पूरा डेटा है ये है जो यूनियन इकोनॉमिक सर्वे, केंद्र सरकार का जो आर्थिक सर्वेक्षण होता है, उसका पूरा डेटा मैंने यहाँ पे लिया है, ये एडवांस एस्टिमेट वगैरह का डेटा नहीं है। तो जो भी इकोनॉमिक सर्वे का डेटा था वही डेटा है। फिर मेज या मक्का, तो मक्का के उत्पादन में हम लोग 2रे नंबर पे हैं, पहले नंबर पे कर्नाटका है, कर्नाटका इज द 1st ऑन आपका मेज प्रोडक्शन, तो वी आर ऑन द 2nd नंबर। मेज मतलब मक्का होता है।
तो एक समय पे मक्का में भी हम पहले नंबर थे, लेकिन इस साल मक्का के अंदर हम लोग दूसरे नंबर पे। ठीक है, क्या क्या चीजें हैं? टोटल पल्सेस, कुल जो जो दाल है उसमें पहले नंबर पे, सोयाबीन पे दूसरा, गेहूं में दूसरा, ग्राम में दूसरा, मक्का में दूसरा, फिर ज्वार में आठवां नंबर, है ना, ज्वार में आठवां नंबर, ये तमाम नंबर आपको याद रखना। ओके, उसके बाद टोटल जो फूड ग्रेन है, कुल खाद्यान्न उत्पादन, तो कुल खाद्यान्न उत्पादन उसमें गेहूं, चावल, ये जितने भी खाद्यान्न होते हैं, खाद्यान्न मतलब स्टेपल फूड जो हम भोजन के रूप में खाते हैं, मतलब जो स्टेपल फूड है ना, जैसे मक्का हो गया, ज्वार हो गया, गेहूं हो गया, चावल हो गया, ये स्टेपल फूड होते हैं। तो इन स्टेपल फूड या खाद्यान्न, तो कुल खाद्यान्न उत्पादन में वी आर ऑन द सेकंड नंबर, और पहले नंबर पे है आपका उत्तर प्रदेश। तो यूपी इज द फर्स्ट इन द फूड ग्रेन प्रोडक्शन, और स्पेशली गेहूं का उत्पादन ज्यादा होने के कारण हम लोग फूड ग्रेन प्रोडक्शन या कुल जो खाद्यान्न उत्पादन है उसमें दूसरे नंबर पे है। ठीक है, उसके बाद कॉटन के अंदर आप देखोगे तो इन कॉटन प्रोडक्शन वी आर ऑन द सेवेंथ नंबर, पहले नंबर पे क्या है, पहले नंबर पे आपका महाराष्ट्र आपको ना। देखो, कॉटन एक समय भी मध्य प्रदेश में काफी होता था, जितने भी ट्रॉपिकल एरिया होते हैं या उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होते हैं, उन उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में बड़े लेवल पे आपके कपास का उत्पादन होता है। तो मध्य प्रदेश सातवें नंबर पे है, पहले नंबर पे आपका महाराष्ट्र है। ठीक है, उसका रैपसीड और मस्टर्ड, राई और सरसों, इसके उत्पादन में हम लोग दूसरे नंबर पे हैं। इसकी लिस्टिंग हमेशा सातवें की जाती है, ऑलमोस्ट एक जैसी ही फसल होती है, मतलब अंतर काफी है, बट रैपसीड और सरसों, राई और सरसों को सातवें देखा जाता है। तो राई और सरसों के उत्पादन में हम लोग दूसरे नंबर पे हैं, पहले नंबर पे आपका पंजाब है। ठीक है, उसके बाद बाजरा का उत्पादन, तो बाजरे के उत्पादन में हम लोग पांचवें नंबर पे, फिफ्थ प्लेस पे हैं। राजस्थान वाज द फर्स्ट स्टेट, पहले नंबर पे राजस्थान है, बाजरा में हम लोग पांचवें स्थान पे ना। बाजरा भी मध्य प्रदेश में जो एरिड एरिया होता है, सूखा जो क्षेत्र होता है, तो एरिड एरिया की फसल आपको होती है जहां पर बारिश वगैरह कम होती है, तो राजस्थान इज अ फर्स्ट स्टेट। उसके बाद हम लोग बात करें कि शुगर केन, गन्ना उत्पादन, तो गन्ना तो हमारे पे बहुत कम उत्पादित आपको होता है। धीरे एक समय ऐसा था जो मध्य प्रदेश गन्ना उत्पादन में काफी ज्यादा अग्रणी था, लेकिन धीरे धीरे हम लोग गन्ना उत्पादन में काफी पीछे चले गए, और वो एक तरह से सही भी हुआ। जैसे यूपी है, तो यूपी नंबर वन पे है, तो यूपी गेहूं में भी नंबर वन पे है, टोटल फूड ग्रेन में भी नंबर वन है, और आपके गन्ने में भी नंबर वन है। बहुत ज्यादा बड़ा एरिया है वहाँ पे फसल के लिए, मतलब टोटल जो इरिगेटेड एरिया बहुत ज्यादा है, इतनी सारी कनाल्स है, रिवर्स है, बढ़िया खेती वहां पर आपको होती शुरू से ही। तो हम लोग दसवें नंबर पे, एक समय पे हम लोग भी दूसरे तीसरे नंबर पे आते थे, लेकिन धीरे धीरे हमारी रैंकिंग इसके अंदर आपको घटती गई। नाउ वी आर ऑन द टेंथ प्लेस। ठीक है ना भाई, हमको हम शक्कर खरीद के खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वापस हमको गन्ने के झोल में नहीं फंसना, बड़ी मुश्किल से हमारे किसान इस गन्ने के झोल से बाहर निकल पाए। उसका जो तूर होता है, तुअर, तुअर दाल या अरहर भी हम बोलते हैं, इसके उत्पादन में हम लोग छठे नंबर पे हैं, पहले नंबर पे है आपका महाराष्ट्र। ठीक है, तो यूजुअली हमारे यहाँ पे तुअर दाल जो है, अरहर बोलते हैं, या इंग्लिश में उसको तूर बोला जाता है, टी यू आर, तूर। तो तूर या तुअर के उत्पादन में या अरहर के उत्पादन में हम लोग राज्य देश के अंदर आपको छठे स्थान पे, सिक्स प्लेस पे आपको है। ठीक है, उसके बाद अगला जो रैंकिंग है, टोटल ऑयल सीड हम बोल सकते हैं, जितने भी बोलते हैं तिलहन, उसको हम बोलते हैं, तो तिलहन के अंदर भी नो ऑयल सीड्स आपको होती हैं, राजस्थान पहले नंबर पे, हम लोग दूसरे नंबर पे। जैसे जितने भी तिलहन होते हैं, राई हो गया, सरसों हो गया, सोयाबीन हो गया, रैपसीड हो गया, फिर और भी ऐसी फसलें होती हैं जो जिनसे तेल निकालना, तिल हो गया, तिल वगैरह हो गया, तो ऐसी करके नो टोटल पल्सेस होती है जो ऑयल के लिए, मतलब बहुत सारी होती है बट नो मेन होती है। तो उन ऑयल सीड जो है, या बोल सकते हैं कि जो तिलहन उत्पादन है, कुल तिलहन उत्पादन, उसमें हम लोग नवे नंबर पे है, ना सॉरी सेकंड नंबर पे है। नाइन ऑयल सीड का पूरा ग्रुप होता है उसके अंदर, अब जैसे टोटल पल्सेस भी पहले नंबर पे है, फिर तुअर वगैरह हमने अलग अलग देखा, उस प्रकार से टोटल ऑयल सीड के अंदर हम लोग दूसरे नंबर पे है। फिर ग्राउंडनट, या आपका देखो ग्राउंडनट्स के अंदर भी आएगा, ग्राउंडनट से भी या मूंगफली से भी तेल निकलता है, तो मूंगफली के उत्पादन में हम लोग छठे नंबर पे हैं, पहले नंबर पे है गुजरात। एक समय पे मध्य प्रदेश के अंदर सोयाबीन की जगह मूंगफली और कपास वगैरह बोया जाता था, अभी वो थोड़ा कम हो गया, अब इसके अंदर हम लोग छठे नंबर पे आपको आ गए। उसके बाद लेंटिल या मसूर जो है, मसूर के उत्पादन में हम लोग पहले नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे। उसके बाद जो कोयला प्रोडक्शन है, तो कोयला प्रोडक्शन में हम लोग तीसरे नंबर पे, थर्ड नंबर पे हैं। लेकिन याद रखना, सुनो एक बात याद रख लेना, कि अभी रिसेंटली जो डेटा आया है, उस रिसेंट डेटा के अकॉर्डिंग वी आर स्लिप टू द फिफ्थ नंबर, पांचवें नंबर पे हो गए। वो एग्जैक्ट डेटा मुझे प्रॉपर नहीं मिला, या मतलब प्रॉपर उसका मैं एनालिसिस किया था मैंने, लेकिन प्रॉपर मुझे मिल नहीं पाया, तो हम लोग शायद पांचवें नंबर पे फिसल चुके हैं। अभी प्रॉपर डेटा उसका अपडेट आपको नहीं हुआ है, तो जैसे ही डेटा अपडेट होगा मैं आपको बता दूंगा, लेकिन लगभग हम पांचवें नंबर पे पहुंच चुके हैं। अभी के समय से आप देखोगे तो तीसरे के नंबर पे ही हैं। अभी एक और रिपोर्ट को, मिनिस्ट्री ऑफ कोल की एक रिपोर्ट आने वाली है, वो आएगी 1 मई को, तो उस पर हम लोग हैं, बट अभी आप तीसरे नंबर पे याद रखना, थर्ड नंबर पे याद रखना। उसके बाद एरिया कवरेज अंडर द ऑर्गेनिक फार्मिंग, ना जैविक कृषि, तो जैविक कृषि में हम लोग देश में पहले नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे। अब बोलोगे सिक्किम तो 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग है, बिल्कुल है,
तो सिक्किम परसेंट के हिसाब से कि कुल वहां पर जितना भी एरिया है, जितनी भी वहां पर छोटा सा जो स्टेट है सिक्किम, है ना, तुम सुबह से रात में पूरा क्रॉस करते चले जाओगे, इतना छोटा स्टेट है, तो वहां पर टोटल जो एग्रीकल्चर एरिया है उसके परसेंट के हिसाब से सिक्किम आपको है, लेकिन टोटल जो एग्रीकल्चर लैंड है, कृषि भूमि है, उसके हिसाब से मध्य प्रदेश नंबर वन पे है। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक फार्मिंग या जैविक कृषि होती है, तो जैविक कृषि के अंदर हम लोग जो है वो पहले नंबर पे है। उसके बाद जो कोर सरल होते हैं, या बोल सकते हैं हम लोग जो श्री अन्न जिसको हम बोलते हैं, तो ऐसे कई सारी फसलें होती है, सोरगम हो गया, मिलेट हो गया, फिंगर मिलेट हो गया, स्मॉल मिलेट हो गया, मक्का व बार्ले वगैरह हो गया, इसमें हम लोग चौथे नंबर पे। जो कोर सरल होते हैं, मोटा अनाज जिसको हम बोलते हैं, एक तो कोडो कुटकी हो गया, वो अलग हो गया, तो जो कोर्स ग्रेन होता है या बोल सकते हैं जो मोटा अनाज होता है, तो मोटे अनाज के अंदर ये श्री अन्न नहीं है, याद रखना, है ना, श्री अन्न बोल दिया शायद। तो जो मोटा अनाज होता है, तो उसके अंदर सोरगम, सोरगम मतलब आपका कोई सरसों वगैरह होता है, नहीं, सोरगम मतलब जो होता है शायद, फिर मिलेट, है ना, उसके बाद फिंगर मिलेट और स्मॉल मिलेट, मेज वगैरह, मक्का वगैरह, और बार्ले मतलब वही अब आपका वो हो गया, बार्ले मतलब आपका जो हो गया। तो इसके उत्पादन में हम लोग आपके दूसरे चौथे नंबर पे हैं, पहले नंबर पे राजस्थान। सबका हिंदी नाम मुझे नहीं पता है, तो एक बार मैं देख के बता दूंगा। तो मुझे पता है कौन सा क्या होता है, लेकिन हिंदी एग्जैक्टली नाम नहीं पता। तो सोरगम, मिलेट, फिंगर मिलेट, स्मॉल मिलेट, मेस, इन सबके उत्पादन में चौथे नंबर पे राजस्थान पहले। ये ग्रुप में मैं डाल दूंगा कि इन सबका हिंदी क्या होता है। तो हम राजस्थान इसके अंदर आपको पहले नंबर, हम लोग इसमें चौथे नंबर पे हैं। ओके, उसके बाद हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन, या बोल सकते हैं कि हिंदी में क्या बोलेंगे हम लोग इसको, जो बागवानी उत्पादन है, बागवानी उत्पादन में हम लोग 13वें नंबर पे हैं। अब देखो कृषि में हम लोग इतना आगे निकल गए ना कि हम लोगों को बागवानी उत्पादन का इतना ज्यादा वो नहीं रहा, तो बागवानी में हम लोग काफी पीछे रह चले गए। और जो अः अब बोल सकते हैं कि जो खेती है उसमें हम लोग दूसरे नंबर पे आ गए, बागवानी में हम लोग काफी पिछड़ गए। वी आर ऑन द 13th नंबर इन द हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन। उसके बाद पोटेटो के उत्पादन में, आलू के उत्पादन में वी आर ऑन द 5th नंबर, पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश है। फिर अनियन के उत्पादन में, या प्याज या कांदा जो भी आप बोलो, उसके उत्पादन में हम लोग 2nd नंबर पे हैं, पहले नंबर पे महाराष्ट्र है। हमेशा महाराष्ट्र ही नंबर वन पे आपको रहता है, बहुत बड़े लेवल पे महाराष्ट्र में आपको प्याज उत्पादन आपको होता है, वहां पर उसको कांदा बोला जाता है, हमारे यहाँ भी कांदा ही बोला जाता है। फिर टमाटर के उत्पादन में हम लोग पहले नंबर पे हैं, क्या मस्त टमाटो है, ठीक है, तो पहले नंबर पे हैं। फिर फिश प्रोडक्शन में, मछली उत्पादन में हम लोग 13वें नंबर पे हैं, 13 नंबर पे, आंध्र प्रदेश 1st नंबर पे हैं। देखो तो मछली उत्पादन में बहुत पीछे है, उसका रीजन क्या है कि हमारे यहाँ ज्यादा मछली वगैरह खाते नहीं है एमपी में, उसके बाद हम कोई कोस्टल एरिया में नहीं रहते, उसके बाद हमारे जो पॉन्ड वगैरह, तालाब वगैरह हैं, उनमें भी मतलब मछली उत्पादन होता है, बट मछली इतना ज्यादा मध्य प्रदेश में फेमस नहीं खाने के लिए स्पेशली, तो कोस्टल एरिया भी नहीं है, तो जो कोस्टल स्टेट है उनके अंदर बड़े लेवल पे चीजें होती है, आंध्र प्रदेश इसलिए उसके अंदर आपको नंबर वन पे, अराउंड 13 नंबर, 13वें नंबर पे आपको। चलिए उसके बाद हाँ, उसके बाद एक और अलग से लिख लो, ये मैं ऐड कर दूंगा। तो टोटल जो मिल्क प्रोडक्शन है, दूध उत्पादन है, तो टोटल मिल्क प्रोडक्शन है, मिल्क प्रोडक्शन के अंदर हम लोग तीसरे नंबर पे, 3rd नंबर पे हैं देश के अंदर, पहले नंबर पे यूपी है, तो मिल्क प्रोडक्शन में हम लोग तीसरे नंबर पे, लिख लेना ये स्लाइड में नहीं है, ठीक है। उसके बाद कॉपर प्रोडक्शन की बात करें, कॉपर या आपके तांबे की बात करें, तो कॉपर प्रोडक्शन पे, या दो चीजें यहाँ पर, कॉपर रिजर्व और कॉपर प्रोडक्शन, तो कॉपर जो रिजर्व है उसमें हम लोग तीसरे नंबर पे, कि मतलब हमारे पास कुल कितना टोटल कॉपर है, तो टोटल रिजर्व या टोटल जो तांबे का आरक्षण जो है या उसका जो रिजर्व है उसमें हम लोग तीसरे नंबर पे है, पहले नंबर पे है राजस्थान, दूसरे नंबर पे झारखंड, तीसरे नंबर पे है मध्य प्रदेश रिजर्व के अंदर। लेकिन इसके उत्पादन में, प्रोडक्शन में, सो प्रोडक्शन के अंदर वी आर ऑन द नंबर वन, बहुत सारा जो कॉपर है वो प्रोड्यूस करते जा रहे हैं, उत्पादित आपको करते जा रहे हैं, ठीक है, तो ये लगातार उत्पादित करते जा रहे हैं। क्या हो गया भाई? हाँ, तो उत्पादित करते जा रहे हैं, तो ये प्रोडक्शन के अंदर वी आर ऑन द नंबर वन, लगातार माइनिंग करते जा रहे हैं, जबकि रिजर्व के अंदर हम लोग तीसरे नंबर पे हैं। उसके बाद लाइमस्टोन प्रोडक्शन, या बोल सकते हैं कि जो चूना पत्थर होता है, उसके उत्पादन में हम लोग 2nd नंबर पे हैं, पहले नंबर पे राजस्थान है। तो लाइमस्टोन या चूना उत्पादन 2nd नंबर, पहले नंबर पे राजस्थान है। उसके बाद डोलोमाइट, डोलोमाइट के अंदर हम लोग पहले नंबर पे हैं, ठीक है। उसके बाद कोल प्रोडक्शन में बता चुका हूं, हम लोग कोल उत्पादन में तीसरे नंबर पे आपको है। मैग्नीज के उत्पादन में वी आर ऑन द नंबर वन, तो मैग्नीज में नंबर वन है, फिर लाइमस्टोन में 2nd है, कोल में 3rd है, डोलोमाइट में 1st है, कॉपर में 1st है, ये कुछ कुछ मिनरल में वी आर ऑन द नंबर वन।
डायमंड के उत्पादन में भी हम लोग नंबर वन है, इकलौती ही है एक तरीके से। तो मध्य प्रदेश इकलौती ऐसी जगह है जहां पर डायमंड होता है। वैसे भी आंध्रा वगैरह में कुछ माइंस मिली हैं एंड इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम कि वहां पर उत्पादन शुरू होगा। तो डायमंड के उत्पादन भी हमारा राज्य जो है वो नंबर वन आपको है, ठीक है। उसके बाद जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट है उसके अंदर हम लोग एक्चुअली उसमें अलग अलग कैटेगरी होती है, अचीवर कैटेगरी हो गया या उसके अंदर परफॉर्मर कैटेगरी हो गया। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में अंदर वी आर ऑन द अचीवर कैटेगरी अगर देखा जाए रैंक के हिसाब से। तो अगर रैंक के हिसाब से अगर मैं बताऊं तो चौथा नंबर हम लोग बोल सकते हैं, फोर्थ नंबर बोल सकते हैं रैंकिंग के हिसाब से। बट हम लोग अचीवर उसमें कैटेगरी अलग अलग है कि इससे इतने परसेंट ये कैटेगरी अचीवर परफॉर्मर या बैकग्राउंडर ऐसे करके अलग अलग ग्रुप बने। तो वी आर ऑन द अचीवर कैटेगरी, चौथे नंबर पे हम लोग बोल सकते हैं मध्यप्रदेश को। ओके, उसके बाद स्वच्छ भारत अभियान। तो स्वच्छ भारत अभियान में वी आर ऑन द नंबर वन। स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण और शहरी दोनों में हम लोग नंबर वन है क्योंकि हमारा इंदौर 6 बार से लगातार, मेरा इंदौर है ना, हमारा आप बहुत सारे इंदौर के भी होंगे, तो हमारा इंदौर जो है वो पहले नंबर पे है पिछले 6 सालों से। तो एक बार तो रामनाथ कोविंद ने भी बोल दिया, जो केवल राष्ट्रपति थे, तो राष्ट्रपति ने बोल दिया कि ये कोई मजाक नहीं है 6 बार लगातार टॉप करना। एक बार दो बार हो गया तो कैसे हो गया, 6 टाइम कंटिन्यू 6 बार लगातार। और हमारा जो भोपाल है वो भी 3रे नंबर पे है, भोपाल की रैंकिंग भी इसमें काफी आपको अच्छी है ना। तो मध्य प्रदेश ओवरऑल जो रैंकिंग है उसमें नंबर वन पे आपको है। उसके बाद स्वच्छ भारत अभियान जो ग्रामीण है उसमें भी हम लोग नंबर वन पे है। तो इन दोनों कैटेगरीज में हम लोग नंबर वन है। फिर इंडिया इनोवेशन इंडेक्स है ना, ये 2021 की रिपोर्ट आई थी, उसके बाद रिपोर्ट अभी नहीं आई। तो 2021 का जो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स था इसमें हम लोग 13वें नंबर पे, भारत का नवाचार सूचकांक। तो नवाचार सूचकांक में हम लोग 13वें नंबर पे, पहले नंबर पे कौन है, पहले नंबर पे आपका कर्नाटक है। फिर खेलो इंडिया यूथ गेम अभी रिसेंटली हुए, एमपी में ही हुए, भोपाल जबलपुर इंदौर तमाम जगह पे उसके प्रोग्राम्स आपको हुए, उसके अंदर हम लोग 3रे नंबर पे हैं, 1st नंबर पे महाराष्ट्र है, ठीक है। तो टोटल जो मेडल टैली है, मेडल टैली के हिसाब से हम लोग 3रे नंबर पे हैं। उसके बाद एसडीजी इंडिया इंडेक्स, ठीक है, इसके अंदर हम लोग 17 पोजीशन पे, 17वें नंबर पे आपको है और विद द 62 पॉइंट और परफॉर्मर कैटेगरी। अब ये क्या बला है भाई, ये क्या इंडेक्स होता है, तो पहली बार नाम सुना है ना। अब देखो होता क्या है कि हम लोगों को एक टारगेट मिला है, क्या टारगेट मिला है, पूरी दुनिया के देशों को टारगेट मिला है। ये टारगेट ये है कि 2030 तक हम लोगों को देश के अंदर जीरो हंगर, जीरो पॉवर्टी, ऐसे करके 17 अलग अलग टारगेट्स हैं, उन टारगेट्स के ऊपर हमको काम करना है और वो 17 जो पैरामीटर हैं उन पैरामीटर्स पे हमको फंक्शन करना है। अब हर देश का कुछ कुछ रैंकिंग उसके अंदर आपको होगा, तो उससे हमारे देश के लोग या दुनिया भर के जो लोग हैं उनका विकास, उनका डेवलपमेंट आपको होगा। तो फॉर दैट रीजन हम लोग क्या कर रहे हैं कि उसके लिए हम ये जो रैंकिंग है, मतलब स्पेशली ये एसडीजी इंडिया एक्ट बनाया किसने, नीति आयोग ने। अब पहले क्या था, इसके पहले एक और टारगेट दिया था पूरी दुनिया को, उसका नाम था एमडीजी, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, सहस्राब्दी विकास लक्ष्य, एमडीजी। अब एमडीजी में क्या हुआ, एमडीजी था 2000 से लेके 2015 था। अब इसमें हमने क्या किया, इसमें हम थे 65 एकदम नीचे नीचे के स्टेट में आपको आ गए, हमने इसके ऊपर ज्यादा फोकस ही नहीं आपको किया। लेकिन अभी क्या हुआ कि जब 2015 से लेके 2030 तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल या सतत पोषी विकास लक्ष्य जो है, सतत विकास लक्ष्य आपको दिए गए, और उन 17 लक्ष्यों में से 14 लक्ष्य ऐसे हैं जो एक पर्टिकुलर कंट्री को इंप्लीमेंट करना है, बाकी 3 लक्ष्य इंटरनेशनल लेवल पे हैं। तो वो जो 14 लक्ष्य हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे आप, नेशनल लेवल पे आप कर सकते हैं, उनके लिए नीति आयोग ने रैंकिंग बनाई कि कौन सा राज्य इसमें आगे है। तो राज्यों के बीच में प्रतिस्पर्धा है, उनके बीच में कंपटीशन है, तो हम चाहते हैं कि सभी राज्य उसके अंदर नंबर वन या धीरे धीरे आगे बढ़ जाएं। उसमें हम लोग जैसे अचीवर कैटेगरी, परफॉर्मर कैटेगरी, ऐसे अलग अलग कैटेगरीज हैं, तो उसमें हम लोग परफॉर्मर कैटेगरी ओवरऑल 17वें नंबर पे, 17वें नंबर पे परफॉर्मर कैटेगरी में 2021 का आया है, 21-22 का एसडीजी इंडिया इंडेक्स रिपोर्ट अभी नहीं आया है, ठीक है। चलिए उसके बाद फॉरेस्ट कवर में वी आर ऑन द नंबर वन। इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 की जो फॉरेस्ट रिपोर्ट आई थी उसके अकॉर्डिंग राज्य का 25.14% जो भाग है, 25.14% जो भाग है मध्य प्रदेश का, वो वन के अंदर या वो फॉरेस्ट के अंतर्गत आपको आता है, बहुत सबसे ज्यादा फॉरेस्ट हमारे मध्य प्रदेश में आपको है, ठीक है। उसके बाद नेशनल गुड गवर्नेंस इंडेक्स, राष्ट्रीय सुशासन सूचकांक, ये रिपोर्ट अभी आई कुछ टाइम पहले। तो इस राष्ट्रीय सुशासन सूचकांक या इनोवेशन जो इंडेक्स है इसमें भी हम लोग पहले नंबर पे, नवाचार या स्पेशली जो सरकारी योजनाएं हैं या जो गुड गवर्नेंस सुशासन है उसको एस्टेब्लिश करने पे वी आर ऑन द नंबर वन। फिर प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना इसके उसको लागू करने में भी हम लोग पहले नंबर पे, फर्स्ट इन प्रधानमंत्री अर्बन वाला जो उसके अंदर, इसके माध्यम से हम लोगों ने टारगेट रहा है 2024 तक
जितने भी लोग हैं भारत के अंदर, सभी लोगों का अपना खुद का घर हो, है ना, जो खुद बना सकते हैं, कोई बात अच्छी बात है। और जो गरीब व्यक्ति हैं, बीपीएल फैमिली या ईडब्ल्यूएस हो गया, इनके जो घर हैं वो सरकार बना के देगी, कुछ पैसा उनको देना पड़ेगा, कुछ सरकार आपको देगी। तो इसके अंदर भी हम लोग प्रधानमंत्री जो आवास योजना है उसमें हम लोग नंबर वन पे है। फिर स्टेट ग्रीन सिटी इंडेक्स है ना, अब देखो जो ग्रीन सिटी है, तो ग्रीन सिटी इंडेक्स जो है इसको लागू करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य है। हमने क्या किया, एक ग्रीन सिटी इंडेक्स आपको बनाया। तो हमारे जो शहर हैं, हमारी सिटीज हैं, इन सिटीज को हम लोग ग्रीन सिटी आपको बनाने वाले हैं। ग्रीन सिटी मतलब इनको एक तरह से रैंकिंग बनाएगी, जैसे इंदौर, भोपाल, जबलपुर, जितने भी शहर है मध्य प्रदेश में, उन शहरों को हम लोग ग्रीन सिटी के हिसाब से आपको रैंकिंग करें। तो उसके लिए अलग से इंडेक्स बनाया, ऐसा करने वाला मध्य प्रदेश भारत का पहला राज्य है। तो बोल सकते हैं कि राज्य का हरित सूचकांक है, ग्रीन सिटी इंडेक्स है, तो हरित शहर सूचकांक है। तो ये मध्य प्रदेश पहला राज्य, मध्य प्रदेश पहला नहीं है, मध्य प्रदेश पहला राज्य ऐसा करने वाला। ओके, उसके बाद और भी कई जैसे वाइटल स्टैटिस्टिक और भी हम लोग देख लेते हैं। ये तो रैंकिंग आपको हो गई, ठीक है, तमाम रैंकिंग हो गई। एक और रैंकिंग और लिख लो, अलग से लिख लो, वो है आपके CO2 इमिशन में। CO2 या बोल सकते कार्बन डाइऑक्साइड जो इमिशन है, इस इमिशन में वी आर ऑन द नंबर 3, तीसरे नंबर पे है कार्बन डाइऑक्साइड की इमिशन में। कितना, थर्ड नंबर पे, पहले नंबर पे महाराष्ट्र है। तो राज्य के आधार पर भी नीति आयोग ने रिपोर्ट निकाली कि राज्य स्टेट के आधार पर कौन कौन किस नंबर पे है, तो वी आर ऑन द थर्ड नंबर इन द CO2 इमिशन या कार्बन डाइऑक्साइड के इमिशन के अंदर। चलिए, ये तमाम रैंकिंग आपको याद रखेगा। अब हम लोग बात करते हैं मध्य प्रदेश के कुछ वाइटल स्टैटिस्टिक्स के बारे में, या मध्य प्रदेश के जो जनांकिनी के डेटा है इनके बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बर्थ रेट, जन्म दर। तो मध्य प्रदेश जो है वो जन्म दर में कितने नंबर पे, 24.5, 24.5 है। क्या होता है जन्म दर, जन्म दर का मतलब होता है कि एक दिए हुए क्षेत्र में, यानी एक जो गिवन एरिया है उसमें, मतलब 1000 लोगों पे, 1000 लोगों पे एक साल के अंदर कितने बच्चों का जन्म होता है, 1000 लोगों पे कितने लोगों और ऐड हो गए, कितने और लोगों का जन्म हुआ, तो पर 1000 पॉपुलेशन कितने न्यू बर्थ, कितने नए बच्चे पैदा हुए। तो बच्चे नहीं पैदा होंगे ना, तो कितने बच्चों का जन्म आपको हुआ उसको हम लोग बोलते हैं बर्थ रेट, जन्म दर। कितना है, 24.5, ठीक ठाक नंबर है, और कम करने की जरूरत है। उसके बाद अगर डेथ रेट की बात करें, मृत्यु दर की बात करें, तो मृत्यु दर के अंदर वी आर ऑन द 6.6 है, ठीक है। मृत्यु दर मतलब क्या, 1000 पॉपुलेशन पे कितने लोगों की डेथ हो रही, कितने लोगों की मृत्यु हो रही इन गिवन पीरियड या एक साल में, उसको बोलते हैं मिडियर पॉपुलेशन। तो साल के मध्य में कितने लोगों की डेथ आपको हुई, तो हर साल ये जून में डेटा निकाला जाता है, इसलिए इसको मीडियल पॉपुलेशन बोला जाता है। तो इसका नंबर है 6.6, 6.6। और ये डेटा कहां से आया है, ये डेटा आया है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, NFHS, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-21। तो हर 2-3 साल में रिपोर्ट आपको आती है फैमिली हेल्थ सर्वे, ये पांचवा सर्वे, NFHS 5 है। तो NFHS 5 का जो सर्वे था 19 से लेकर 21 में, उसका ये डेटा आपको है ना, चौथे के बाद पांचवा डेटा NFHS 5 है। तो उसके अकॉर्डिंग इट इज 6.6, 6.6। उसके बाद मध्य प्रदेश इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, शिशु मृत्यु दर, तो शिशु मृत्यु दर में 41.3। इसका मतलब क्या होता है कि 1000 बच्चों के जन्म पे, है ना, 1000 बच्चों के जन्म पे 41.3 बच्चों की मृत्यु हो जाती है। बहुत बुरा नंबर है ये। तो 1000 बच्चे अगर पैदा हुए हैं तो उन 1000 बच्चों के पैदा होने पे 41.3 बच्चों की मृत्यु हो जाती है। अब इसको देखो कि 10000 पे 413, 1000 से निकालते हैं इसलिए पॉइंट में आपको है, तो 10000 में 413, बट हमेशा हजार से निकाला जाता है, तो 41.3। ये क्या होता है कि ये अगर और इसको डिटेल में जाऊं तो इसके अंदर हम लोग ये बोल सकते हैं कि बच्चे के पैदा होने के एक साल के अंदर, विद इन वन ईयर, ये नंबर एक साल के लिए होता है, तो बच्चे के पैदा होने के एक साल के अंदर अगर किसी बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो उसको हम लोग इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट या शिशु मृत्यु दर में शामिल करते हैं। कितना, 41.3, बहुत ज्यादा है। ये कितना होना चाहिए पता है, वैसे तो जीरो ही होना चाहिए लेकिन फिर भी सिंगल डिजिट में होना चाहिए, 1, 2, 4, 8, ऐसे सिंगल डिजिट में, बट अनफॉर्चुनेटली सिंगल डिजिट में नहीं है। उसके बाद जो अंडर 5 मोर्टिलिटी रेट, U5MR होता है, 5 साल से छोटे बच्चा। अब जैसे IMR जो है, इन्फेंट मोर्टिलिटी, शिशु मृत्यु दर, एक साल के से छोटे बच्चे के लिए, उसी प्रकार से 5 साल तक के जो है, 5 ईयर तक के जो बच्चे हैं उनके लिए एक अलग से इंडिकेटर हमने बनाया है, उसको बोलते हैं U5MR, अंडर 5 मोर्टिलिटी रेट, है ना। अब ये क्या है, 5 साल से छोटे बच्चे, इनका नंबर है 49.2। तो हम लोग अलग अलग जगह मेजर करते हैं कि भाई एक साल में कितने बच्चों की डेथ हो गई, विद इन 5 ईयर कितने बच्चों की डेथ हो गई, तो विद इन 5 ईयर जो है 49.2 बच्चों की आपको डेथ हो जाती है, जो भी बहुत ज्यादा हॉरिबल नंबर आपको है। उसके बाद जो स्टनिंग का जो नंबर है, हाइट फॉर एज, है ना, ये है 35.2। ये क्या होता है, अब देखो स्टन का मतलब आपका होता है कि जो भी बच्चे की ग्रोथ होती है, विकास होता है, तो दो जगह से हम लोग दो तरीके से मेजर करते हैं, एक उसका हाइट, एक उसका वेट, एक हाइट
और एक वेट, ठीक है, कि बच्चा बड़ा हो गया, अरे छुटका रह गया, है ना, बोले अरे नहीं कितने साल का है, बोले 10 साल का है, तो अरे दिख तो रहा है कि 4 साल का है, 6 साल का है, तो बच्चे की हाइट नहीं बढ़ पाती, तो हम लोग हाइट और वेट दोनों हिसाब से बच्चे का डेवलपमेंट देखते हैं, क्योंकि अगर वो कम है, स्टनिंग और वेस्टिंग कम है, तो क्या हो गया, बच्चा कुपोषित हो सकता है, माल नरिश हो सकता है, इसलिए 2 नंबर होते हैं, स्टनिंग क्या होता है, हाइट फॉर एज, कि एज के हिसाब से बच्चे की हाइट कितनी है, एक स्टैंडर्ड होता है कि 5 साल के बच्चे की कितनी, 4 साल के बच्चे की कितनी, 3 साल के बच्चे की कितनी, 8 साल के बच्चे की कितनी, तो एज के हिसाब से हाइट बढ़ती रहती है, तो अगर बच्चे की हाइट अगर जो गिवन स्टैंडर्ड है उस स्टैंडर्ड से, उस मानक से अगर कम है, तो उसको हम लोग स्टंट बोलते हैं, तो स्टंट के अंदर इट इज 35.2, 35.2, तो स्टंट है, इसके अकॉर्डिंग कितना है, 35.2 आपको हो गया, जो भी ज्यादा आपको नंबर है। उसके बाद जो वेस्टेड है, वेस्टेड का मतलब होता है वेट फॉर हाइट, है ना, तो वेट के हिसाब से हाइट का डेवलपमेंट, है ना, कई बार क्या ना बच्चा छोटा रह गया, मोटा हो गया, तो वेट और हाइट का भी कॉम्बिनेशन होता है, तो एक पर्टिकुलर वेट के हिसाब से पर्टिकुलर हाइट होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, या तो बच्चा मालनरिश रह जाएगा, या कुपोषित रह जाएगा, या ओवर न्यूट्रिशन हो जाएगा, अत्यधिक पोषित हो जाएगा, दोनों कैटेगरी, या तो मोटा हो जाएगा या सूखा रहेगा यहाँ पे, तो हाइट फॉर वेट, हाइट के हिसाब से वेट होगा, तो हाइट फॉर वेट जो है इसको हम बोलते हैं वेस्टेड, है ना, इसका हिंदी नाम मैं बता दूंगा, ये 19 है, 19 मतलब 19% बच्चे मध्य प्रदेश में ऐसे हैं जो वेट फॉर हाइट या वेस्टेड यहाँ पे, मतलब वेट के हिसाब से उनका हाइट जो है वो कम है, और यहाँ पर क्या है, हाइट के हिसाब से, उम्र के हिसाब से उनकी जो हाइट है वो कम आपको है। उसके बाद टोटल फर्टिलिटी रेट, कुल प्रजनन दर, इसमें हम लोग 2 हैं। अब कुल प्रजनन दर क्या होता है, कुल प्रजनन दर का मतलब होता है कि कोई भी महिला जो है वो अपने जीवन काल में, या जो भी उनका प्रेगनेंसी पीरियड होता है, मतलब जो भी वो पीरियड जिसमें वो बच्चा पैदा कर सकती है, उस पीरियड में कितने बच्चों को जन्म देती है, कितने बच्चों को बर्थ आपको देती है, इट इज 2.0, है ना। अब कितना होना चाहिए, इतना ही होना चाहिए, इतना ही होना चाहिए। अभी जैसे हम लोग कई बार बात करते हैं ना कि पॉपुलेशन कंट्रोल का कानून आना चाहिए वगैरह वगैरह, अभी हमको उसकी जरूरत नहीं है, ऐसा मंत्री जी ने लोकसभा में बोला है कि धीरे धीरे हम लोग जो नंबर चाहते थे वो अचीव हमने कर लिया, पहले हमारे यहाँ नंबर कितना 3, 3.5, 4 हुआ करता था, धीरे धीरे नंबर रिड्यूस हुए हैं और नाउ इट इज 2.0, इतना हमको चाहिए, है ना। अब आप बोलोगे सर और हम दो हमारा एक होना, नहीं, हम दो हमारे दो तक ही ठीक है, चाइना ने वन चाइल्ड पॉलिसी चाइना ने अपनाई थी, और अब चाइना क्या कर रहा है कि अब चाइना अपने यूथ को बोल रहा है कि भाई बच्चा और पैदा करो, आगे की जनरेशन कैसे चलेगी, तो हम तो हमारे दो इज द बेस्ट कंसेप्ट फॉर इंडिया और फॉर एनी कंट्री, किसी भी देश के लिए, तो हम तो हमारे दो वाला कंसेप्ट है, चाइना ने हम दो हमारे एक अपनाया था, अब हम दो ही रह गए, तो दो के बाद बड़ी नहीं आ गए, या कई सारे लोग तो ऐसे हो गए कि हम अकेले और वो वन मैन आर्मी बन गए, लड़का अकेला लड़की अकेली, वो बहुत सारे सिंगल्स आपको हो गए, तो वो चाइना में फेल हो गए, तो हम भी नहीं चाहते, तो हम दो हमारे दो इट्स द बेस्ट। तो टोटल फर्टिलिटी रेट कितना है, 2 है, एक समय पे 3, 3.5 हुआ करता था, नो इट इज रिड्यूस, ओके। उसके बाद एक और नंबर होता है, उसको बोलते हैं नियोनेटल मोर्टिलिटी रेट, है ना, अभी हमने UPIMR और आया आपका IMR देखा, अब ये क्या बोला है, अब NNMR नियोनेटल मोर्टिलिटी, है ना, बोल सकते हैं इसको कि जो हिंदी में इसको बोल सकते हैं हम लोग, जो जो भी इन्फेंट चाइल्ड, बहुत छोटा बच्चा आपको जो होता है ना, कितनी एज में 28, तो 28 दिन के अंदर अगर किसी बच्चे की अगर मृत्यु 28 दिन के अंदर हो जाती, जन्म के विद इन 28 डेज, तो अगर विद इन 28 डेज अगर किसी बच्चे की अगर डेथ हो जाती है, तो उसको NNMR में हम लोग कहते हैं, ये नंबर है 29, कि कोई भी बच्चा पैदा हुआ तो 1000 बच्चों के जन्म पे 29 बच्चे जो हैं वो 28 दिन के पहले मर जाते हैं, है ना, ये भी बड़ा खतरनाक हो सकता है कि वो प्री मेच्योर डिलीवरी हुई हो, कोई और इश्यू यहाँ पर आपको हो, बच्चे की डेथ हो गई, ठीक है, तो ये तीनों नंबर, अगर 28 दिन में अगर किसी बच्चे की डेथ हुई है विद इन 28 डेज तो इसमें काउंट होगा, फिर उसके बाद अगर 1 साल के अंदर हुई है तो ये तो काउंट हो गई होगा ना, ये तो हो गई होगा, साथ में 1 साल के अंदर बच्चे की डेथ हुई है तो ये इसमें आएगा, फिर विद इन 5 ईयर आपको होगा तो ये नंबर इसमें आएगा, तो ये 5 साल वाला ना, इसमें ये और ये सब एडेड है, इसमें ये ऐड है, इसमें ये ऐड है, फिर इसके अंदर ये दोनों नंबर भी आपको ऐड है, ये सब ऐड होते हैं एक दूसरे के अंदर, ठीक है, बट ये तीनों NNMR IMR और UPIMR तीनों याद रखना, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, देखो इतना सब कुछ चीजें कि आपको वो सब चीजें भी याद हो जाएं, जो कई बार एग्जाम में होगा ना, हेल्थ पॉलिसी वगैरह यूनिट नंबर 7 में आपको दिया हुआ है, तो वो आपको अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा, वो तमाम इंडिकेटर आपको यहाँ याद हो जाएंगे, तो इंडिकेटर भी याद हो जाएंगे और साथ में आपको पूरा सब कुछ चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद इंस्टीट्यूशनल बर्थ, संस्थागत प्रसव, ये बहुत अच्छा नंबर है, 90.7, 90.7, इसका मतलब होता है कि कितने प्रतिशत जो बच्चे हैं उनका जन्म अस्पताल में हुआ या हॉस्पिटल में डिलीवरी हुई, इसको बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल बर्थ, संस्थागत प्रसव, तो सरकार है ना, प्रधानमंत्री जननी शिशु जननी योजना या आपका प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, इन योजनाओं के माध्यम से सरकार लगातार ट्राई करती है कि जो भी बच्चों के जन्म हो
वो कहाँ पर हो, वो हॉस्पिटल में हो, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हो। अदरवाइज क्या होगा ना कि घर पे बच्चा पैदा हुआ तो कोई बीमारी वगैरह हो गई, कोई और प्रॉब्लम आपको हो गया, बहुत सारे इश्यूज हो जाते हैं। तो वो इशू ना हो इसके लिए सरकार कोशिश करती है कि 100% बच्चा अस्पताल में पैदा हो, उसके लिए पैसा वैसा सरकार भी देती है ना। अब इसमें क्या हुआ, 90.7 वेरी नाइस नंबर, हम लोग इसको वी आर मूविंग टूवर्ड द 100%, 90 भी बहुत अच्छा है, 100% तक हम लोग ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं, 95-96 हम लोग अगला जो डेटा आएगा उसमें हम लोग पहुंचे, उसमें हम लोग पहुंच जाएंगे। ठीक है, ये सब चीजें याद रखना, ये पूरा हेल्थ इंडिकेटर हो गया मध्य प्रदेश का, इसको एक बार वो देख लो अच्छे से। नवजात बोल सकते हैं, बहुत कम बच्चे हैं यार। ओके, थैंक यू पूजा। चलिए, मैंने तो कई सारे क्लासेस में देखा कि बच्चे लिखते हैं, मतलब टीचर भी लिखता है कि NFHS है, बर्थ रेट 24.5 है, फिर बच्चे ऐसे साथ में लिखते जाते हैं, ऐसा होता है ना, स्कूल में होता था क्लासरूम में, वैसे लिखते हैं। तो बहुत मेहनत से स्लाइड बनाई यार, कैसे रिस्पॉन्स क्यों नहीं मिल रहा तो भाई, और मैसेज करो अपने दोस्तों को, उनको बुलाओ, 100 नंबर तक तो पहुंचा एक बार। चलिए, उसके बाद अगला जो इंडिकेटर है ना, वो है सेंसस का डेटा हो गया। अब सेंसस में हम लोग देखेंगे तो वी हैव द मल्टीपल डेटा इन द सेंसस। क्या हो गया यार, चलो ठीक है ओके ओके, मेरा बिगड़ गया। ओके, सेंसस की हम लोग बात करते हैं। सेंसस में अगर पॉपुलेशन मध्य प्रदेश की जनसंख्या की बात करें तो वी हैव 7.26 करोड़, 7.26 करोड़ हमारी कुल जनसंख्या है, और देश की पॉपुलेशन जो है वो है 121 करोड़, 121 करोड़। खैर, मोदी जी बोलते हैं कि 134 करोड़, तो सरकार का कोई फिगर है कि 134 करोड़ हमारी पॉपुलेशन है, बट हम बात करेंगे सिर्फ सेंसस की, जनगणना की। जो जनगणना हुई थी 2011 में, उसमें जो डेटा था उसके अकॉर्डिंग हमारी जनगणना 7.28 करोड़, 7.26 करोड़ है, 7 करोड़ 26 लाख। उसके पॉपुलेशन डेंसिटी, तो मध्य प्रदेश की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है इट इज 286 पर स्क्वायर किलोमीटर, प्रति वर्ग किलोमीटर 286। उसके बाद देश की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है इट इज 382 एक स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। तो मध्य प्रदेश की पॉपुलेशन डेंसिटी है 382, जबकि थोड़ी देश की, जबकि मध्य प्रदेश की 286 है। फिर मेल फीमेल रेशियो, या बोल सकते हैं आपका मेल फीमेल, या हिंदी में इसको बोलेंगे लिंगानुपात। तो लिंगानुपात जो है, तो मध्य प्रदेश का लिंगानुपात है 931, जबकि देश का जो लिंगानुपात है 943। देखो, इसको भी लेके है ना, जो NFHS 5 आया था उसमें डेटा आया है इसका, और उसके अकॉर्डिंग इंडिया का तो 1006 पहुंच गया है, लेकिन जो लिंगानुपात है उसमें हम लोग इस डेटा को नहीं लिख रहे, क्योंकि वो एक सैंपल सर्वे होता है, वो हेल्थ वगैरह में ठीक है, वहां तो ठीक है। ठीक है, कितना है भाई साहब लिंगानुपात, 943, जबकि मध्य प्रदेश का है 931, दोनों याद कर लोगे हो जाएगा। फिर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से लेकर 2011 तक, अगर एमपी की बात करें तो इट इज 20.3, 20.3, जबकि जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है मध्य प्रदेश के अंदर, देश के अंदर, वो है 17.7। मध्य प्रदेश में 20.3 और देश के अंदर आपका 17.7, तो देश के कंपेरिजन में जो मध्य प्रदेश है उसका ग्रोथ रेट या इसकी वृद्धि दर थोड़ी सी यहाँ पर आपको तेज है। तो देश में जो वृद्धि दर, इसका मतलब होता है डेकेडल ग्रोथ बोलते हैं, की जनसंख्या कि 10 साल में टोटल पॉपुलेशन में कितना ग्रोथ रेट आपको आया, कि अगर 2001 के अंदर अगर 100 लोग थे तो 2011 के अंदर बढ़ के कितने हो गए, 120 हो गए, तो 20% का ग्रोथ आपको हो गया। तो ये हम लोग डेकेडल ग्रोथ या दशकीय जनसंख्या इसको बोलते हैं। ओके, उसके बाद अगला नंबर है रूरल पॉपुलेशन, ग्रामीण जनसंख्या। तो मध्य प्रदेश के अंदर जो कुल जनसंख्या है, मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या का 72.4% जो है वो क्या है, वो ग्रामीण क्षेत्र आपको है, रूरल मतलब मध्य प्रदेश में अगर 100 लोग हैं तो 100 में से 72.4 लोग कहाँ रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, जबकि रूरल एरिया देश में बात करें तो 68.9, ज्यादा अंतर नहीं है,
ठीक है, 72.4, 68.9, इट्स नॉट सो मच डिफरेंट, ज्यादा अंतर आपको नहीं है, ठीक है। तो मतलब अंतर तो है वैसे अगर देखा जाए तो 2.5% का अंतर है, पर ठीक है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। तो इतने लोग भारत के अंदर ग्रामीण क्षेत्र में, सबसे ज्यादा ग्रामीण लोग रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्र है आपके हिमाचल प्रदेश में, और सबसे कम, सबसे ज्यादा, सबसे कम है आपके गोवा के अंदर। चलिए उसके बाद टोटल जो वर्किंग पॉपुलेशन, पूरे कार्यशील जनसंख्या की टोटल पॉपुलेशन में कितने लोग काम करते हैं, वर्केबल पॉपुलेशन, मेल फीमेल सब। अब वर्केबल पॉपुलेशन का जो नंबर है ये होता है 51 से लेके 59, 15 से लेके 59 तक आपको होगा। इसमें मध्य प्रदेश के 43.5% लोग, 43.5% पॉपुलेशन ऑफ मध्य प्रदेश, ये कार्यशील जनसंख्या, काम करने जाते हैं, कुछ ना कुछ काम करने जाते हैं, ठीक है, महिला पुरुष सब आपको शामिल है। जबकि देश के अंदर यही नंबर जो है 39.8 है ना, तकरीबन 40%। तो हम लोग देश से आगे हैं, इंडिया से आगे, मतलब पूरे कंट्री से आपको आगे हैं, ओवरऑल कंट्री से हम लोग आगे हैं 43.5%, जो काफी ठीक ठाक नंबर है। इट इज ऑब्वियसली बात, मोर देन 100 आपको होना, मतलब मोर देन 50 होना चाहिए, बट 43.5 है। और इनमें उन्हीं लोगों को शामिल है जो कार्यशील है, 15 से लेके 59, पूरी पॉपुलेशन को इंक्लूड नहीं किया है। ओके, उसके बाद अगला जो नंबर है फीमेल वर्किंग पॉपुलेशन की, कितनी महिलाएं काम करती है। तो राज्य में जितनी भी वर्किंग पॉपुलेशन है या वर्किंग एज में जो महिला 15 से लेके 59, उसमें मध्य प्रदेश के अंदर 32.6% महिलाएं काम करती है, मतलब लगभग लगभग 1/3 महिलाएं मध्य प्रदेश में वो कार्यशील है, काम करती है। जबकि इंडिया में हम देखेंगे तो मात्र 25.5% है, विच इज वेरी लेस, है ना, बहुत कम है, मतलब देश की 1/4 महिलाएं हैं वो काम करती है, जबकि मध्य प्रदेश में ये नंबर लगभग लगभग 1/3 है, ना एक तिहाई है। फिर एग्रीकल्चर इन टोटल वर्किंग पॉपुलेशन, कुल जो कार्यशील जनसंख्या है ना कितनी है, ये 43.5, तो कुल कार्यशील जनसंख्या में से कितनी जनसंख्या कृषि के ऊपर आपको निर्भर है, तो ये मध्य प्रदेश में 31.2। तो मध्य प्रदेश की जो टोटल वर्किंग पॉपुलेशन है या कुल जो कार्यशील जनसंख्या है, उस कार्यशील जनसंख्या में से 31% लोग जो है वो एग्रीकल्चर पे, कृषि पे आपको निर्भर है। जबकि यही नंबर इंडिया के अंदर मात्र 19.9 है, क्योंकि पूरे देश में देखा जाए तो सर्विस और इंडस्ट्री पे भी लोग ज्यादा डिपेंडेंट है, बट मध्य प्रदेश में ये 31% लोग हैं जो टोटल वर्किंग, कुल कार्यशील जनसंख्या में से 31.2% जो लोग हैं वो किस पे निर्भर है, वो कृषि पे आपको निर्भर है। तो एग्रीकल्चर इन टोटल वर्किंग पॉपुलेशन। फिर अगला नंबर है एग्रीकल्चर लेबर इन टोटल वर्किंग पॉपुलेशन, कुल कार्यशील जनसंख्या में से कृषि मजदूर, एग्रीकल्चर लेबर कितने बोलते हैं, लैंडलेस लेबर है, लैंडलेस लेबर या भूमिहीन मजदूर कितने हैं, तो टोटल जो भूमिहीन मजदूर है वो 38.6 है, 38.6 है, ये भी काफी ज्यादा है। जबकि इंडिया के अंदर यही नंबर जो है वो 17.9 है, 17.9 है। अब ये देखो कौन होते हैं, जो कृषि मजदूरी है, कृषि के क्षेत्र में जाके मजदूरी करते हैं, लैंडलेस लेबर आपको होते हैं, तो उनकी संख्या 38.6 है। अब दोनों मिला दें, इसके पहले कितना था, 31.3 था, इन दोनों को अगर हम लोग मिला दें तो तकरीबन ये नंबर जो है कितना हो जाएगा, 39 और 69। तो मध्य प्रदेश की जो टोटल पॉपुलेशन है उसका लगभग लगभग 70% जो लोग है वो कृषि और उसके आर्थिक गतिविधि पर निर्भर आपको करते हैं, 70% के आसपास वो, और ये दोनों मैट करते हैं। हो सकता है इनमें से कुछ मर्ज भी करते हो, कुछ ऐसे भी लोग हों जो उनकी खेती भी हो, एग्रीकल्चर भी करते हो, मजदूरी भी करते हो, दोनों चीजें हैं। फिर भी अगर ये नंबर मोटे मोटे तौर पर 60% से ज्यादा है, 60% के आसपास है, तो देश की जो कुल, जो राज्य की जो कुल वर्किंग पॉपुलेशन है, उस कुल वर्किंग पॉपुलेशन का तकरीबन 60% एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर लेबर सब मिलाते तो 60% चला जाता, दोनों को अलग अलग भी याद रखना है। उसके बाद देश में नंबर 17.9 है। फिर फैमिली इंडस्ट्री है ना, तो कितने लोग जो है वो खुद की फैमिली इंडस्ट्री में आपको हैं या आपके परिवार के व्यापार के ऊपर आपको है, तो ये नंबर जो है इट इज 3% इन इंडिया और इन एमपी और 2.6% इन द एमपी। इसका मतलब क्या होता है, फैमिली इंडस्ट्री, कोई भी अपने खुद का परिवार, कोई भी कुटीर उद्योग हो गया, कोई दूसरी आपका उद्योग हो गया, तो ये वो नंबर है, एक मिनट, जो लोग अपने खुद के व्यापार में अपना खुद का बिजनेस करते, खुद का व्यापार आपको करते हैं, तो फैमिली इंडस्ट्री है, परिवार का कोई व्यवसाय है, उसमें तो 3% लोग फैमिली व्यापार में काम करते हैं, भारत के अंदर वही नंबर 2.6 है। उसके बाद शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन, अनुसूचित जाति जनसंख्या, तो अनुसूचित जाति जनसंख्या मध्य प्रदेश की जो कुल जनसंख्या है उसका 15.6% अनुसूचित जाति एससी पॉपुलेशन है, वही देश की कुल पॉपुलेशन का 16.6% जो है वो शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन है। फिर हम लोग बात करते हैं शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या, तो जो कुल अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या मध्य प्रदेश में वो जो है वो 21.1 है, मतलब मध्य प्रदेश के अंदर हर पांचवा व्यक्ति, हर फिफ्थ पर्सन जो है वो ट्राइबल पॉपुलेशन या जनजाति जनसंख्या आपको है।
तो 21.1 21.1 शेड्यूल ट्राइब या अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या हर पांचवा व्यक्ति, जबकि यही नंबर अगर भारत में बात करेंगे इट इज ओनली 8.6। ठीक है, तो मध्य प्रदेश अगर देखा जाए ना, तो शेड्यूल 5 वाला स्टेट है, अनुसूचित 5 वाला राज्य, बहुत सारे जो ये मतलब मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश का ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों, मध्य प्रदेश का पूर्वी और पश्चिमी दोनों जो छोर है, बड़े लेवल पे वहां पर पॉपुलेशन, ट्राइबल पॉपुलेशन आपको रहती है, भील, गोंड, भारिया, सहारिया, तमाम जनजातियां आपको रहती है। ठीक है, तो ये 8.6% है, देश के अंदर थोड़ा कम नंबर है, मध्य प्रदेश में 21.1 यहाँ पर नंबर है। उसके बाद पर कैपिटा इनकम या प्रति व्यक्ति आय की बात करेंगे, तो प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो हम दो तरीके से निकालते हैं, एक निकालते हैं करंट प्राइस के हिसाब से और दूसरा हम लोग निकालते हैं कॉन्स्टेंट प्राइस के हिसाब से। ठीक है, तो एक होगा करंट और दूसरा हो गया कॉन्स्टेंट। अगर करंट प्राइस के हिसाब से अगर हम लोग देखें, करंट प्राइस मतलब प्रचलित मूल्य कि अभी के समय पे कितना है, तो करंट प्राइस के हिसाब से मध्य प्रदेश का जो प्रति व्यक्ति आय है इट इज 1,40,583, 1,40,583, कितना 1,40,583, ये क्या है, ये मध्य प्रदेश की जो है वो प्रति व्यक्ति आय है, पर कैपिटा इनकम है। अब भैया देश में कितनी है, तो देश में ऑब्वियसली बात ज्यादा आपको होगी। ठीक है, तो अगर इंडिया की बात करें तो ओके, तो ये पूरा इंडिया का, ये कांस्टेंट नहीं है, ये भी करंट है, इट इज आल्सो करंट, ये भी करंट है ना, ये देश का करंट है। तो देश का जो पर कैपिटा इनकम है वो है 1,70,620, जबकि एमपी की जो पर कैपिटा है वो 1,40,583 है, 1,40,583 है ना, पर कैपिटा, प्रति व्यक्ति, प्रति साल कितना, 1,40,583, इंडिया की 1,70,652, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है। उसके बाद जो कांस्टेंट रेट है, कांस्टेंट में क्या होगा, 2011-12 के हिसाब से तो हम लोग एक भी आधार वर्ष एक बेस ईयर रखते हैं, तो इन दैट केस द बेस ईयर इज 11-12, 2011-12, तो 2011-12 जो बेस ईयर है उसके हिसाब से हमारी जो प्रति व्यक्ति आय है या हमारी जो पर कैपिटा इनकम है वो मध्य प्रदेश की 65,023 है, ये 2011-12 के हिसाब से है ना, कांस्टेंट प्राइस है, और ये क्या है, ये करंट प्राइस है, तो ये 65,023 है, जबकि इंडिया के अंदर यही नंबर 96,522 है, 96,522 है। ठीक है, दोनों नंबर आपको कौन सा नंबर याद रखना है, यूजुअली यही नंबर काम में आता है, ये नंबर नहीं पूछा जाता एग्जाम में, ये नंबर होता है आपसे जब भी पूछा जाए कि मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय कितनी है, वो करंट ही पूछ रहा है, ये मान के चलना, अगर वो बोलेगा भाई कांस्टेंट कितनी है तो बताना है आपको कांस्टेंट, अदरवाइज कांस्टेंट आपसे नहीं पूछेगा, वो कभी नहीं आएगा। ठीक है, तो यार पटवारी का मुझे नहीं पता यार भाई, मैं पटवारी नहीं पढ़ा था, सॉरी। बट पटवारी का ना डिस्ट्रिक्ट वाइज वो वेरी करेगा, हर जिले का अलग अलग होता है, तो पटवारी का कंपोजिट आप नहीं बता सकते, बट फिर भी अगर देखा जाए तो 160 से कम तो नहीं जाएगा, 155, 160, इतना तो जाएगा ही जाएगा, क्योंकि पोस्ट भी कम है और कंपटीशन भी अच्छा खासा है, डिपेंड करेगा नॉर्मलाइजेशन के हिसाब से कि कितना नॉर्मलाइजेशन आपको हो रहा है। ठीक है, तो उस पर हाँ 160 की उससे कम तो नहीं जा सकता। ठीक है, ये कृष्णपाल खुद पटवारी है ना, पटवारी जी खुद ही बोल रहे हैं। ओके, उसके बाद लिटरेसी रेट की बात करें, साक्षरता दर की बात करें, तो मध्य प्रदेश का लिटरेसी रेट, तो टोटल जो लिटरेसी रेट है मध्य प्रदेश की इट्स 69.3, 59.3, जबकि भारत की कुल साक्षरता दर 2011 की जनसंख्या के हिसाब से 73% है। मेल कितना है, 78.7% जो मेल है मध्य प्रदेश में ये लिटरेट है, जबकि देश में यही नंबर 80% पे है। महिलाओं की बात करें तो 59.2 और देश के अंदर 60.6 है ना। खैर, नहीं याद रखना है आपको, सिर्फ टोटल याद, कुल याद रखना है कि कुल जो लिटरेसी रेट है मध्य प्रदेश में कितना है। ठीक है, उसके बाद मध्य प्रदेश में और कुछ इंडिकेटर्स की बात करें, जैसे एग्जांपल के लिए कि जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक, अनुसूचित जैन अनुसूचित बैंक कितने हैं, तो प्रति 1,00,000 पॉपुलेशन देश मध्य प्रदेश के अंदर 10 बैंक हैं, जबकि ओवरऑल कंट्री के अंदर 12 बैंक हैं, तो इंडिया के अंदर 10, एमपी के अंदर 10 और इंडिया के अंदर आपको 12 बैंक आपको है। उसके बाद डिपॉजिट अमाउंट पर पर्सन, प्रति व्यक्ति बैंक में कितना पैसा जमा है, तो प्रति व्यक्ति बैंक में 70,281, जबकि देश में यही नंबर 1,40,000, मतलब पूरे देश के अंदर लोग जो है हमसे डबल जमा कर रहे हैं बैंकों में, हम लोग आधे नंबर पे ही है। खैर, ये नंबर इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट थे तो मैंने डाल दिया। ओके, उसके बाद लोन अमाउंट पर पर्सन 47,387 और देश में यही नंबर 1,00,000 के आसपास है ना, पर पर्सन जो लोन अमाउंट है वो लोन अमाउंट आपको है। तो नंबर्स को यहाँ पर बेसिक नंबर आपको याद रखना, तो ये मध्य प्रदेश का पूरा बेसिक डेटा हो गया। इस क्लियर नाउ, सब कुछ क्लियर है। हाँ, पीडीएफ मिल जाएगी आपको।
बट ये नहीं कि पीडीएफ मिल जाएगी तो आप क्लास में, मतलब आप नोट कर लो ज्यादा बेटर है। नोट करना ज्यादा ठीक है। कितने लोग नोट कर रहे हैं? वो सब लोग गायब हैं जिनको बहुत जोर से पढ़ना था। मेघा सोनी मेरा पुतिन, जिन लोगों को बहुत जोर से करंट अफेयर पढ़ना वो सब गायब है। यहां पे पुतिन कितनी पुतिन नहीं हो फिर कौन है? चल आप तो बता दो आज तो, कोई इतनी मेहनत से स्लाइड बताइए, आप तो तुम बता दो यार कि तुम कौन हो, आज तो बताना पड़ेगा। चलिए ओके, अब हम बात करते हैं हुज हू इन इंडिया, भारत के अंदर जो महत्वपूर्ण पद है उन महत्वपूर्ण पदों पे यहाँ पर आपको कौन है। अगर सबसे पहले हम बात करते हैं राष्ट्रपति के बारे में, प्रेसिडेंट के बारे में, तो अभी जो भारत के प्रेसिडेंट है ना, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, चीफ प्रेसिडेंट ऑफ मध्य, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मध्य प्रदेश बोल रहा था, एमपी पढ़ाते पढ़ाते। तो प्रेसिडेंट के बारे में जो आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इट इज आर्टिकल 52, देयर शैल बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का एक राष्ट्रपति आपको होगा। तो आर्टिकल 53 के अंदर, इसके अंदर आपको मेंशन किया कितना टेन्योर होता है, 5 साल टेन्योर होता है। द्रौपदी मुर्मू जी अभी 2022 में इलेक्ट हुई थी, 2027 तक द्रौपदी मुर्मू देश की राष्ट्रपति रहेंगे, प्रेसिडेंट आपको रहेंगे, ठीक है। पहला, शी इज द फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत की पहली आदिवासी मुख्यमंत्री। कहां पर इनका जन्म हुआ? तो एक संथाल ग्रुप को बिलोंग करती हैं, और इसके पहले झारखंड की मुख्यमंत्री थी, और ये बेसिकली बिलोंग करती हैं उड़ीसा राज्य से, उड़ीसा के अंदर आपको है। एंड शी इज द संथाल फ्रॉम द शेड्यूल ट्राइब, है उस ट्राइब को बिलोंग करती है। देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति है ना, प्रतिभा पाटिल इज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एंड शी इज द सेकंड फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और साथ में देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति। अब देखो ये बताना थोड़ा अच्छा नहीं लगता है कि पहली आदिवासी राष्ट्रपति, लेकिन ठीक है वो फैक्ट है तो बता दिया यहाँ पे है ना, क्योंकि पहली आदिवासी, पहली दलित, और ये आई डोंट लाइक इट, बट ठीक है फैक्ट है तो बच्चों को पता होना चाहिए। ओके, उसके बाद हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है, उपराष्ट्रपति है, तो पहले कौन थे आपको पता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले प्रेसिडेंट। ओके, जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं, वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनकर, इनका भी 2022 में, 2022 में ही इनका भी इलेक्शन आपको हुआ है, चुनाव आपको हुआ है। अब एक चीज और बता देता हूँ, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है, तो बता देता हूँ जिसको याद हो पता हो, ठीक है नहीं पता हो रिवाइज हो जाएगा। तो इनके चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा, संसद के, इनके सबके इलेक्टेड मेंबर, और स्टेट विधानसभा, राज्य की विधानसभा, और जो यूटी है, 3 यूटी है, जम्मू कश्मीर, दिल्ली और आपका पुडुचेरी, इन तीनों यूटीज की जो विधानसभा है, उन तीनों यूटीज की विधानसभा के सबके इलेक्टेड मेंबर, इलेक्टेड मतलब आपके जो इलेक्टेड मतलब चुने हुए जो मेंबर है, वो तमाम मेंबर इसमें पार्टिसिपेट आपको करते, याद रखना है ना, एग्जाम में आ सकता है ना। चलिए, तो आर्टिकल 52 के अंतर्गत फिर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है? जगदीप धनखड़, और पहले वाइस प्रेसिडेंट आपको पता ही है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आर्टिकल 66 में जो वाइस प्रेसिडेंट है इनके बारे में आपको बात की गई है, और इनका टेन्योर भी 5 साल आपको होता है, ठीक है। कहां से हैं? इसके पहले वेस्ट बंगाल के, पश्चिम बंगाल के आपके गवर्नर हुआ करते थे, ठीक है, उसके बाद इनका अपॉइंटमेंट हुआ, खैर ना। तो ये आपके आपके वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होगा जगदीप धनखड़, पहले आपको मैं बता चुका हूं। इनके इलेक्शन में कौन होगा? इनके इलेक्शन में लोकसभा और राज्यसभा उसके तमाम मेंबर, ऑल द मेंबर इलेक्टेड नॉमिनेटेड सब, तो राज्यसभा और लोकसभा के तमाम सदस्य जो है इनके इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। ओके, उसके बाद अगला जो इंपॉर्टेंट पोस्ट है वो है प्रेसिडेंट ऑफ, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। प्रधानमंत्री कौन है अभी के समय पे? नरेंद्र मोदी है, 2014 से, 2014 से भारत के प्रधानमंत्री हैं। 2024 में जब इलेक्शन होगा उसके बाद देखते कौन बनेगा, बट अभी 2024 तक तो नरेंद्र मोदी है, मतलब अगले 1-1.5 साल तक, ठीक है। पहले प्रधानमंत्री आपको पता ही होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 74 और 75 वहां पर प्रधानमंत्री के बारे में बात की गई है, लिखा हुआ प्रधानमंत्री का डिस्क्रिप्शन आपको है, और ऐसे डायरेक्टली नहीं है, प्रधानमंत्री का डिस्क्रिप्शन विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अपने मंत्रिमंडल है,
तो इनका इलेक्शन कैसे होता है, वही लोकसभा के चुनाव होते हैं, जिस पार्टी को ज्यादा सीटें मिलती है वो पार्टी जो है वो केंद्र में सरकार बनाती है, और उनके उस पार्टी के जो मुखिया होते हैं, संसदीय दल के जो नेता होते हैं वो कौन होते हैं, वो आगे जाके प्रधानमंत्री आपको बनते हैं। तो नरेंद्र मोदी इज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, है ना, द प्राइड ऑफ इंडिया। ओके, उसके बाद टेन्योर कितना है, वही 5 साल, वही लोकसभा का जितना टेन्योर होता है उसी हिसाब से। ओके, उसके बाद क्या हमारे यहाँ पर ऐसा है कि राष्ट्रपति का कोई, मतलब कितनी भी बार प्रधानमंत्री यहाँ पर आपको बन सकते हैं, कोई उसके अंदर नहीं है। उसके बाद हम लोग अगर चीफ जस्टिस की बात करें, मुख्य न्यायाधीश की बात करें, तो धनंजय वाई चंद्रचूड़ या डी वाई चंद्रचूड़, ये भारत के कौन है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, भारत के मुख्य न्यायाधीश है। आर्टिकल 124 अनुच्छेद 124 में मुख्य न्यायाधीश के बारे में बात की गई है। ठीक है, टेन्योर कितना आपको होता है ना, तो टेन्योर जो होता है वो 65 ईयर, 65 साल आपका टेन्योर होता है। तो जब भी पद पे आएंगे, पद पे आने के 65 साल की उम्र तक ये अपने पद पे रहते हैं। जैसे हमने जो हाई कोर्ट के जो चीफ वो है, चीफ जस्टिस है, उनका होता है 62 साल, इनका होता है 65 साल, 65 ईयर। तो अप टू द एज ऑफ 65 ईयर, मैंने 3 साल वो गलत आ गया, गलती से लिख दिया, 65 साल की उम्र तक ये अपने पद के ऊपर आपको रहते हैं। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। तो हमारे यहाँ पे वही सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और आपका सबॉर्डिनेट कोर्ट, 3 कोर्ट में है। तो जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ अभी हमारे चीफ जस्टिस आपको है। ठीक है, ओके। उसके बाद ये जो है, ये एक और जज थे, वाई वी चंद्रचूड़, तो उनके बेटे हैं, तो वही फैमिली वाला सिस्टम यहाँ पे भी आपको चलता है। उसके बाद लोकसभा की अगर स्पीकर की बात करें, तो लोकसभा के स्पीकर कौन है, ओम बिरला। अब जो 17th लोकसभा आपको चल रही है उसके स्पीकर हैं ओम बिरला। कहाँ से आते हैं, कोटा से आते हैं। इनका टेन्योर भी वही आपको सेम होगा जितना टेन्योर आपके मतलब जो लोकसभा का टेन्योर होगा उसके बराबर आपको होगा, तो वही 5 साल का टेन्योर, तो 5 ईयर इनका टेन्योर आपको होता है, अगर वो इस्तीफा वगैरह ना दे दें या कोई और चीज ना आपको हो जाए। तो आर्टिकल 93 के अंदर आपके जो स्पीकर हैं उनके बारे में डिस्क्राइब किया गया है। उसके बाद देखो, लोकसभा के अंदर आप देखोगे तो लोकसभा के अंदर जो डिप्टी स्पीकर है, तो डिप्टी स्पीकर का पद अभी के समय पे खाली, जैसे हमारे यहाँ पे विधानसभा में डिप्टी स्पीकर का पद खाली है, उसी प्रकार से लोकसभा में भी डिप्टी स्पीकर का पद इस बार यहाँ पर आपको खाली है। ठीक है, उसके बाद चीफ इलेक्शन कमीशन, मुख्य चुनाव आयुक्त है कौन है, राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त है। आर्टिकल 324 में, 324 में डिफाइन किया गया है कि चीफ जस्टिस और कौन अपॉइंट करेगा, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे, राष्ट्रपति अपॉइंट करेंगे। ठीक है, अब देखो इसको लेकर बड़ा एक अपडेट हुआ है, अभी रिसेंट एक अपडेट आया है। अब यहां पर क्या है कि इनका अपॉइंटमेंट केंद्र सरकार कर देती थी कि कौन भैया पसंद वाले हैं, इनको अपॉइंट कर दिया। अभी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इनके अपॉइंटमेंट के लिए एक 3 मेंबर की एक पैनल बनेगी, और वो पैनल इनका अपॉइंटमेंट, इनकी नियुक्ति करेगी। वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, अभी क्या वो इंप्लीमेंट नहीं हुआ है अभी तक, तो उसके बारे में हम बात नहीं करें। बट आगे जो भी इलेक्शन कमीशन अपॉइंट होंगे उनके लिए 3 मेंबर की एक पैनल बनेगी, और वो पैनल जो है इनका अपॉइंटमेंट, उनकी नियुक्ति करेगी। तो उनकी नियुक्ति को लेकर जो नियम है कुछ चेंज हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, अभी सरकार ने लागू नहीं किया, सरकार को उसके लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, साथ ही कानून में भी संशोधन करना पड़ेगा, तब वो इंप्लीमेंट आपको होगा। तो इनका जो टेन्योर होता है 6 साल या 65 साल जो भी हो, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उसके अलावा 2 इलेक्शन कमिश्नर, 2 सूचना आयुक्त भी आपको होते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला जो पद है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, सीएजी। कौन है सीएजी, गिरीश चंद्र मुर्मू, जीसी मुर्मू। आर्टिकल 148 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 148 के अंतर्गत जीसी मुर्मू जो है, या जो भी सीएजी होते हैं, उनका अपॉइंटमेंट होता है। इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है देश के अंदर जो भी हमारा लेखा है, जो भी हमारे अकाउंट्स है, कौन कौन से अकाउंट, हमारा संचित निधि है ना, उसके बाद हमारी जो आकस्मिक निधि, उसके बाद जो पीयूसी या मतलब राज्य केंद्र दोनों की, राज्य और केंद्र दोनों की, उनकी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, इन तमाम चीजों की जो स्टडी है उनका, जो आप बोल सकते हैं कि इनकी जो ऑडिटिंग है, वो ऑडिटिंग का काम आपको करते हैं। तो अंडर आर्टिकल 148-49 तमाम है, 148 में उनका डिस्क्रिप्शन है, 149 के अंदर इनके पावर दिए गए हैं। ठीक है, अगला पद है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी, डॉक्टर मनोज सोनी, 312 के अंतर्गत। तो मनोज सोनी कौन है, यूपीएससी के चेयरमैन, चेयरमैन ऑफ द यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ओके, उसके बाद अटॉर्नी जनरल कौन है, आर वेंकट रमनी इज अटॉर्नी जनरल ऑफ मध्य ऑफ इंडिया, एजी जिनको हम लोग बोलते हैं। आर्टिकल 76 अनुच्छेद 36, उसको बोलते हैं महान्यायवादी, तो देश के महान्यायवादी। इनका काम क्या है, इनका काम जैसे उधर एडवोकेट जनरल था 165 में, उनका काम
काम था, सरकार के लीगल एडवाइजर, सरकार के कानूनी सलाहकार और साथ में सरकार के वकील के रूप में काम करना, इनका भी सेम फंक्शन है। ये केंद्र सरकार का जहां भी केस होगा, कहीं भी आपको इट मे बी आपके हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, कहीं भी अगर केंद्र सरकार का केस होगा, उस केंद्र सरकार के केस को अटॉर्नी जनरल जाके यहां पर आपको राज्य सरकार, केंद्र सरकार की तरफ से आपको लड़ेंगे। उनके नीचे फिर सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया होते हैं जो इनके डिप्टी होते हैं एक तरीके से, इनके अधीन या उनसे छोटा पद होता है। फिर बहुत सारे सॉलिसिटर जनरल होंगे, असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल होंगे, एक बहुत लंबा चौड़ा पैनल आपको होता है, बहुत सारे लोग होते हैं, कम से कम 100-150 लोगों का पूरा पैनल है, अटॉर्नी जनरल उनके हेड होते हैं। तो सॉलिसिटर जनरल, असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल, फिर असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल, ऐसे बहुत सारे पोस्ट होते हैं ना। चलिए, उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर NSA जिसको हम बोलते हैं, अजीत दोवल, तो ये हमारे NSA है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। इनका काम है प्रधानमंत्री को देश की सुरक्षा या देश की जो सिक्योरिटी है उसके संबंध में कोई भी जो सलाह है या कोई भी सलाह यहाँ पर आपको देना। ओके, थैंक यू भारती। थैंक यू कल्पना। ओके, तो ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत दोवल बड़ा इंपॉर्टेंट पोस्ट होता है। पर अजीत दोवल तो वैसे ही आप जानते होंगे, इनके तो पता नहीं कितने किस्से कहानी जो है वो पूरे देश के अंदर आपको मशहूर है, ये कर दिया उन्होंने, वो कर दिया, बहुत सारे किस्से इनके हैं। तो बहुत ही स्ट्रांग व्यक्ति है देश में अगर देखा जाए सुरक्षा को लेकर। और नेशनल सिक्योरिटी एक्ट जो है 2005 का, उसके अंतर्गत ये पद यहां पर आपको बनाया गया है। देख लेना एक बार, कानून 5 में नहीं था, पहले था शायद, देख लेना कब है। ब्रजेश मिश्र वाज़ द फर्स्ट NSA, तो वो वाजपेयी जी के टाइम पर बनाया गया था, लेकिन उस समय कानून नहीं, देख लेना कि NSA एक्ट कब का है, 5-7 ऐसा कुछ होगा, एक बार अभी देख के बता देना, मुझे याद नहीं आ रहा। फिर राज्य के कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गोबा, ये हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी उधर थे ना, चीफ सेक्रेटरी इकबाल सिंह बैस। तो इकबाल सिंह बैस कौन थे, राज्य के चीफ सेक्रेटरी थे, राज्य के जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं उन प्रशासनिक अधिकारियों के जो प्रमुख थे वो इकबाल सिंह बैस थे। इसी तरीके से केंद्र सरकार के अंदर पूरे देश के जो प्रशासनिक प्रमुख होते हैं, पूरे देश के जितने भी IAS ऑफिसर हैं, जितने भी ऑफिसर्स हैं पूरे देश में, उन सबके जो हेड होते हैं वो कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं। दिल्ली में बैठते हैं कैबिनेट सेक्रेटेरिएट में या केंद्रीय सचिवालय में, वहां पर बैठते हैं। तो राजीव गोबा जो है वो अभी के समय पे आपको है देश के पॉलिटिकल हेड कौन होंगे, देश के राष्ट्रीय जो पॉलिटिकल हेड मतलब राजनीतिक जो प्रमुख होंगे वो प्रधानमंत्री होंगे, और प्रशासनिक प्रमुख जो होंगे वो कौन होंगे, आपके राजीव गोबा यहाँ पे होंगे, चीफ सेक्रेटरी जिसको हम बोलते हैं। उसके बाद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, वही अटॉर्नी जनरल के सबॉर्डिनेट हो गए। देखो इनका सॉलिसिटर जनरल जो है, इनके बारे में डिस्क्रिप्शन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में यहाँ पर आपको नहीं है, ठीक है, यहाँ पर सिर्फ अटॉर्नी जनरल की बात है। फिर सरकार अपने हिसाब से अपॉइंट करती है, अटॉर्नी जनरल का भी टेन्योर जो है सरकार के, जब तक सरकार रहेगी, जब तक सरकार चाहेगी तब तक आपको, यूजुअली 3 साल होता है, बट जब तक सरकार चाहेगी तब तक अपने पद पे आपको रहते हैं। उसके बाद नेशनल वुमन कमीशन, राष्ट्रीय महिला आयोग। अब देखो एक चीज कि मध्य प्रदेश जो महिला आयोग है उसका नाम आपने नहीं देखा होगा, तो मध्य प्रदेश महिला आयोग जो है उनकी जो लास्ट अपॉइंटेड जो चेयरमैन थी उनका नाम था शोभा ओझा। शोभा ओझा के बाद 2020 में उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, उनको सरकार ने हटा दिया था एक्चुअली। तो जब उनको सरकार ने हटाया उसके बाद से अभी तक 2020 से 2023 आ गया है, मार्च 2020 की बात है, उनको हटाया गया था कोविड के टाइम पे, 3 साल हो गए हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग का जो पद है अभी, मतलब मध्य प्रदेश में महिला आयोग के अध्यक्ष का जो पद है अभी के समय पे खाली है, तो वो मैंने नाम उसमें हटाई दिया वहां से, ठीक है। ओके, तो ये नेशनल वुमन कमीशन की चेयरमैन है, क्या है नेशनल वुमन कमीशन एक्ट 1990 का कानून था, और 90 के कानून के माध्यम से 1992 में जो कमीशन है वो कमीशन यहां पर आपको बनता है। तो रेखा जो शर्मा है, रेखा शर्मा अभी के समय पे चेयरमैन है। फिर चेयरमैन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, तो मानव अधिकार आयोग जो है इसके चेयरमैन है जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा। अब जो भी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के जो चेयरमैन होते हैं वो कौन होते हैं, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस CJI, तो रिटायर्ड CJI या कोई भी जो जज हैं सुप्रीम कोर्ट के वो भी हो सकते हैं अब, तो ये अरुण कुमार मिश्रा। कितना टेन्योर होता है, 3 साल या 70 साल। तो कई बार ऐसा होता है ना कि चीफ जस्टिस रिटायर हुए उसके बाद इस पद पे आ गए, तो अरुण कुमार मिश्रा भी सेम था, रिटायर हुए उसके बाद उनको इस पद पे आपको अपॉइंट किया, वही प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 उसके अंतर्गत इनका अपॉइंटमेंट। देश मेन काम क्या है, देश में मानव अधिकार की
रक्षा करना। ओके, उसके बाद अगला जो पद है चेयरमैन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर द माइनॉरिटी, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। तो इसके लिए 1990 के अंदर आपको कानून बना राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, तो उस आयोग के अंतर्गत उस आयोग के अंतर्गत 3 साल इनका अपॉइंटमेंट है। सरदार इकबाल सिंह लालपुरा ये अभी तक राष्ट्रीय मानव अधिकार जो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग है उसके चेयरमैन है। क्या नाम है? सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। तो जनरली उसमें उसी कम्युनिटी के लोगों को बनाया जाता है, जैसे जो सिख हैं वो भी ऑब्वियसली बात सिख है, मुस्लिम है, जैन है, पारसी है, बौद्ध है ना, ये तमाम कम्युनिटी है, ये माइनॉरिटी 6 माइनॉरिटी है देश के अंदर। चलिए और क्रिश्चियन भी ऐड कर लो। ओके, अगला जो इंपॉर्टेंट पद है वो चेयरमैन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है ना, विजय सांपला इज द चेयरमैन, आर्टिकल 338 के अंतर्गत आपको होता है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। तो 3 साल जो है 3 ईयर इनका आपको टोटल टेन्योर होता है। फिर चेयरमैन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब अनुसूचित जनजाति आयोग, इसके चेयरमैन है हर्ष चौहान, आर्टिकल 338 ए, और टेन्योर हुई आपका 3 साल आपको होता है। तो ये चेयरमैन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब राष्ट्रीय आपके अनुसूचित जनजाति आयोग है ना। ओके, फिर चेयरमैन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस अल्पसंख्यक आयोग, जो क्या बोलते हैं हिंदी में ओबीसी मतलब अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, भगवान लाल साहनी इज द चेयरमैन, आर्टिकल 338 बी के अंतर्गत इस पद को बनाया गया, 3 साल आपको टेन्योर होता है। पहले ये जो था एक्चुअली ये एक तरीके से एक कानून 1993 में बैकवर्ड आपको ओबीसी कमीशन का कानून आया था 93 में, उसकी जगह अब जो है वो 338 बी कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन संविधान संशोधन के माध्यम से ऐड किया है। तो संविधान संशोधन के माध्यम से 338 बी है ना, तो 338, 338 ए, 338 बी, विजय सांपला, हर्ष चौहान और भगवान लाल साहनी, एससी एसटी ओबीसी सब याद रखना। ओके, उसके बाद अगला जो इंपॉर्टेंट पद है ठीक है, अगला जो इंपॉर्टेंट पद है तो चेयरमैन ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड राइट कमीशन, या बोल सकते हैं बाल सुधार जो बाल संरक्षण आयोग है, उस बाल संरक्षण आयोग के चेयरमैन आपको है, यह है प्रियांक कानून को, 3 साल या 65 साल इनका टोटल आपको टेन्योर है, 3 साल या 65 साल ठीक है। अब इनका मेन काम जैसे हमने देखा था द्रविंद्र मौर्य मध्य प्रदेश में आपको थे वो ना, उसी तरीके से ये भी क्या है 2005 में कानून आया, इट्स कॉल्ड द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड राइट एक्ट 2005 है ना, क्या राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग 2005-2007 में कमीशन बना, और जो प्रियम कानून को ही इज द चेयरमैन राइट नाउ। उसके बाद चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल एपेलेट ट्रिब्यूनल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल सीएटी कैट जिसको बोलते हैं, तो एल नरसिम्हन रेड्डी ये इसके चेयरमैन है। जैसे ये इनका मेन काम क्या होता है, जैसे केंद्र जो राज्य है राज्य में होता है सेट स्टेट एपेलेट ट्रिब्यूनल, ये केंद्र के अंदर है स्टेट, इट्स कॉल्ड द सेंट्रल एपेलेट ट्रिब्यूनल। अब इसका मेन काम क्या होता है कि जो भी केंद्र सरकार में जो नौकरियां होती जॉब्स होती हैं उनके संबंध में कोई भी मामला हो गया उसकी जांच वगैरह करने के लिए, उसके खिलाफ अगर कोई सरकारी कर्मचारी केस करना चाहता है सरकार पे कहां जाएगा, तो कैट के पास जाएगा। ओके, फिर चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन या केंद्रीय सतर्कता आयोग, तो केंद्रीय सतर्कता आयोग के जो चेयरमैन है उनका नाम है सुरेश एन पटेल, टेन्योर कितना है 4 साल से लेकर 65 साल। तो उसके लिए 2003 के अंदर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट आया, 2000 पद बहुत पुराना है, संथानन कमीशन आया था उसकी रिकमेंडेशन पे सीवीसी बनाया गया था, लेकिन बाद में ये हुआ कि भाई 2003 में जाके उसको लीगल या बोल सकते हैं कि जो वैधानिक अधिकार है वो 2003 में आपको दिया गया ठीक है, याद रखिएगा 4 साल 65 साल जो भी आपको पहले हो ठीक है। उसके बाद अगला जो पद है चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन केंद्रीय सूचना आयोग, तो यशवर्धन कुमार सिन्हा है, ये केंद्रीय सूचना आयोग के आपको चेयरमैन है ना। अब यहां पर इसको हटा दो, चेंज जहां जहां मैं काट रहा हूं ना मुझे बाद में याद दिला देना, उसको मैं अपडेट करना स्लाइड को ठीक है। तो कुछ कुछ चीजें गलत टाइप हो गई है, तो ये जो इन्फॉर्मेशन कमिश्नर है यशवर्धन कुमार सिन्हा, अब मैंने काटा क्यों है, तो सर काटा तो फिर नया बताओ कि टेन्योर क्या है, इनका टेन्योर जो है वो केंद्र सरकार तय करेगी। पहले जो आया अब किसके माध्यम से इनका अपॉइंटमेंट हुआ, तो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट सूचना का अधिकार 2005 इसके अंतर्गत केंद्र के अंदर इन्फॉर्मेशन कमिश्नर या सूचना आयोग का आपका गठन किया जाता है। इनका मेन काम होता है राज्य के अंदर जो भी सूचनाएं हैं, सूचना मतलब जो भी इन्फॉर्मेशन किसी को चाहिए केंद्र सरकार राज्य सरकार के संबंध में, तो उसके संबंध में जो जो सूचनाएं हैं उनके आदान प्रदान के लिए लोगों को आरटीए के माध्यम से सूचना देने के लिए इस कमीशन को आपको बनाया गया है। अब इसके जो चेयरमैन हैं या चेयरमैन मेंबर राज्य में भी चेयरमैन मेंबर हैं, इनका जो टेन्योर है वो केंद्र सरकार आपको तय करेगी, इट विल बी डिटरमाइंड बाय द
डिटरमाइंड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर यशवर्धन कुमार सिन्हा, कितने मेंबर होते हैं, नॉट मोर देन 10, 10 से ज्यादा मेंबर इसके अंदर आपको नहीं हो सकते। तो चेयरमैन होगा, चेयरमैन के अलावा नॉट मोर देन 10 मेंबर्स। फिर चेयरमैन ऑफ द एटॉमिक एनर्जी कमीशन, या आप क्या बोलेंगे हिंदी में, आणविक जो आयोग है, तो कमलेश नीलकांत व्यास, ये एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन है, नॉट सो मच इंपॉर्टेंट। फिर चेयरमैन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस इज सोमनाथ, ये जो इसरो के हेड होते हैं जनरली, मतलब नॉट द एक्स ऑफिशियो, पदेन सभापति नहीं होते, ये फिर से बता दूं मैं, ठीक है। तो पदेन सभापति नहीं होते, बट ये अभी एस सोमनाथ जो है, ये डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, या बोल सकते हैं कि जो हमारा जो अंतरिक्ष विभाग है, उस अंतरिक्ष विभाग के अभी के समय पे आपको प्रमुख है, काफी इंपॉर्टेंट पोस्ट है। चलिए ओके, अगला जो इंपॉर्टेंट पोस्ट है ना, वो है आपके चेयरमैन ऑफ द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी। तो एम जगदीश कुमार, एम जगदीश कुमार ये कौन है, यूजीसी के चेयरमैन, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है ना, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के चेयरमैन है। उसके बाद चेयरमैन ऑफ द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, प्रतिस्पर्धा आयोग, तो अशोक कुमार गुप्ता इज अ चेयरमैन ऑफ द आपके कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ सीसीआई, जिसको हम बोलते हैं भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। अब इसका मेन काम होता है कि भारत में जो भी कंपनीज है उनके बीच में एक प्रॉपर प्रतिस्पर्धा हो, एक प्रॉपर उनके बीच में कॉम्पिटिशन हो, और उस फ्री एंड इस फेयर कॉम्पिटिशन के लिए अलग से सरकार ने कमीशन बनाया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, या उसको हम लोग भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग बनाते हैं। 2005 में कानून आया। फिर सेंट्रल वाटर कमीशन, केंद्रीय जो जल आयोग है, जल आयोग के चेयरमैन है नरेंद्र कुमार। उसके बाद डायरेक्टर ऑफ द स्पेस एप्लीकेशन सेंटर नीलेश एम देसाई, नॉट सो मच इंपॉर्टेंट। फिर चेयरमैन ऑफ द नेशनल फॉरेस्ट कमीशन, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बीएन कृपाल। तो ये कौन है, नेशनल फॉरेस्ट कमीशन, ये राष्ट्रीय जो वन आयोग है, या राष्ट्रीय वन आयोग है, उसके चेयरमैन है। ओके, उसके बाद 15th फाइनेंस कमीशन, 15वां वित्त आयोग। तो 15वें वित्त आयोग के जो चेयरमैन है उनका नाम है एनके सिंह। अब ये उनकी वही 2020 से लेके 25 तक रिकमेंडेशन है, 2020 में इनको 19 में अपॉइंट किया गया था। उसके बाद अगला जो है 2025 के अंदर या 2024 में सरकार इनको अपॉइंटमेंट करेगी। इनका मेन काम क्या होता है, ये मेंशन है आर्टिकल 280 संविधान के अनुच्छेद 280 में। इसके अंतर्गत केंद्र और राज्यों के बीच में करों का बंटवारा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, राज्य और केंद्र के बीच में करों का बंटवारा, तो उसके लिए क्या है, उसके लिए हमारे यहाँ पर 15th फाइनेंस कमीशन अपॉइंट किए गए, हुज ये आपके एन के सिंह है। उसके बाद अगला जो पद है, गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई के गवर्नर शशिकांत दास, ये आरबीआई के गवर्नर है ना, अभी के समय पे इनका टेन्योर भी 3 साल आपका होता है, तो आरबीआई के गवर्नर शशिकांत दास। ओके, उसके बाद अगला जो इंपॉर्टेंट पोस्ट है, सेबी, सेबी के चेयरमैन है, इट्स कॉल्ड द मधाबीपुरी बुच, मधाबीपुरी बुच, ये अभी सेबी के चेयरमैन है, इनका भी 3 साल वाला टेन्योर आपको होता है। और जो सेबी एक्ट है 1988 का, 1988 का सेबी, 1992 का सॉरी 1992 का जो सेबी अधिनियम है, उसके अंतर्गत इनका अपॉइंटमेंट, केंद्र सरकार इनकी नियुक्ति करती है। फिर इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, IRDA है ना, बीमा नियामक प्राधिकरण, उसके जो चेयरमैन है वो है देवाशीष पांडा, है ना, ये इसके चेयरमैन, याद रखना ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पोस्ट है। तो सेबी और IRDA साथ में आपके आरबीआई गवर्नर भी याद रखना, ठीक है। तो ये जितने भी वित्तीय बॉडी, फाइनेंशियल बॉडीज है, उन फाइनेंशियल बॉडीज के यहाँ पर आप तो प्रमुख है, ठीक है। तो क्या हो गया अभी, ओके ओके, उसके बाद अगला जो इंपॉर्टेंट पोस्ट है वो है चेयरमैन ऑफ द 7th पे कमीशन, 7वां वित्त आयोग, 7वां पे कमीशन, या बोल सकते हैं हिंदी में 7वां पे कमीशन ही बोला जाता चलो। तो इसके चेयरमैन है अशोक कुमार माथुर, AK माथुर, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, पुराने जज हैं, ठीक है। इसका मेन काम होता है कि जो केंद्र सरकार के जो कर्मचारी होते हैं, केंद्र राज्य सब में इंप्लीमेंट होता है एक तरीके से, तो उनके जो पे कमीशन, हर कुछ साल में सरकार पे कमीशन लाता है, तो 7वां पे कमीशन है। इनका मेन काम होता है कि केंद्र सरकार के अंदर जो भी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनकी जो सैलरी, उनकी जो तनख्वाह है, उसके अंदर जो भी टाइम टू टाइम आपको बदलाव करना है। उसके बाद अगला जो इंपॉर्टेंट पद है, चेयरमैन ऑफ द सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, है ना, लघु जो स्मॉल जो लघु औद्योगिक विकास बैंक है ना, तो उसका नाम है शिवब्रमण्यम रमन, ठीक है, शिव सुब्रमण्यम रमन। ये अब जबान लड़खड़ाने लग गई, कितना टाइम हो गया, 2 घंटा हो गया ना, हाँ अब मेरी जबान लड़खड़ाएगी, इससे ज्यादा पढ़ने की हिम्मत, फिर भी अपन आधे घंटे और पढ़ेंगे ना, डोंट वरी। वेतन आयोग, वेतन आयोग है ना, तो ये इसके चेयरमैन आपको है। उसके बाद
चेयरमैन ऑफ द कंपनी कंपनी लॉ बोर्ड तो महेश कुमार मित्तल, ठीक है। उसके बाद हर्ष भूपेंद्र जो है ये है मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिम बैंक जिसको हम लोग बोलते हैं। इसका मेन काम है देश के अंदर जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है उसको मैनेज करना। तो हर्षा भूपेंद्र बनगारी है वो उसके चेयरमैन है। उसके बाद सुचिंद्र मिश्रा, सुचिंद्र मिश्रा कौन है, जो नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड जिसको हम बोलते हैं, तो नाबार्ड के चेयरमैन है, नाबार्ड के अध्यक्ष आपको है सुचिंद्र मिश्रा। उसके बाद चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड एमडी ऑफ द इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन मनोज मित्तल, नॉट सो मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला जो इंपॉर्टेंट पद है भारत के अंदर वह चेयरमैन ऑफ द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएससी के चेयरमैन है गिरीश चंद्र चतुर्वेदी, बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के जो चेयरमैन है उनका नाम है एसएस मुंद्रा, याद रखिएगा। फिर चेयरमैन ऑफ द एसबीआई, एसबीआई के चेयरमैन है दिनेश कुमार खरा, है ना, कभी पूछ सकता है एसबीआई का, वैसे नहीं पूछेगा। बीएससी एनएससी आपको इंपॉर्टेंट है, तो एनएससी के हैं गिरीश चंद्र चतुर्वेदी, बीएससी के जो है एसएस मुंद्रा, और उसके बाद जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन है दिनेश कुमार खरा। उसके बाद और भी कई सारे पोस्ट हैं जैसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक राकेश शर्मा, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एम आर माथुर, नॉट सो मच इम्पोर्टेंट। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बस पढ़ लेना एक बार, कोई इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ओके। उसके बाद अगले जो है चेयरमैन ऑफ द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, ऑलरेडी हम देख चुके हैं। फिर ये आपको याद करना हो तो कर लेना, कोई दिक्कत बड़ी बात नहीं। हाँ, एक इंपॉर्टेंट है ट्राई के चेयरमैन पी डी वघेला, तो टेलीफोन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई बोला जाता है। इसका मेन काम होता है देश के अंदर जो भी टेलीफोन रेगुलेशन है, टेलीफोन से संबंधित जो भी टेलीफोन ब्रॉडबैंड वगैरह जितने भी टेलीफोन सर्विसेज हैं सब, मोबाइल एयरटेल मोबाइल ब्रॉडबैंड सब सब सबके जो हेड होते हैं वो ट्राई आपको होता है, तो आरपीडी वगैरह। फिर डायरेक्टर ऑफ द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट आजकल बड़ी चर्चाओं में है संजय कुमार मिश्रा, है ना, बड़े जाने माने आईपीएस ऑफिसर है। अभी देखो ईडी बहुत चर्चाओं में क्यों है कि वही हर थोड़े टाइम पे ईडी का छापा होता है, फिर विपक्ष सरकार के ऊपर ब्लेम करती कि भाई तुम्हारा जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है वो सरकार लोगों को परेशान कर रहा है, सरकार एजेंसी इसका गलत उपयोग कर रही है, तो जो ईडी है वो बड़ा न्यूज में आपको रहता है। संजय कुमार मिश्रा इज द चेयरमैन ऑफ द ईडी, ईडी के चेयरमैन आपको है। अगर आप लोग अलाउ करो मैं बैठ के पढ़ा दूं थोड़ी देर, चलेगा? ओके उसके बाद हम बात करते हैं डिफेंस और सिक्योरिटी फोर्सेस की, ठीक है। तो अगर मैं बैठ जाऊंगा तो थोड़ा और पढ़ा लूंगा, बैठ जाऊं? थैंक यू सर। कहाँ जा रही हो तुम, फिर जाना तुमको? हम भी बैठे ये कहते, तुम कहाँ जा रही हो सिद्धि? अरे यार इतनी देर खड़े करने का वो नहीं है ना, चलना एक अलग बात है, बैठे लोग खड़े रहना थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको है, फिर भी जब तक चलता है जब तक चलाते हैं। चलो अब लोग बात करते हैं डिफेंस और सिक्योरिटी फोर्सेस के बारे में। तो हमारे चीफ ऑफ स्टाफ है अनिल चौहान, अब ये कौन होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पोस्ट है। तो 2019 में 2020 में सरकार ने क्या किया कि पहले क्या होता है कि तीनों सेनाओं के प्रमुख हैं, यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बोला जाता है। तो तीन सेनाएं हैं एयरफोर्स नेवी और आर्मी, अब तीनों के अलग अलग हेड होते हैं अलग अलग प्रमुख होते हैं, बट एक जो व्यक्ति होता है वो तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। अब ये पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पहले भी होते थे, अब पहले क्या होता है कि जो तीनों सेनाओं उनमें से किसी एक व्यक्ति को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बना लिया जाता था, अब क्या हो गया उसके लिए सरकार ने चौथा अलग से पद बना दिया, तीनों सेनाओं के प्रमुख होंगे, तो तीनों सेनाओं के हेड होंगे। अभी के समय पर कौन है, अनिल चौहान है, ठीक है। उसके बाद चीफ ऑफ द एयर स्टाफ है ना, चीफ ऑफ द एयर स्टाफ ये बोल सकते हैं कि जो वायुसेना के प्रमुख है उनका नाम है मार्शल विवेक राम चौधरी, विवेक राम चौधरी। तो विवेक राम चौधरी कौन है, वी आर चौधरी, चीफ ऑफ द एयर स्टाफ, हमारी वायुसेना के प्रमुख है, सब बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, आर्मी के प्रमुख है जनरल मनोज पांडे, है ना, ये आर्मी के हेड है। और उसके बाद चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ है एडमिरल आर हरि कुमार, आर हरि कुमार ये तो चेयरमैन ऑफ आपके नेवल स्टाफ आपको, या फिर हमारी जो नेवी है हमारी नेवी के प्रमुख है। तो आर्मी एयरफोर्स नेवी और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, चाहे तो आप याद रखिएगा कौन है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान, आर्मी के हेड कौन है विवेक राम चौधरी, आपके एयरफोर्स के आर्मी के कौन है मनोज पांडे, और हमारी नेवी के जो है एडमिरल आर हरि कुमार, ये तीनों चारों याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है, ओके। उसके बाद डायरेक्टर ऑफ द इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के प्रमुख कौन है,
तो आईपी के जो प्रमुख है उनका नाम है तपन देगा, है ना, आईपीएस ऑफिसर है, जनरली आईपीएस ऑफिसर ही इसके प्रमुख, इसके हेड आपको बोलते हैं। ओके, उसके बाद सामंत गोयल, ये कौन है, रॉ के चीफ है, है ना, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग उसके चीफ है। क्या नाम है इनका, नाम है सामंत गोयल, आईपीएस ऑफिसर ही इसके चेयरमैन, उसके अध्यक्ष होते हैं। फिर उसके बाद अगला जो है डायरेक्टर ऑफ द सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सुबोध कुमार जायसवाल, आईपीएस ऑफिसर है ये, इसके हेड भी आईपीएस होते हैं, सुबोध कुमार जायसवाल सीबीआई के हेड है, बहुत अभी चर्चाओं में आपको है सीबीआई, वो अपने ईडी और सीबीआई दोनों बहुत चर्चाओं में, मोदी जी लपक लपक के उपयोग कर रहे हैं तो उसके कारण ज्यादा चर्चाओं में आपको आ रहा है। फिर पंकज कुमार सिंह है, आईपीएस है, ये है आपके बीएसएफ के प्रमुख, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, है ना। अब ये हमारी क्या है, ये हमारी वो है आर्म फोर्स है, सीएपीएफ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, है ना। तो बीएसएफ का काम होता है भारत की जो सीमा रेखाएं उनकी रक्षा करना, सीमा रेखाओं में भी किसकी, पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों की जो सीमा रेखाएं हैं उनकी रक्षा करने का काम फर्स्ट डिफेंस लाइन ऑफ डिफेंस उनको कहा जाता है। तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, सीमा रेखाओं की रक्षा करना इनका मेन काम आपको होता है, ठीक है। तो भाई मैं नहीं हूं रॉ में, है ना, फालतू उड़ाओ मत। क्या ओबीसी कमीशन के चेयरमैन क्या हो गया, चेंज हो गए ऐसा, चलो तो देख लेंगे देख लेंगे देख लेंगे। देख लेते ना, बच्चे कहाँ भाग रहे हैं यार। अच्छा ओके ठीक है, फिर मैं अपडेट कर दूंगा अपडेट कर दूंगा, ठीक है चलिए। ओके, उसके बाद ये हो गए आपके बीएसएफ के प्रमुख पंकज कुमार सिंह, है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन नाम पता होना चाहिए। उसके बाद डायरेक्टर जनरल ऑफ द सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स डॉक्टर डॉक्टर सुजोय लाल थैसोन। अब देखो ये जो सीएपीएफ होता है, सीआरपीएफ होता है, रिजर्व फोर्स, ठीक, केंद्र सरकार की रिजर्व फोर्स होती है, रिजर्व बल आपको होता है, ये भी क्या है, ये भी आपके सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, ये हिंदी में बोले तो अर्धसैनिक बल होते हैं। फिर डायरेक्टर जनरल ऑफ द सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स शीलवर्धन सिंह, तो शीलवर्धन सिंह इज द चेयरमैन, डीजी होते हैं, डायरेक्टर जनरल होते हैं। तो ये सीआईएसएफ होती है, जितनी भी इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे नोट प्रेस हो गया, आरबीआई हो गया, सरकार के दूसरे ऑफिस वगैरह हो गए, उन सबकी रक्षा करने के लिए सरकार ने सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स आपको बनाई है, ये भी क्या है, अर्धसैनिक बल है। उसके बाद अगला जो है डायरेक्टर जनरल ऑफ द आईटीबीपी इंडो तिब्बत पुलिस फोर्स अनीश दयाल सिंह इज द चेयरमैन, इनका मेन काम है हमारी जो चाइना वाली बॉर्डर है उस बॉर्डर की रक्षा करना, तो आईटीबीपी जो है उस बॉर्डर की रक्षा आपको करती है, अनिल दयाल सिंह। फिर डायरेक्टर जनरल तो सीमा क्षेत्र एसएसबी है, एसएसबी की चेयरमैन है, उसकी डीजी है रश्मि शुक्ला, फर्स्ट वुमन चेयरमैन ऑफ द ऑफ एनी आर्म फोर्सेज, जितनी भी आर्म फोर्सेज उनकी पहली महिला प्रमुख आपको है, क्या नाम है, रश्मि शुक्ला, आईपीएस ऑफिसर है, और ये एसएसबी जो है वो नेपाल और भूटान की हमारी जो सीमा है उनकी रक्षा करता है। तो अलग अलग सीमाओं के लिए अलग अलग फोर्सेस हमने यहाँ पर आपको बना रखी है। ओके, उसके बाद अगला जो पद है डायरेक्टर जनरल ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी एमए आपके गणापटी, ये उसके चेयरमैन आपको है, इनका मेन काम क्या है, एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी कमांडो, ना ब्लैक केट कमांडो आपने देखे होंगे, काले कपड़े पहन के कमांडोज आते हैं, तो उस ब्लैक केट कमांडोज जो है उनका जो पूरा टीम उसके चेयरमैन है एनएसजी। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद स्पेशली एनएसजी हमने बनाया ताकि आगे से कुछ चीजें आपको नहीं हो। उसके बाद डायरेक्टर जनरल ऑफ द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एनआईए दिनकर गुप्ता आईपीएस। अब देखो एनआईए जो होता है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ये भारत के अंदर किसी भी प्रकार के आतंकवादी हमले, किसी प्रकार के जो टेररिस्ट हमले होता है, किसी प्रकार का न्यूक्लियर अटैक वगैरह होगा, ऐसा कोई भी अगर ऐसा बड़ा अटैक नेशनल सिक्योरिटी राष्ट्रीय सुरक्षा पे होता है तो उसकी जांच करने के लिए एनआईए यहाँ पर होता है। देश का सर्वोच्च आपको आप बोल सकते हो, कहीं भी बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, कहीं भी टेररिस्ट अटैक हुआ तो सबसे पहले एनआईए आएगी, लोकल पुलिस भी हाथ नहीं लगाएगी। अगर एनआईए पहुंच गया तो लोकल पुलिस साइड में, लोकल पुलिस मतलब वहां का लोकल पुलिस का डीजीपी वो साइड में खड़ा हो जाएगा कि हाँ ठीक है एनआईए को अपना काम, इतना पावर दिया और सो मोटो पावर। सीबीआई जैसे हमने देखा तो सीबीआई किसी केस की जांच कब करेगा, जब उसको हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट बोलेगा या सरकार बोलेगी तो ही जांच करेगा। बट एनआईए का काम क्या है, जैसे ही कहीं ब्लास्ट कुछ भी हुआ एनआईए को लगा कि नहीं ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी है, एनआईए तुरंत पहुंच के उस केस का इन्वेस्टिगेशन करती है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पोस्ट। अगला जो इंपॉर्टेंट पद है डायरेक्टर जनरल ऑफ द नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स एनडीआरएफ जिसको बोलते हैं, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, इसके प्रमुख है अतुल करवाल, आईपीएस ऑफिसर है,
एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट वो जब भी जहां पर आपदा आती है, तो 12 बटालियन मैंने आपको बताई थी, तो वो जो 12 बटालियन है आपके डिजास्टर रिस्पॉन्स एनडीआरएफ की, उसके चेयरमैन जो है, उसके डायरेक्टर जनरल जो है वो कौन है, आपके अतुल करवाल। यहाँ पे इसका मेन काम होता है जब भी देश में कहीं भी आपदा, कोई भी डिजास्टर आता है, तो उस डिजास्टर से प्रोटेक्ट करना, उससे संरक्षित करना इनका मेन काम आपको होता है। तो याद रखिएगा, ही इज द चेयरमैन ऑफ दैट। ठीक है, तो ये होगी तमाम आपकी बॉडीज। खैर ये डालना जरूरी होता है क्योंकि जहां से मैंने स्लाइड बनाई है तो उनको भी क्रेडिट देना पड़ता है। चलिए यहां तक क्लियर है? हाँ नहीं, मैं ब्रेक लूंगा तुम लोग भाग जाओगे। इसलिए मैं ब्रेक नहीं ले रहा। नहीं भाव हुआ है, चलो ठीक है फिर। तो लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दो यार। हम कहाँ जाएंगे आपके सिवा, ये भी सही है। अरे अभी 70-80 बच्चे लाए थे, भाग गए सब। लाइक ही नहीं किया, वो लोग लाइक कर दो। और एक सीरीज और चल रही है एंड इट इज एमपीपीएससी TAT, अगर वो नहीं देख रहे हो तो वो भी जरूर देखना। हाँ प्लस क्लास नहीं है आज, ऐसे तो चल रहा है अभी। चलिए अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उनके प्रमुख या उनके हेड्स के बारे में। ठीक है, ओके। सबसे पहले हम लोग अब बात करेंगे यूनाइटेड नेशन के बारे में, संयुक्त राष्ट्र के बारे में। तो यूनाइटेड नेशन जो है, यूनाइटेड नेशन के अभी के समय पे जो चीफ है उनका नाम है एंटोनियो गुटेरेस, इज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन। प्रमुख जो सेक्रेटरी जनरल होते हैं, अब इनका मेन काम होता है यूनाइटेड नेशन का पूरा जो कामकाज वगैरह है वो तमाम चीजें यहाँ पर आपको देखना। सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन, ठीक है, कहां पर हेडक्वार्टर, उनका हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपके न्यूयॉर्क के अंदर आपको लोकेटेड है। 1945 में, 1945 में जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूनाइटेड नेशन का या यूएन का आपको गठन किया। टोटल नंबर ऑफ जो मेंबर है वो है 193, 193 मेंबर 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद गठन किया। मेन काम है पूरी दुनिया के अंदर शांति सुरक्षा मेंटेन करना और तमाम जितने भी कंट्रीज हैं उन कंट्रीज के बीच में कॉपरेशन या उनके बीच में जो सहयोग है उस सहयोग को बढ़ाना। ओके, अगला जो इंपॉर्टेंट पार्ट है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। अब देखो ये हर साल चेंज होता है,
है ना, जैसे ये हर साल चेंज होता है। तो अभी यूनाइटेड नेशन की जो असेंबली हुई, तो उसके 77th जो प्रेसिडेंट है जनरल असेंबली के, अब देखो इसको बोलते हैं हिंदी में संयुक्त राष्ट्र महासभा। अब ऐसे करके हर साल जब से यूएन बना है 1945 में, तब से लेके हर साल सभा आपको होती है। और अभी इसके प्रेसिडेंट जो है उनका नाम है कसाबा कुरोजी, जो अभी चेयरमैन है। इंडिया की तरफ से देखेंगे तो हमारी जो विजय लक्ष्मी पंडित है, शी इज द फर्स्ट वुमन चीफ सेक्रेटरी, फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ द UNGA। साथ ही भारत की अभी तक की जितनी भी थी उनमें से इकलौती यहाँ पर आपको मेंबर है जो UNGA की यहाँ पर आपको चेयरमैन, आपको अध्यक्ष, आपको कसाबा कुरोजी है। न्यूयॉर्क जो है वो इसके अंदर इसका हेडक्वार्टर, इसका भी निर्माण गठन हुआ 1945 में। अगला जो इंपॉर्टेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ, इसका हेडक्वार्टर है हैग नीदरलैंड के अंदर। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका मेन काम होता है कि अंतरराष्ट्रीय लेवल पे जो भी केसेस हो ना, सुप्रीम कोर्ट हो गया तो देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट होता है, उसी तरीके से अंतरराष्ट्रीय लेवल पे इंटरनेशनल लेवल पे होता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसके प्रेसिडेंट है जॉन डोनोग, उनका नाम है चेयर प्रेसिडेंट है, एक वुमन है, महिला है ना, जॉन डोनोग है वो उसकी प्रेसिडेंट है। और जो भी इसके अंदर, इसके अलावा टोटल नंबर ऑफ 15 जजेस होते हैं, 15 जजेस आपको होते हैं, और हर जज का जो टेन्योर है वो 15 साल होता है। अब इसमें भारत की तरफ से कौन है, तो भारत की तरफ से जो दलवीर भंडारी है, सो दलवीर भंडारी इज द मेंबर। जैसे आपको याद होगा ना कि जो सरबजीत वाला मामला है, तो सरबजीत वाले मामले को हम लोग यूनाइटेड नेशन में, यूएन में आपको ले गए थे, सॉरी ICJ में ले गए, तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय आप बोल सकते हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो जितने भी देश हैं पूरी दुनिया में वो ऑलमोस्ट कंट्रीज इसके यहाँ पर मेंबर या इसके यहाँ पर आपको सदस्य हैं। और दलवीर भंडारी इज अ मेंबर जो 9 साल उनका टेन्योर 2012 से यहाँ पर है। तो 2012 के बाद 2018 में फिर से उनका अपडेट किया, तो 2018 से लेकर 9 साल 2027 तक तो रहेंगे, 2018 में फिर से अपडेट किया। तो टोटल टेन्योर कितना होता है 9 साल, और टोटल नंबर ऑफ कितने जैसे 15 जज, जो भी अंतरराष्ट्रीय मुद्दे हैं वो यहाँ पर लाए जाते हैं। खैर इनके जो डिसीजंस होते हैं वैसे तो देखा जाए तो बाइंडिंग आपको होते हैं, लेकिन चाइना जैसे कंट्रीज इसको नहीं मानते, इनको अप्लाई नहीं करते, इंडिया इनके आदेशों को बिल्कुल मानता है। तो इंडिया हो गया, पाकिस्तान, वी आर ओबे दैट ऑर्डर, बट चाइना नहीं करता। ओके, और ये पूरी दुनिया के अंदर एक तरह से पूरी दुनिया की सुप्रीम कोर्ट या दुनिया की कोर्ट बोल सकते हैं, कहां पर, हैग नीदरलैंड के अंदर। अगला जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है यूनिसेफ, यूनिसेफ जो है ये यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड है, प्रेसिडेंट है कैथरीन एम रजल, न्यूयॉर्क के अंदर हेडक्वार्टर, और 1946 में यूनिसेफ का गठन किया। अब इसका मेन काम क्या है कि पूरी दुनिया के अंदर जो बच्चे हैं, चिल्ड्रन हैं, तो उनके संबंध में उनका प्रोटेक्शन या उनका संरक्षण करना, बच्चों के संबंध में जो भी बच्चों के विकास, बच्चों के जो डेवलपमेंट है उसके लिए तमाम योजनाएं हैं वो लेके आना, पूरी दुनिया में इंटरनेशनल जो कॉपरेशन है वो डेवलप करना। कई बार होता है ना कि जैसे किस देश में युद्ध हो रहा है, वॉर हो रहा है, तो उन कंट्रीज में कई बार इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं, तो इसलिए ये ऑर्गेनाइजेशन आपको बनाया गया। और इस ऑर्गेनाइजेशन की मदद से जो पूरी दुनिया के अंदर जो बच्चे हैं, चाइल्ड हैं, उनका डेवलपमेंट या उनका विकास या उनके संबंध में तमाम चीजें की जाती है। अगला जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, जिस तरह से हमने इंडिया के अंदर ह्यूमन राइट कमीशन देखा, उसी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन होता है। और इस यूएन कमीशन के चेयरमैन है, उनका नाम है वेल्सेक बेलॉक। तो 2006 के अंदर इसको बनाया, सबसे लेट बनाया बॉडी। तो वैसे तो अगर देखा जाए तो ह्यूमन राइट को लेके जो कन्वेंशन है, यूनाइटेड नेशन को लेके जो एक अंतर्राष्ट्रीय जो समझौता है वो 1948 में ही आ गया था, लेकिन ये थोड़ा ऑर्गेनाइजेशन लेट बना। 2006 में जेनेवा स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है, और इसका जो मेन ऑर्गेनाइजेशन है वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली UNGA है, उसके माध्यम से ही इनका अपॉइंटमेंट किया जाता है। अगला जो इंपॉर्टेंट पोस्ट है ऑर्गेनाइजेशन है IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसकी चीफ है क्रिस्टीना जॉर्जीकीवा। अब इसका जो मेन काम है कि दुनिया के अंदर कोई भी ऐसा कंट्री जिसके बैलेंस ऑफ पेमेंट की यहाँ पर आपको दिक्कत हो गई है या भुगतान संतुलन की दिक्कत हो गई, उन कंट्रीज पर डॉलर वगैरह कम हो गए, एक्सपोर्ट के लिए पैसा नहीं बचा है, तो ये कंट्रीज जो है यहाँ पर आ सकती है और यहाँ पर आके जो है वो उनसे फंडिंग वगैरह ले सकती है, पैसा उधार ले सकती है, डॉलर आपको ले सकती है। इसका परमानेंट ग्राहक कौन है, इस ऑर्गेनाइजेशन का परमानेंट ग्राहक कौन है, पाकिस्तान है ना, तो जो पाकिस्तान है वो उसका परमानेंट ग्राहक है, हर मतलब उसको रोज पैसा चाहिए, उसका बस चले तो रोज इस ऑर्गेनाइजेशन के पास आ जाए। खैर हमको दो बार जरूरत पड़ी, ऐसे मजाक नहीं उड़ाती किसी का, है गलत बात है, ये क्या है, ये सिखाया तुमको मैंने बैड मैनर्स। तो देखो हमको दो बार इसकी जरूरत पड़ी, एक 1967 में, दूसरा 1992 में, और भगवान करे आगे हमको जरूरत नहीं पड़ेगी और पढ़ना भी नहीं चाहिए।
इतना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमने मेंटेन करके रखा। तो कोई भी कंट्री है जिसका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जब जब आपको लगभग खत्म होने आ जाता है या विदेशी मुद्रा खत्म होने आ जाती है, तो उस समय पे फिर वो यूएन में जाता है और यूएन में जाके जो भी फंडिंग वगैरह है, फंडिंग वगैरह यहाँ से आपको रेज कर सकता है। 190 मेंबर इसके हैं, वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है, और भारत की जो इंडियन ओरिजिन की जो गीता गोपीनाथ है, ये इसकी पहली डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर आपको है, जो इंडियन फर्स्ट इंडियन डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर है। ठीक है, तो याद रखना इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड IMF क्रिस्टलीना जॉर्जेगीवा इज द चेयरमैन या उसकी प्रमुख यहां पर आपको है। अगला इंपॉर्टेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड बैंक ग्रुप, विश्व बैंक का समूह। अब विश्व बैंक के समूह में 5 अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, इसके चेयरमैन है डेविड मेलपास। दो चीजें होती है, वर्ल्ड बैंक और एक होता है वर्ल्ड बैंक ग्रुप। वर्ल्ड बैंक जो ग्रुप होता है, वर्ल्ड बैंक जो होता है उसके अंदर होता है IBRD और IFC, इंटरनेशनल फाइनेंस कमीशन, और इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ये दोनों मिलके बनते हैं वर्ल्ड बैंक, और बाकी जो मीदा वगैरह सब कुछ मिला के वर्ल्ड बैंक ग्रुप बनता है। क्या कब बना? डेविड मेलपास इज द चेयरमैन। फिर इसके जो चेयरमैन है, एस्टैब्लिश हुआ 1944 में, 1944 में वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। इसके जो MD है वो है इंडियन है, उनका नाम है अंशुला कांत, जो इंडियन ओरिजिन की है, और साथ में इसके जो इंद्रमीत गिल है वो इसके चीफ इकोनॉमिस्ट या प्रमुख आपके आर्थिक सलाहकार है। तो MD and CFO जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, केंद्रीय जो मुख्य वित्तीय अधिकारी, तो अंशुला कांत है इज द MD and CFO, और इंद्रमीत गिल जो है वो चीफ इकोनॉमिस्ट या प्रमुख जो है इनके इकोनॉमिस्ट, मतलब आप बोल सकते हो कि प्रमुख इनके आर्थिक सलाहकार, आप बोल सकते हो प्रमुख आर्थिक सलाहकार है। ओके, अगला इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन WHO, ये भाई साहब को आप जानते ही होंगे, चाइना के बड़े अच्छी दोस्ती इनके साथ में। ठीक है, इनके जो चेयरमैन है उनका नाम है टेड्रोस आपका एथनॉन। 1948 में ऑर्गेनाइजेशन आपको क्रिएट हुआ, और जो कोविड अभी आया था तो कोविड के टाइम से ही आपके जो टेड्रोस एथनॉन है वो इसके मेंबर आपको है। जेनेवा के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, स्विट्जरलैंड के अंदर, और इसका जो मेन ऑर्गेनाइजेशन है वो यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। अब ये जो यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल, संयुक्त राष्ट्र का आर्थिक एवं सामाजिक जो परिषद है, ये कहां से आया ऑर्गेनाइजेशन? तो ये ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली जो यूएन की बॉडीज हैं, 5 जो वर्ल्ड बैंक की बॉडीज है सॉरी, उनमें से एक ऑर्गेनाइजेशन आपको है, और ये उसका पेरेंट। एग्जाम में आ जाएगा कि WHO का पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है या उसका पैतृक संस्थान कौन सा है, तो यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल उसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन। याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट, कई बार एग्जाम में ये चीजें आपसे पूछी जाती। बोला ना बच्चे भाग जाएंगे, देखो भाग रहे हैं, अभी 52-6 चले गए। ओके, उसके बाद अगला जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO, और इसके अभी के समय पे जो चेयरमैन है उनका नाम है गिल्बर्ट हैंगबो। अब गिल्बर्ट हैंगबो जो है, इसके पहले एक नाम मुझे बताओ जो आपको ILO के चेयरमैन का आपने याद करा था, इसके पहले कौन थे? 90% बच्चे इसका आंसर दे देंगे। नहीं पता? अरे कैसे हो सकता है? इट्स अ गे राइडर। गे राइडर जो बहुत लंबे समय, तकरीबन 8-10 साल तक इसके चेयरमैन यहाँ पे, उसके अध्यक्ष यहाँ पर आपको रहे। अभी के समय पे गिल्बर्ट आपका हैंगबो है, ये इसके चेयरमैन, इसके अध्यक्ष है। कहाँ पर है हेडक्वार्टर? जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर आपको लोकेटेड है, और 1919 में इसका गठन हुआ। अब ये हमारे दुनिया के सबसे पुराने ऑर्गेनाइजेशन में से एक है। 1919 मतलब प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुआ, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो है, अरे गे राइडर बहुत फेमस है वो, तो चलो कोई बात नहीं, ठीक है उसका दिया मैंने। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, प्रथम विश्व युद्ध हुआ, तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो है इसको बनाया गया था 1919 में। अभी देखो उसके एस्टैब्लिशमेंट के 100 साल से ज्यादा भी हो चुके हैं, और इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है ना, जब इसका फाउंडेशन हुआ था उस समय इंडिया भी इसका मेंबर आपको बना था। अगला जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, जिसको पहले हम लोग गेट के नाम से जानते थे, जनरल एंटी अवॉइडेंस ट्रीटी, गेट के नाम से जानते थे। इस ऑर्गेनाइजेशन के जो चेयरमैन है उनका नाम है नगोजी ओकोंजो इकेवा, नगोजी ओकोवा आपका इवेला उसके चेयरमैन है। 1995 में आपको बना, जेनेवा स्विट्जरलैंड में, 164 इसके मेंबर। अब देखो इसका मेन जो काम होता है, पूरी दुनिया के अंदर जो इंटरनेशनल ट्रेड है, अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार है, उन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को मेंटेन करना, उनको प्रॉपर तरीके से, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उनमें किसी प्रकार का कोई भी इशू ना हो, कंट्रीज जो है आपस में इंटरनेशनल जो ट्रेड है
वो प्रॉपर तरीके से आपको कर पाए, कोई कंट्री दूसरे कंट्री के ऊपर किसी प्रकार का कोई भी प्रतिबंध न लगा दे, तो इसको मैनेज करने के लिए WTO या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया। 164 इसके अंदर आपको टोटल मेंबर आपको होते हैं। उसके बाद अगला ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO, इसके चेयरमैन है गेरहार्ड एड्रियन, 1955 में बना, जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। तो ज्यादातर हेडक्वार्टर आपको या तो जेनेवा में मिलेंगे या न्यूयॉर्क के अंदर मिलेंगे, उसके अलावा ज्यादा नहीं मिलेगा। जैसे ICJ था तो इसका उसका हैग नीदरलैंड में था, पीस पैलेस बोलते उस बिल्डिंग को, वहां पर था। वैसे ज्यादातर आपको जेनेवा और आपके न्यूयॉर्क में आपको मिलेंगे। तो WMO गेरहार्ड एड्रियन जो है वो उसके चेयरमैन है, 1950 में इसका गठन हुआ। इसका मेन काम होता है दुनिया भर के अंदर जो मेट्रोलॉजी है उसके संबंध में डेवलपमेंट करना। फिर अगला है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO, इसके चेयरमैन है डैरिन टैंग। अब देखो इसका मेन काम है कि पूरी दुनिया में जो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बौद्धिक संपदा है तो बौद्धिक संपदा की रक्षा करना, उसका प्रोटेक्शन यहाँ पर आपको करना, और इसके लिए जो ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पर आपको बनाएगी। इसके लिए दो इंपॉर्टेंट ट्रीटीज होती है, वन इज कॉल्ड द ट्रिप्स एंड सेकेंड इज कॉल्ड द ट्रिम्स। तो ट्रिप्स और ट्रिम्स नाम की दो इंपॉर्टेंट ट्रीटीज है, उन ट्रीटीज के माध्यम से इसका प्रोटेक्शन किया था। 1967 में बना, अगेन हेडक्वार्टर UN जेनेवा के अंदर स्विट्जरलैंड में। अगला ऑर्गेनाइजेशन जो तीसरा है इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन, पूरी दुनिया में जो समुद्री सीमा है, मैरिटाइम जो सीमा है उसकी रक्षा करने के लिए इसको बनाया गया है। किकिटेक लिम इज द चेयरमैन, 1948 में इसका गठन किया गया और हेडक्वार्टर है आपके लंदन यूनाइटेड नेशन में। अगला जो ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को, यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र का शैक्षणिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संस्थान। इसके जो चेयरमैन है उनका नाम है ऑड्रेन ओजलेव एज द चेयरमैन, और हेडक्वार्टर कहाँ पर है, पेरिस के अंदर आपका हेडक्वार्टर आपको है। अब इसका मेन काम होता है पूरी दुनिया के अंदर सामाजिक सांस्कृतिक और जो वैज्ञानिक विकास है वो वैज्ञानिक विकास करना, जो डेवलपमेंट करना। तो आपके ऑड्रेव ओजलेव है वो उसके चेयरमैन है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है, पेरिस के अंदर है, 1945 में गठन किया। कई सारी चीजें आपने सुनी होगी, जैसे आपका वर्ल्ड हेरिटेज साइट, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल जो इंटेलेक्चुअल जो प्रॉपर्टीज हैं, इंटेलेक्चुअल इंटेंजिबल प्रॉपर्टीज, या इंटेलेक्चुअल नहीं इंटेंजिबल, इंटेंजिबल हेरिटेज आपको हो जाता है या वर्ल्ड हेरिटेज हो गई, वो तमाम ये जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है इसी ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से, यूनेस्को के माध्यम से प्रदान किया था 1945 में। यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल इज द पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जो संयुक्त राष्ट्र का आर्थिक और सामाजिक जो काउंसिल है वो उसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो पांच जो ग्रुप है उनमें से आपको एक है। ओके, उसके बाद अगला जो ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र का औद्योगिक विकास संस्थान। तो इसके अभी के समय में जो चेयरमैन है उनका नाम है गर्ड, इट्स कॉल्ड द गर्ड मुलर, 1966 में बना, हेडक्वार्टर कहां पर है, वियना ऑस्ट्रिया के अंदर, ऑस्ट्रिया नॉट ऑस्ट्रेलिया, वियना ऑस्ट्रिया में आपको हेडक्वार्टर है। ओके, उसके बाद अगला जो ऑर्गेनाइजेशन है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है ना, आपका खाद्य और कृषि संस्थान, इसके जो चेयरमैन DG है उनका नाम है कू डेंग्यू, 45 में ऑर्गेनाइजेशन बना, कहां पर हेडक्वार्टर, रोम के अंदर इसका हेडक्वार्टर आपको है। और इसका भी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन या जो जो पैतृक संस्थान है संयुक्त राष्ट्र का आर्थिक और सामाजिक जो परिषद है उसका मेन ऑर्गेनाइजेशन हो गया। अगला जो ऑर्गेनाइजेशन है इट्स इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु जो ऊर्जा आयोग, तो परमाणु ऊर्जा एजेंसी है, उसके जो चेयरमैन है उनका नाम है राफेल ग्रोजी, 1957 में बना। अब देखो इसका मेन काम है पूरी दुनिया के अंदर जो भी एटॉमिक एनर्जी है उसका सही उपयोग करवाना। जैसे कई सारे कंट्रीज है ना जो बॉम्ब वगैरह बना ले, जैसे आपका ईरान हो गया या नॉर्थ कोरिया वगैरह हो गया, ये लोग अभी डेवलप कर रहे हैं। तो पूरी दुनिया के अंदर जो एटॉमिक एनर्जी है या नाभिकीय ऊर्जा है या एटॉमिक जो रेडियो एक्टिव मटेरियल वगैरह है उनका एक सेफ उपयोग हो, सही उपयोग हो, और बाकी कंट्रीज इस तरीके से जो न्यूक्लियर वेपन वगैरह ना बना रहे, तो उसको रोकने के लिए इस कमीशन को बनाया गया। और जो मेन कार्य होता है वही कि पूरी दुनिया के अंदर इस प्रकार की चीजों को बनाने से यहाँ पर आपको रोकना है। चलिए कितने मेंबर हैं, 176 मेंबर है, वियना ऑस्ट्रिया के अंदर इसका हेडक्वार्टर, इसका प्रमुख आपको है, ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला ऑर्गेनाइजेशन है ओपेक, ओपेक क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो ऐसे एक कई सारे कंट्रीज का ग्रुप बना हुआ है जिनका मेन काम होता है, अब देखो इसके मेंबर मैं एग्जैक्टली बता दूंगा आपको क्योंकि इसके मेंबर कम ज्यादा होते रहते हैं। तो जितने भी पेट्रोलियम कंट्रीज हैं, जो कंट्रीज पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करते हैं उनका एक पूरा ग्रुप होता है, और इसके जो चेयरमैन है उनका नाम है हेथमान अलगेज,
ये इसके चेयरमैन है, कहां पर हेडक्वार्टर है, बगदाद में हेडक्वार्टर इसका है, और कब एस्टैब्लिश हुआ, 1960 में एस्टैब्लिश आपको हुआ, 61 में बना, और एक और इसका मतलब जो मेन हेडक्वार्टर, ये एस्टैब्लिशमेंट हुआ बगदाद में, बट हेडक्वार्टर इसका वियना ऑस्ट्रिया के अंदर है। तो जितनी भी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, स्पेशली एशिया की या वेनेजुएला वगैरह, तमाम जो कंट्रीज हैं, जितने भी ऑयल एक्सपोर्ट करते हैं, उन सभी कंट्रीज का ग्रुप है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टेड कंट्रीज। अगला ऑर्गेनाइजेशन है न्यू डेवलपमेंट बैंक, एनडीबी। अब देखो एनडीबी बना जुलाई 2014 में। अब इसको देखा जाए तो ये हमारा जो ब्रिक्स है ना, ब्रिक्स जिसको हम बोलते हैं, इसको ब्रिक्स बैंक भी बोला जाता है, ब्रिक्स बैंक, ठीक है। तो जो ब्रिक्स की जो पांच कंट्री, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, अब इन पांचों कंट्री ने 2014 में तय किया कि हमारा भी भैया एक बैंक होना चाहिए। तो इन लोग कंट्रीज ने मिलकर एक बैंक बनाया जिसका नाम रखा न्यू डेवलपमेंट बैंक। अब कब बना, 2014 में आपको बना। हेडक्वार्टर कहां पर, शंघाई के अंदर आपको है, और इसके जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है दिलमा रोसेफ, दिलमा रोसेफ इज द ब्रिक्स का बैंक है, ब्रिक्स बैंक भी इसको कहा जाता है, बट द एक्चुअल नेम इज द न्यू डेवलपमेंट बैंक, नव विकास बैंक इसको कहा जाता है। अगला जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है आपका आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी। इसके जो चेयरमैन है उसका नाम है मैस्टुंगू असकावा, इज द चेयरमैन या प्रेसिडेंट है, 1966 में आपको बना, और इसका हेडक्वार्टर है फिलीपींस के अंदर जगह है, इट्स कॉल्ड द मेंडिलोंग। तो फिलीपींस के मेंडिलोंग में इसका हेडक्वार्टर। अब इसका मेन जो काम है कि एशियन जो कंट्रीज हैं उन एशियन कंट्रीज को फाइनेंस प्रोवाइड करना। कई बार ऐसा देखा गया कि जो वर्ल्ड बैंक वगैरह है, विश्व बैंक हो गया, या दूसरे जो आईबीआरडी हो गया या आपका आईएफसी वगैरह हो गया, वो लोन वगैरह प्रोवाइड नहीं करता था, इसलिए फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है एडीबी है, एडीबी का गठन किया गया। इसका मेन काम है कि देश के अंदर जो भी मतलब एशियन जो कंट्रीज हैं उनको लोन वगैरह प्रोवाइड करना, खैर उसके बाहर भी प्रोवाइड करता है। तो जो इंडो पैसिफिक पूरा जो रीजन है ना, वो पूरे रीजन के अंदर ये लोन, मतलब अमेरिका और जापान वगैरह सब इसके मेंबर है, सब सदस्य है। ओके, उसके बाद अगला इंस्टीट्यूशन है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, एशिया अधोसंरचना निवेश बैंक। इसके जो चेयरमैन है उनका नाम है जिन लिक्युआन, जिन लिक्युआन इज द चेयरमैन। 2016 में बैंक आपको बना एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक, हेडक्वार्टर कहां पर है, बीजिंग के अंदर आपको है। टोटल 106 इसके मेंबर हैं, इंक्लूडिंग इंडिया, भारत भी इसका सदस्य है। उसका अगला ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है इट्स कॉल्ड द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, आईसीसी, है ना। अच्छा बताओ इंडिया इसका मेंबर है या नहीं है, इज इंडिया इज अ मेंबर ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन? नहीं है ना, वेरी गुड। ओके, तो इंडिया इसका मेंबर नहीं है। पियोट्रे होफसमाइंकी इसके चेयरमैन आपको है। अब देखो ये जो ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी हुई जिसको बोलते हैं रोम इंस्टीट्यूट बोला जाता है, तो विद द हेल्प ऑफ रोम इंस्टीट्यूट इसका गठन हुआ, और इसको बोलते हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, आईसीसी। इंडिया इसका मेंबर नहीं है, इंडिया ब्राजील वगैरह इसके मेंबर नहीं। हमको कई बार बोला गया हम इसके मेंबर नहीं बने, कहीं ना कहीं हमारी जो सोवनिटी है वो उससे चैलेंज आपको होती है, दैट्स व्हाई वी आर नॉट द मेंबर ऑफ इट। उसके बाद अगला जो ऑर्गेनाइजेशन है इट्स कॉल्ड द परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, पीसीए बोला जाता है। इसके सेक्रेटरी है आपके मार्चिन आपका ज़ेबेलैक, ठीक है। तो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है, या बोल सकते हैं मध्यस्थता न्यायालय, 1899 में यहां पर आपको बना। अब इसका मेन जो काम है, इसका मेन काम होता है दुनिया भर के देशों के बीच में या ऑर्गेनाइजेशन से उनके बीच में मांडवली कराना, उनके बीच में आर्बिट्रेशन कराना। ये दुनिया के सबसे पुराने ऑर्गेनाइजेशन में से आपको एक है। अगला जो ऑर्गेनाइजेशन है कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ऑफ द स्पोर्ट, स्पोर्ट या फिर जो खेल है उसके संबंध में कोई भी आर्बिट्रेशन हो गया, तो जॉन कैटोस कोटास है वो उसके चेयरमैन आपको है। स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, और 1984 में ये ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर आपको बनता है। किसके अंदर चलता है, तो इंटरनेशनल जो ओलंपिक कमीशन है ना, अंतर्राष्ट्रीय जो ओलंपिक संघ है उसके अंतर्गत इसका गठन किया, उसके अंतर्गत आपको गठन। तो कोई भी इंटरनेशनल कोई मुद्दा है, कोई भी आर्बिट्रेशन करने की जरूरत है, स्पोर्ट को लेके, खेल को लेके कोई विवाद हो गया, उसके निपटारे के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया है, याद रखिए। चलिए ओके, अगला जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है कॉमनवेल्थ, कॉमनवेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो कॉमनवेल्थ का जो गठन है उसका मेन मकसद यहाँ पे, जितनी भी कॉमनवेल्थ कंट्री, व्हाट इज अ कॉमनवेल्थ कंट्री, ऐसे कंट्रीज जो एक समय पे ब्रिटेन की गुलाम थी, यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड किंगडम की गुलाम थी, उन कंट्रियों का जो ग्रुप है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है कॉमनवेल्थ कंट्रीज। इंडिया इज अ मेंबर ऑफ द यूनाइटेड ऑफ द कॉमनवेल्थ, अमेरिका उसका मेंबर नहीं है, अमेरिका अंग्रेजों का गुलाम था, ब्रिटिश का गुलाम था, लेकिन वो उसका मेंबर नहीं है। हमारे भी कई बार आवाज उठती है कि हम भी क्यों मेंबर हैं, खैर हम तो हैं,
लंदन के अंदर इसका हेडक्वार्टर कब स्टैब्लिश हुआ, 1926 में एक बेलफोर डिक्लेरेशन हुआ, उस बेलफोर डिक्लेरेशन के माध्यम से गठन किया। साथ ही जो है जो कॉमनवेल्थ गेम्स भी आपको होते हैं, तो कॉमनवेल्थ गेम भी ये लोग ऑर्गेनाइज आपको करते हैं, ठीक है। तो इसका मेन काम है ये कहां पर आपको है, तो मतलब ये हुआ 1931 में इसको स्टैब्लिश लंदन के अंदर आपको स्थापित, तो लंदन डिक्लेरेशन हुआ 1949 में, जहां पर 1949 आते आते तमाम कंट्रीज ब्रिटेन से आजाद हो गई थी। उसके बाद ये बोला गया कि नहीं ये हम उनके ऊपर शासन नहीं करेंगे, हम लोग एक जैसे यूएन वगैरह है वैसी ऑर्गेनाइजेशन के रूप में फंक्शन आपको करेंगे। तो कब, 1926 के अंदर डिक्लेरेशन हुआ, बना 1931 के अंदर, और लंदन डिक्लेरेशन भी याद रखना। अगला ऑर्गेनाइजेशन है नाटो, है ना, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन बना 1949 में, 1949 में ब्रुसेल बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है, और इसके टोटल मेंबर है 31। अभी रिसेंटली जो फिनलैंड है वो फिनलैंड इसका मेंबर बना, फिनलैंड इसका मेंबर आपको बना, इसके चेयरमैन है जेंस आपका स्टॉलिंगर जो है उसके मेंबर है। 1949 में एक ट्रीटी हुई जिसको बोलते हैं वाशिंगटन कंसेंसस, व्हिच इज साइंड इन 1945। तो वाशिंगटन कंसेंसस हुआ, उस वाशिंगटन कंसेंसस के माध्यम से जो वेस्ट के जो 31 देश हैं उन लोगों ने मिलकर इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया। अब इसमें यह होता है कि अगर एक कंट्री जैसे नाटो कंट्री है, अमेरिका नाटो कंट्री, अमेरिका पे हमला सब देशों पे हमला माना जाएगा, तो 31 देशों का ग्रुप यहां पर है जिनमें से एक कंट्री पे हमला बाकी कंट्रीज पे भी अटैक या हमला यहां पर आपको माना जाएगा। तो इस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन नाटो, है ना। वही अपने पुतिन भैया से इनकी लड़ाई आपको चल रही है ना, कि पुतिन चाहते हैं कि अब ये देखो जब कोल्ड वॉर चल रहा है ना, शीत युद्ध जब चल रहा था दुनिया के अंदर, तो शीत युद्ध के टाइम पर ये तमाम ऑर्गेनाइजेशंस आपको बन, नाटो आपको बना। उस समय ये था कि वेस्ट और ईस्ट आप बोल सकते हो, या दो ग्रुप बन गए थे, यूएस और यूएसएसआर। तो यूएसएसआर जो है वो यूएसएसआर के खिलाफ कि रशिया कल से यूएसएसआर हमला ना कर दे हमारे ऊपर फिर से, इसलिए तमाम कंट्रीज इकट्ठे हुए और इन्होंने नाटो ग्रुप बना लिया। अब नाटो की जरूरत नहीं है, और ये सब मिलके वही जैसे फिनलैंड को शामिल कर लिया तो इस पर हमला हो सकता है, पुतिन नहीं करेगा, इतना बेवकूफ नहीं है। अगर पुतिन ने इसके ऊपर हमला किया नाटो के ऊपर, तो ऑब्वियस फिनलैंड के ऊपर, तो ऑब्वियस ही बात है फिर वॉर वॉर होना तय है, क्योंकि वो उनका मेंबर बन चुका है। यूक्रेन बनना चाहता था, उसने हमला कर दिया, यूक्रेन बेचारा बन ही नहीं पाया, अभी भी वो चाहता बन जाए लेकिन नहीं बनने दे रहे भाई साहब। ओके चलिए, तो अमेरिका नहीं मानता कि हम उनके गुलाम थे, वो बोलता हम गुलाम थे ही नहीं, तो वो 1775 में आजाद हो गया था तो वो बोलते नहीं, जब हमारे अंग्रेज आए थे तब स्टैब्लिश हुए थे प्रॉपर, तब वो वहां से चले गए थे, वो मानते ही नहीं है कि हम गुलाम है, वो नहीं मना करते। उसकी सोवनिटी थोड़ी अलग ही है, वो कैसे बन सकता है इसका मेंबर है। चलिए अगला जो ऑर्गेनाइजेशन है, सो नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन इट्स G7, ये पहले G8 हुआ करता था, G7 आपको बन गया। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में, इसको लाइब्रेरी ग्रुप भी कहा जाता है। तो एक लाइब्रेरी के अंदर 8 अलग अलग कंट्रीज के लोग इकट्ठे हुए और इन लोगों ने मिलकर 1973 के अंदर G8 बनाया था, ग्रुप 8 बनाया था। खैर बाद में उसको रशिया को बाहर कर दिया, रशिया ने जब क्रीमिया पे हमला किया था, क्रीमिया वाज आल्सो पार्ट ऑफ द यूक्रेन, उस पर जब रशिया ने हमला किया था इन्होंने उसको उठा के बाहर कर दिया, तब ये G7 यहां पर आपको बन गया, है ना। इसके अंदर जो कंट्रीज हैं कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट, जो बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं वो सब इसके मेंबर है। यूरोपियन यूनियन भी आपको शामिल है, ठीक है। तो कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट और यूरोपियन यूनियन अलग से एक मेंबर आपको है, पूरा ग्रुप आपको शामिल है। तो ये G7 कंट्री दुनिया के 7 सबसे शक्तिशाली जो कंट्रीज हैं, दुनिया के जो 7 शक्तिशाली देश हैं उनका ऑर्गेनाइजेशन आपको है। उसके बाद अगला जो ऑर्गेनाइजेशन इट्स कॉल्ड द G20, ग्रुप 20 आपको कहा जाता है। ये एस्टैब्लिश हुआ 1999 में, 1999 के अंदर एस्टैब्लिश हुआ। अब इसका मेन मकसद था कि G7 प्लस कुछ और कंट्रीज हैं जो दुनिया के बड़े देश हैं, ऐसे कंट्रीज जो डेवलपिंग इकोनॉमी है, विकसित अर्थव्यवस्था है, तो उन विकसित अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया जाए। और इसके लिए G20 का गठन किया 1999 में। ये बड़े खुशी की बात है कि इस साल इन 2023 वी आर द प्रेसिडेंट ऑफ G20, और G20 की जो समिट है वो हमारे इंडिया में हो रही है, MP में भी हुई अभी कई सारे समिट, फिर खजुराहो में, इंदौर में, भोपाल में, इंडिया के अंदर इस बार आपको हो रहा है। बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, तमाम जो 20 बड़े बड़े ना अमेरिका के, और वो पुतिन का नहीं पता आएंगे कि नहीं आएंगे, अमेरिका, जापान, रशिया, ब्रिटेन, तमाम 20 बड़े बड़े जो देश हैं दुनिया के, सबके हेड भारत में इकट्ठे होंगे। बहुत बड़ा जो ऑर्गेनाइजेशन आपको हो रहा है, ठीक है। अभी इसके चेयरमैन कौन है, तो अभी इसके चेयरमैन है नरेंद्र मोदी। तो जो भी कंट्री ऑर्गेनाइज करता है, इसके पहले इंडोनेशिया में था, वहां पे था इसके पहले वाला, तो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट वहां के चेयरमैन थे, वहां के पीएम, अभी नरेंद्र मोदी इसके चेयरमैन रहेंगे एक साल तक। अब कौन कौन से मेंबर है,
ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड स्टेट, इंडिया, रशिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, ये जो साल लिखा है वो लिखा है कब उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था, मीटिंग ऑर्गेनाइज किया था या कब उसको होस्ट किया था। फिर अर्जेंटीना, ब्राजील, मैक्सिको, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम, चाइना, इंडोनेशिया, जापान और साउथ कोरिया। तो ये तमाम जो मेंबर्स हैं, ये तमाम इसके यहाँ पर आपको मेंबर्स, भारत की जो प्रेसिडेंटशिप है वो 2023 में होगी। इंडिया के बाद ये नंबर जाएगा ब्राजील के पास अगले साल 2024 के अंदर। तो ये वही ऐतिहासिक क्षण है जब जो इंडोनेशिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने ये जो गोंग, उसको गोंग बोलते हैं, तो ये गोंग हमारे प्राइम मिनिस्टर को शिफ्ट किया, जिसके पास ये गोंग होगी वो उसका चेयरमैन होगा। तो वी गेट दैट गोंग। और इस पूरे साल ऐसे कई सारी जो इवेंट्स है G20 की पूरे भारत में होने वाले हैं। सच में ये साल हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, काफी यहाँ पर आपको महत्वपूर्ण यहाँ पर आपको है, ठीक है। हाँ, यूरोपियन यूनियन भी है ना, बिल्कुल है, ईयू है, वो ईयू अलग से मेंबर आपको है। क्या हो गया कैमरे के एंगल को? सही तो है, अच्छा इस कैमरे के, अच्छा ओके ठीक है। तो 20 मेंबर इसके याद कर लेना, G7+13, G7 आपने याद कर लिए, G7 याद कर लिया, 13 देश और याद कर लो तो G20 आपको हो गया। कोई ट्रिक नहीं होती भाई साहब, ये आपको नॉर्मली याद करना, बड़ी 20 बड़े देश हैं और वैसे ही याद हो जाएंगे। ओके, उसके बाद अगला जो ऑर्गेनाइजेशन है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF। अब FATF जो है इसके चेयरमैन है टी राजा कुमार, इंडियन ओरिजिन के हैं, 1989 में इसका विकास में बनाया गया, पेरिस फ्रांस के अंदर हेडक्वार्टर है, टोटल 39 मेंबर आपको हैं। अब देखो इनका मेन गाप क्या है कि पूरी दुनिया के अंदर जो वी कैन से कि जो मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह है या जो पैसे का गलत उपयोग है, मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह करना, उनके केसेस को पकड़ना, कंट्रीज को लिस्ट, जैसे ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट, ऐसे अलग अलग लिस्ट होते हैं, जैसे अभी पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में था, अमेरिका की मदद से बाहर निकल गया, ईरान हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया, सीरिया हो गया, सब ब्लैक लिस्टेड है, मतलब उनको कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लोन यहाँ पर आपको नहीं देगा, है ना। इंडिया इज ऑल्सो द मेंबर ऑफ द FATF, बट हम लोग ऐसे कोई ग्रे लिस्ट में, ब्लैक लिस्ट में नहीं है, हम लोग नॉर्मल मेंबर है, व्हाइट लिस्ट में आपको शामिल है। तो इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन काम है दुनिया भर के अंदर जो मनी लॉन्ड्रिंग है उससे बचना, और अगर किसी भी कंट्री को उसकी ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाता है तो उसको मिलने वाला जो पैसा है या जो भी उसको फंडिंग इंटरनेशनल मिलने वाली उसको थोड़ा कंट्रोल किया जाता है। अगर कोई भी कंट्री अगर ब्लैकलिस्ट में शामिल हो गई तो कोई दूसरा कंट्री उसको फिर लोन वगैरह यहाँ पर आपको प्रोवाइड नहीं करेगा। तो इसकी ब्लैकलिस्ट में आना बहुत बुरी बात है, और ईरान वगैरह इसके अंदर आपको है। तो इनका मेन मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग वगैरह इसको मैनेज करना। ओके, अगला जो ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन। अब ये कब बना? 2015 में आपको बना। कहां पर बना? पेरिस में आपको बना। हेडक्वार्टर कहां पर है? इंडिया में है। ये इकलौता ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर इंडिया में, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विच वाज द हेडक्वार्टर एस्टैब्लिश इन इंडिया, है ना, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। 2015 में एक बहुत इंपॉर्टेंट समिट हुई थी, उसका नाम था, इट्स कॉल्ड द पेरिस कॉन्फ्रेंस, पेरिस समिट हुई थी। तो जो यूनाइटेड नेशन की जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी COP जो है, COP जब हुआ था पेरिस के अंदर 2015 में, जो वेरी इंपॉर्टेंट, उसके अंदर हमको 2020 के बाद की जो दिशा है वो तय करनी थी। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन ये जो हुआ उस समय पर जो भारत के प्रधानमंत्री थे नरेंद्र मोदी, ये और जो फ्रांस के उस समय के जो प्राइम मिनिस्टर थे, इन लोगों ने मिलकर ये तय किया कि हम लोग इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन बनाएंगे। और ये सौर संगठन में क्या है, इस सौर संगठन के अंदर कि जो भी कंट्रीज हैं, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन तक है, कर्क रेखा से लेके मकर रेखा के बीच में जितनी भी कंट्रीज हैं, उन सभी कंट्रीज जो हैं इसके मेंबर आपको हो सकती है, जहां पर सूर्य का इंसुलेशन प्रॉपर आता है, तो उन कंट्रीज के अंदर जो सोलर रेडिएशन प्रॉपर आपको मिलेगा, इंसुलेशन प्रॉपर मिलेगा, तो वो लोग सोलर एनर्जी या सौर ऊर्जा का उपयोग करें, और इसके लिए तमाम टेक्नोलॉजी वगैरह आपको विकसित की जाएगी। तो उस समय अजय माथुर जो है अभी इसके अभी के समय पे इसके चेयरमैन, तो इंडियन मेंबर ही चेयरमैन होता है, इंडियन व्यक्ति, और हेडक्वार्टर आपके गुरुग्राम हरियाणा के अंदर आपको है, गुरुग्राम हरियाणा के अंदर, है ना, जिसको पहले गुड़गांव कहा जाता था अब उसको गुरुग्राम कहा जाता है। ओके, याद रखिएगा। हाँ, वो बहुत लंबी, वो पढ़ाएंगे उसको भी आगे पढ़ाएंगे। जैक स्पैरो पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर आ गया, अब नहीं है। अगला ऑर्गेनाइजेशन है संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, SCO। अब SCO जो है ये बनता है 15 जून 2001 में इसका फॉर्मेशन आपको हुआ। अब इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग में, और आपके जैंग मिंग जो है इसके चेयरमैन यहाँ पर आपको है। अब देखो इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन काम क्या है, जितने भी संघाई SCO, जैसे इंडिया और पाकिस्तान दोनों उसके मेंबर आपको है, ठीक है, और उसके अलावा रशिया, चाइना, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तमाम मेंबर्स इसके हैं। तो ये संघाई में कॉन्फ्रेंस हुआ था उस हिसाब से। अब इसको आप ये बोल सकते हो कि ये एशिया का नाटो है, है ना, मतलब ये बनाए इस तरह से गया, लेकिन इसमें दो भी ना विपक्षी पार्टियां, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, सब इसके अंदर आपको शामिल है।
सब मतलब ऑब्वियसली बात, हमारे तो दोनों दुश्मन है, वो हमको दुश्मन मानते हैं, हम उनको दुश्मन मानते हैं, तो ये तीनों कंट्रीज इसके हैं, तो वह बट वो एग्जैक्टली नाटो जैसा काम नहीं कर सकता। तो ये चाहता है चाइना कि नाटो जैसा काम करे, बट इट इज नॉट पॉसिबल। हमारे और चाइना के इंटरेस्ट जो है वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाली सिचुएशन है, नहीं हो सकता भाई साहब। उसके बाद अगला ऑर्गेनाइजेशन है ब्रिक्स है ना, तो ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। दुनिया की पांच सबसे ज्यादा उभरती इकोनॉमी या दुनिया के पांच सबसे बड़े जो डेवलपिंग नेशन है, इन कंट्रीज ने मिलके ब्रिक्स यहाँ पर आपको बनाया 2006 में, और ये समिट उसकी हुई 2009 में पहली बार। पहले इसको ब्रिक कहा जाता था, साउथ अफ्रीका मेंबर नहीं था, तो पहले ब्रिक था, फिर साउथ अफ्रीका आ गया, तो ब्रिक्स यहाँ पर आपको बन गया। कहाँ पर है हेडक्वार्टर? हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपके शंघाई चाइना में, ब्रिक्स टावर नाम की एक बिल्डिंग है शंघाई के अंदर इसका हेडक्वार्टर। इसी का एक बैंक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, जो भी बताया था दिलमा रोसेफ एज चेयरमैन, तो वो 2014 में आपको बना। ओके, तो ये ब्रिक्स बैंक आपको हो गया। उसके बाद ये हो गया पूरा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। आगे मध्य प्रदेश करंट अफेयर है, और अब 3 घंटा हो गया है, तो मध्य प्रदेश करंट अफेयर भी बहुत तबीयत से बनाया है, आपको मजा आ जाएगा एमपी करंट अफेयर पढ़ के, है ना? तो इसकी क्लास लेते हैं हम परसों, ठीक है? तो बहुत तबीयत से पूरा मतलब बहुत अच्छे से बनाया है पूरा एमपी करंट अफेयर भी, आपको पढ़ के मजा आ जाएगा। स्लाइड देखते जाओ। आपको सच में मजा आ जाएगा एमपी वाला पढ़ के, ठीक है? चलिए, तो आखिरी में वही बात कि अनअकैडमी के बड़ा इंपॉर्टेंट ऑफर आपको चल रहा है, और ये ऑफर है अनअकैडमी प्लस प्लस। अगर आप प्लस में नहीं है तो एक तो आप नॉर्मल सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कि 7 डे का एक ट्रायल आपको हो जाए, तो 7 डे के ट्रायल के लिए अनअकैडमी प्लस का उपयोग कर सकते हैं। इसको स्कैन करो, स्कैन करके 49 रुपीज पे करके अगले 3 दिनों तक, है ना, 15, 16, 17 तक ऑफर आपको है। 7 डेज तक अनअकैडमी का जो प्लस सब्सक्रिप्शन है इसको आप फ्री में उपयोग कर सकते हो सिर्फ 49 रुपीज में। ओके, उसके बाद जिद करके एक सीरीज आ रही है जहां पर मैं आपको यूनिट नंबर जो 7 है साइंस एंड टेक, तो साइंस एंड टेक वाला पूरा यूनिट पढ़ाने वाला हूँ। कल से बैच स्टार्ट हो रही है, और कल से इसकी क्लास है शाम को 5 बजे, 5 PM पे इसका क्लास आपको होगा। उसका जेल प्रेरी और वन रक्षक का एक बैच आता है, कंप्लीट एमपीजी के बैच, बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं स्टोर पे, कई सारी बैचेस अभी तक आ चुकी है। यू कैन गो एंड टेक अ प्लस सब्सक्रिप्शन, पवन लाइव कोड यूज करो, जो अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसी लेवल पे हम लोग प्लस में भी पढ़ाते हैं, और इंटरेस्टिंग तरीके से प्लस में चीजें आपको होती है। तो अभी जाके प्लस सब्सक्रिप्शन परचेज कर लो। जिद सीरीज, उसके अलावा विजयपथ सीरीज चल रही है, 6 मार्च, 13 मार्च, 20 मार्च, तमाम कोर्सेज हैं, अभी जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हो इस कोर्स को। चलिए, तो इस वीडियो के अंदर इतना ही, और आप लोगों ने काफी साथ यहाँ पे दिया इसमें। हाँ, जियो की होगी, जियो की होगी, ज्योग्राफी की होगी। टेलीग्राम चैनल है योर सिविल सारथी, इस पे आपको नोट्स मिल जाएंगे, इसके PDF मिल जाएगी, योर सिविल सारथी, SARTHI। ठीक है, तो ये जो पूरा कंटेंट था, ये पूरा कंटेंट है सारथी मैगजीन का, जो एनुअल मैगजीन अभी आने वाली है उसकी, तो वो पूरा सारथी का मैगजीन का ये पूरा कंटेंट उनके स्पॉन्सर था, तो होल कंटेंट स्पॉन्सर्ड बाय द सारथी मैगजीन, वो मेरी है। चलिए, ठीक है, थैंक यू।